देखो आज हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन स्टार्ट करेंगे कि ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल इसको बोलते हैं। हम लोग पढ़ रहे थे प्रीवियस दो क्लास में जो पढ़े थे उसमें हम लोग कौन सा पढ़े थे, वर्टिकल प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़े थे कि पार्टिकल को ऊपर फेंक दिया, ठीक ना। अब इसमें देखो किसी एंगल पे फेंकेगा, मतलब कि थीटा का वैल्यू न जीरो रहेगा न 90 रहेगा, थीटा का वैल्यू दोनों के बीच रहेगा, 60, 30, 45 स्टेप से 0 से 90 के बीच कुछ भी रहेगा। तो स्टेप ऑफ हम लोग को मोशन को हम लोग प्रोजेक्टाइल बोलते हैं। तो प्रोजेक्टाइल हम लोग को दो टाइप का होता है, एक वर्टिकल और एक ऑब्लिक। तो थीटा का वैल्यू 90 था तो उसको क्या बोलते हैं, वर्टिकल प्रोजेक्टाइल। इसको बोले थे मोशन अंडर ग्रेविटी। ये भी मोशन अंडर ग्रेविटी ही पढ़ रहे हैं, लेकिन हम लोग कौन सा प्रोजेक्टाइल पढ़ रहे हैं, ऑब्लिक, जिसमें थीटा का वैल्यू रहेगा हॉरिजॉन्टल से या वर्टिकल से दिया रहेगा और थीटा का वैल्यू रहेगा 0 से 90 के बीच। देखो इस टाइप से हम लोग मोशन हो रहा है, ये हम लोग को कुछ अल्फा एंगल दे दिया या थीटा दे दिया, यहाँ से एंगल हम लोग को कुछ रहेगा 0 से 90 के बीच, 30 हो सकता है, 60 हो सकता है, 15 हो सकता है, 75 हो सकता है, कुछ भी इस टाइप से। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल। इसमें देखो फाउंटेन, हम लोग फाउंटेन देखो ना, किसी पार्क में जाओगे तो फाउंटेन लगा रहता है, यहाँ से प्रोजेक्ट होता है किसी किसी एंगल पे, यहाँ से निकलता है, यहाँ से वाटर होता है, या यहाँ से निकलता है, यहाँ से जाता है। देखो ना, यहाँ से पानी निकल रहा है इधर जा रहा है, या इधर से निकल रहा है इधर जा रहा है, इस टाइप से। तो इस टाइप से प्रोजेक्टाइल मोशन देखो, ये नल से जो पानी ऊपर के एस्केप होता है फिर गिरता है, तो हम लोग कौन सा प्रोजेक्टाइल हुआ, ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल। देखो हम लोग इस टाइप से प्रोजेक्ट करते हैं किसी एंगल थीटा पर, देखो इसका मोशन कैसे हो रहा है, तो पहले ऊपर जा रहा है फिर हम लोग ऊपर से नीचे आ रहा है, इसको हम लोग कौन सा प्रोजेक्टाइल बोलेंगे, ऑब्लिक, जिसमें एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, डाउनवर्ड, और जी का वैल्यू बराबर हो जाएगा। छोटुआ फुटबॉल किक कर दिया किसी एंगल पे, हम लोग ये कौन सा प्रोजेक्टाइल हो जाएगा, ऑब्लिक, ठीक ना। जैसे बॉल को फेंकते हैं ना ऊपर को फेंक देंगे तो क्या बोलेंगे, वर्टिकल, किसी एंगल पे फेंक देंगे तो क्या बोलेंगे, ऑब्लिक। इस टाइप से हम लोग कोई पार्टिकल को प्रोजेक्ट कर दिए यहाँ से किसी एंगल थीटा पे, थीटा का एंगल क्या रहेगा, थीटा का एंगल 0 से 90 के बीच, इस टाइप से मोशन होगा। इसमें दोनों डायरेक्शन में मोशन होता है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में पार्टिकल चलेगा, वर्टिकल डायरेक्शन में भी चलेगा, तो दोनों सिमल्टेनियसली, इधर हॉरिजॉन्टल इस वाले कंपोनेंट से हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन मूव करेगा और इस वाले कंपोनेंट से वर्टिकल डायरेक्शन मूव करेगा, तो दोनों डायरेक्शन में से मोशन होता है सिमल्टेनियसली, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी एज वेल एज वर्टिकल डायरेक्शन में भी। जैसे हम लोग पहले पढ़े थे ना, ओनली हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में पढ़े थे कि कार चल रहा है, कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है, कोई ऊपर फेंके थे, फिर वर्टिकल डायरेक्शन में था, अब दोनों सिमल्टेनियसली चलेगा, हॉरिजॉन्टल एज वेल एज वर्टिकल। जो ऊपर से मान लिया कोई टावर से फेंक दिया इस तरह से हम लोग को, ऐसे हो गया, पहले टावर से हम लोग कैसे फेंक रहे थे, ऊपर या नीचे या छोड़ दे रहे थे, अब देखो किसी एंगल पे प्रोजेक्ट करेंगे तो ऊपर फेंकेंगे ना, ऐसे जाएंगे या फिर ऐसे जाएगा, ठीक है। देखो हम लोग ऊपर से हॉरिजॉन्टली फेंक दिया तो ऐसे गिरेगा, समझा, मतलब ऐसे फेंक देंगे, ऐसे फेंक देंगे तो ऐसे गिरेगा ना, ऐसे ऊपर से ऐसे फेंक देंगे तो ऊपर जाएगा, ऐसे जाएगा। देखो लाइव दिखाते हैं इसको कैच करना, तो लो देखो ऐसे फेंक रहे हैं किसी एंगल पे, और इसका पास देखना किधर जाएगा, देखना ऐसे गया तो ऐसे गया ना, ऐसे देखो इसके जैसा गया, ऐसे फेंक लाओ, हाँ फेंक दिया जी कदा, ये देखो ये फाउंटेन है, तो यहाँ से मान लिया किसी एंगल पे इजेक्ट होगा वाटर, तो बोलेगा ना मैक्सिमम एरिया कितना वेट कर गया, कितना भींग गया है, तो ये सर्कल में हम लोग जो एरिया होगा वो क्या जाएगा, भींगेगा इस तरह से। ये टावर से हॉरिजॉन्टली फेंक दिया था, ऐसे देख रहा था ना अभी, ऐसे गिर रहा था, ये इंक्लाइन प्लेन पे है, जैसे मान लिया पहाड़ पे जा रहा है, इधर से नीचे फेंक दिया था ऐसे हो गया, ऊपर से फेंक दिया तो नीचे आ जाएगा, दिख रहा है। सबसे डिफरेंट डिफरेंट सब क्या है, प्रोजेक्टाइल मोशन, कौन सा, ऑब्लिक, सब प्रोजेक्टाइल मोशन ही है। तो इस फिगर को बनाओ, तो एक कोई पार्टिकल है, इसका मास हम लोग को एम है, उसको वी नॉट स्पीड से फेंक दिया, या इसको वेलोसिटी बोल सकते हैं, थीटा एंगल पे,
जिस पॉइंट से हम लोग प्रोजेक्ट करते हैं ना उसको हम लोग क्या नाम देंगे, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। ये सब टर्म लिखेंगे, क्वेश्चन से मेंशन रहेगा। पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, जिस वेलोसिटी से प्रोजेक्ट कर दिए उसको हम लोग वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन। और जिस एंगल से प्रोजेक्ट करेंगे उसको हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। और जिस पॉइंट पे स्ट्राइक करेगा इसको क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑफ स्ट्राइक या टारगेट पॉइंट बोलेंगे। जो हमको यहाँ पे हिट करवाना था टारगेट था, हमको उस पॉइंट पे हिट पॉइंट करवाना था। ये सब टर्म न्यूमेरिकल क्वेश्चंस बनाओगे ना तो उसमें यूज क्या रहेगा, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन 10 मीटर पर सेकंड से, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इतना दे दिया। दिप ऑब्जेक्ट इज प्रोजेक्टेड ऑब्लिकली, ऑब्लिकली मतलब क्या होता है, थीटा का वैल्यू जीरो नहीं होना चाहिए, 90 नहीं होना चाहिए। देन मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट अकर इन बोथ डायरेक्शन, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल सिमल्टेनियसली। देन दिस टाइप ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज नोन एज प्रोजेक्टाइल मोशन या ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन बोलेंगे। सिंपली भी बोल सकते हैं प्रोजेक्टाइल या ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल। और ये जो हो गया, ये क्या हो गया, पाथ ऑफ पार्टिकल्स या ट्रेजेक्ट्री बोलेंगे इसको, समवेयर इसको। ट्रेजेक्ट्री बोलते हैं ये वाई एक्सिस को हम लोग बोलते हैं, जानता है ना, वर्टिकल। कभी एंगल दे देगा वर्टिकल से एंगल दे देगा, मान लिया तो मतलब वाई एक्सिस से एंगल दे देगा। और इसको एक्स एक्सिस को हम लोग क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल, जानता है ना, हॉरिजॉन्टल। जैसे टर्म है, अरे देखो ये पाथ, हम लोग इस पाथ पे पार्टिकल चल रहा है तो पाथ पे किसी भी पॉइंट पे वेलोसिटी का डायरेक्शन चाहिए तो क्या करते हैं, टेंजेंट ड्रॉ करते हैं जिस पॉइंट पे हम लोग वेलोसिटी चाहिए। जैसे इस पॉइंट से फेंके तो ऐसे टेंजेंट ड्रॉ किए, इस पॉइंट पे वेलोसिटी चाहिए तो इस पॉइंट पे क्या करेंगे, टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। बताया था ना किनेमेटिक्स में, हम लोग इस पॉइंट पे वेलोसिटी, पॉइंट पी पे वेलोसिटी इधर हो जाएगा। इसे पॉइंट ए थे टेंजेंट ड्रॉ किए थे, पॉइंट पे वेलोसिटी ए हो गया इधर हो गया। ये पॉइंट बी था तो इधर हम लोग को टेंजेंट ड्रॉ किए तो पॉइंट बी पे वेलोसिटी इधर हो गया। सी पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो सी पे हम लोग ऐसे हो जाएगा, तो वेलोसिटी सी पे ऐसे हो जाएगा। तो किसी भी पाथ पे समझे वेलोसिटी का डायरेक्शन चाहिए किसी भी पॉइंट पे तो उस पॉइंट पे क्या करते हैं, टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। तो जो टेंजेंट का डायरेक्शन होता है उस पॉइंट पे वही वेलोसिटी का डायरेक्शन होता है, ऑलरेडी जानते हो पहले से, इसमें कोई नया नहीं है। जो पहले पढ़े हो ना उसी का एप्लीकेशन। अब इसमें ना दो अजम्पशन हम लोग लेते हैं, जैसे तुम लोग बैडमिंटन खेले हो, जैसे हवा नहीं चलता तो मान लो इधर से मारोगे तो ऐसे जाएगा, उधर से मारोगे ऐसे आएगा, इस टाइप के सिमेट्रिकल पाथ से। लेकिन मान लो उधर से हवा चल रहा है, इधर से मारोगे ना तो ऊपर ऐसे जाएगा, अचानक ऐसे गिर जाएगा, है ना, ऐसे जाएगा लेकिन अचानक गिर जाएगा। मतलब उधर से हवा चल रहा है ऐसे तो उधर जाने नहीं देगा, मतलब ऊपर जाएगा फिर नीचे गिर जाएगा। जिसमें दो अजम्पशन हम लोग लेके पढ़ते हैं, पहला अजम्पशन तो ऑलरेडी तुम लोग वर्टिकल प्रोजेक्टाइल मोशन में बताए थे कि ग्रेविटेशन एक्सेलेरेशन, मतलब एक्सेलेरेशन ड्यू टू अर्थ जो होता है ना एवरीवेयर कॉन्स्टेंट लेना है और ऑलवेज वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट होता है। ऐसे तो बताए थे ना एक्सेलेरेशन पॉइंट टू पॉइंट क्या करता है, हाइट के साथ वेरी करता है। बताए थे याद है फॉर्मूला, बताया था जी हम लोगों जो किसी हाइट पे होगा, जी एट सरफेस डिवाइडेड बाई वन प्लस एच वाई आर का होल स्क्वायर। इसमें हम लोग रेडियस ऑफ ए अर्थ होता है 6400 किलोमीटर होता है, हम लोग कितना फेंकेंगे पार्टिकल को, 0.001 किलोमीटर, 0.2 किलोमीटर, तो 0.2 किलोमीटर को डिवाइड करोगे 6400 किलोमीटर तो क्या हो जाएगा, जीरो के आसपास हो जाएगा। तो सरफेस पे हम लोगों जो लेते हैं नियर सरफेस, हम लोग को ग्रेविटेशनल एक्सेलेरेशन जो हमेशा कॉन्स्टेंट मानते हैं और ऑलवेज किधर एक्ट करता है, वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो पहला जंक्शन तो यही है जो ऑलरेडी वर्टिकल प्रोजेक्टाइल मोशन में बताया था। तो ग्रेविटेशनल एक्सेलेरेशन ड्यू टू अर्थ नियर द सरफेस ऑफ अर्थ इज अज्यूम्ड टू बी कॉन्स्टेंट एंड ऑलवेज एक्ट इन वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन, मतलब हर पॉइंट पे जी किधर एक्ट करवाना है, वर्टिकली डाउनवर्ड। जिस समय पार्टिकल को फेंक रहेंगे उस समय भी
जिसमें पार्टिकल हाईएस्ट पॉइंट पे होगा उस समय भी, जिसमें पार्टिकल ऊपर से नीचे आ रहा होगा उस पॉइंट भी, और जिस समय स्ट्राइक किया होगा उस समय भी, और जिस समय किसी एक पार्टिकुलर हाइट पे होगा, मान ली कोई पॉइंट पी हो गया, यहाँ भी जी किधर एक्ट करवाना है, वर्टिकली डाउनवर्ड, समझे, जी हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट करवाना है। और इसका जी का वैल्यू बताए थे ना, ऐसे तो हम लोग 9.8 लेते हैं, मतलब होता है 9.8, लेकिन हम लोग को सिंपल कैलकुलेशन के लिए हम लोग क्या लेते हैं 10, और फीट में कितना लेते हैं 32 फीट पर सेकंड स्क्वायर। और क्वेश्चंस में लोग गिवेन रहेगा तो हम लोग को जी का वैल्यू कितना लेना है 10, सिंपल कैलकुलेशन के लिए। और दूसरा जम्पशन ये है कि जो एयर रेसिस्टेंस जो होता है ना उसको हम लोग नेगलेक्ट कर देंगे। जैसे देखो अगर हम लोग ये वाला जो पाथ है ना विदाउट एयर रेसिस्टेंस, और ये वाला पाथ क्या है एयर रेसिस्टेंस, जैसे बोले थे ना कि मान लिया उधर से हवा चलेगा तो मारोगे कॉर को ना तो ऊपर से ऐसे जाएगा सडनली गिर जाएगा, ऑब्जर्व किया है ऐसे जाएगा और ऐसे गिर जाएगा, तो ये हम लोग एयर रेसिस्टेंस जब काउंट करते हैं तो, और ये एयर रेसिस्टेंस हम लोग नेगलेक्ट करते हैं तो, एयर रेसिस्टेंस निकले करते हैं ना तो ये हाईएस्ट पॉइंट के बाद जो पाथ होता है ना सिमेट्रिकल हो जाता है, समझे, जो देख रहा था ना ये हाईएस्ट पॉइंट के बाद पाथ क्या था सिमेट्रिकल, मतलब जितना डिस्टेंस इधर था उतना ही डिस्टेंस इधर था, जितना टाइम यहाँ से यहाँ जाने में लेगा उतना ही टाइम इधर से इधर जाने में लेगा, लेकिन इसमें देखो एयर रेसिस्टेंस पाथ सिमेट्रिकल है नहीं ना है, देखो इसमें ज्यादा हो गया इधर कम हो गया, तो इसको दोनों पॉइंट को लिख लेना। ये हम लोग को विदाउट एयर रेसिस्टिव फोर्स, फोर्स लगाता है ना एयर, देखा बहुत तेज हवा चल रहा है साइकिल बैठ गया उधर ही हवा चल रहा है तो बिना पैंडल मारे चल गया, अरे ये विथ एयर रेसिस्टेंस है, रेसिस्टेंस मतलब समझता है ना जी अपोज करना, मोशन को अपोज करता है, तो ये वाला लाइन जो हो गया सिमेट्रिकल हो गया। इस पॉइंट के बाद ना इस लाइन के बाद ना ये पाथ हम लोग को सिमेट्रिकल हो जाएगा, जैसा ऐसा होगा वैसा ही उधर हो जाएगा। और इस पाथ को क्या नाम देते हैं जानते हैं ना जी, पैराबोला का था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ बताए थे ना जी, यू शेप दैट इज कॉल्ड पैराबोला, या तो डाउनवर्ड यू शेप हो सकता है अपवर्ड यू शेप हो सकता है, तो एयर रेसिस्टेंस को इफेक्ट हम लोग मानेंगे तो ऐसा होगा, और एयर रेसिस्टेंस को नेग्लेक्ट कर देंगे मतलब वैक्यूम होगा तो ऐसा होगा, समझे, हाईएस्ट पॉइंट के बाद सिमेट्रिकल होगा, जैसा जितना हम लोग को डिस्टेंस इधर होगा उतना ही डिस्टेंस इधर होगा, लेकिन इसमें देख रहा ना इसमें ज्यादा डिस्टेंस इधर इधर कम डिस्टेंस, जितना टाइम यहाँ से यहाँ जाने के लगेगा उतना ही टाइम वहां से वहां जाने के लगेगा। तो दो अजम्पशन है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नियर द सर्फेस ऑफ अर्थ, मतलब की हाइट बहुत कम रहेगा जो भी तुम लोग प्रोजेक्टाइल इसमें देगा, तो जी का वैल्यू हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट करवाना है, और हम लोग जी का ये वैल्यू है डिफरेंट डिफरेंट यूनिट में। और ये हम लोग का एक और अजम्पशन है कि एयर रेसिस्टेंस को हम लोग काउंट नहीं करना, ठीक है। अब लिखो कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन, तो जिस वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किए उसका कंपोनेंट हम लोग निकालना है, तो ये वी नॉट वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किए थीटा एंगल पे, तो देखो किसी वेक्टर को हम लोग लिखते हैं ना जी, अरे लड़का इधर देखो किसी वेक्टर को हम लोग लिखते हैं, जैसे इसको लिखेंगे ना एक्स कंपोनेंट इंटू आई का वाई कंपोनेंट इंटू जे का, प्रोजेक्शन में लिखना सीखे थे ना वेक्टर ए को लिखते थे ना एक्स आई का प्लस बी वाई जे का, वेक्टर बी को बी एक्स आई का प्लस बी वाई जे का, दो ही कंपोनेंट लिखे कि टू डी मोशन है ना, प्रोजेक्टाइल मोशन जो होता है ना टू डी होता है, तो इसमें एक्स कंपोनेंट क्या होगा और ये वाई कंपोनेंट क्या होगा, तो देखो ये हम लोग वी नॉट वेलोसिटी से किसी एंगल थीटा पे फेंक दिए, तो एक्स एक्सिस के लॉन्ग जो कंपोनेंट होता है उसको क्या बोलते हैं वी नॉट एक्स, तो ये वाला जो हो जाएगा हम लोग कितना हो जाएगा जी वी नॉट एक्स, और वाई एक्सिस के लॉन्ग जो कंपोनेंट होता है
उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वी नॉट वाई, वी नॉट वाई। तो इसमें देखो, इसमें वी एक्स वी नॉट एक्स का वैल्यू कितना होगा बता देगा, बता थे तुम लोगों, कंपोनेंट निकालना नहीं याद है, जिधर हम लोगों कंपोनेंट निकालना रहता उधर घूमते हैं, तो इधर हमको निकालना है तो कितना एंगल से घूमे थीटा, उसमें कोसाइन लगा दिए और उसके मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई कर दिए, तो हम लोग कितना एंगल से घूमे थीटा, उसमें कोसाइन लगा दिए कॉस थीटा और इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा वी नॉट, तो वी नॉट से मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक है। और हम लोग को इधर घूमना है तो इधर कितना, तो बताया थे ना इधर हम लोग कॉस थीटा, इधर कितना हो गया साइन थीटा, तो इधर 90 माइनस थीटा, तो कॉस 90 माइनस थीटा कितना हो गया साइन थीटा, और इसके मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई कर दें, सीखा ना वेक्टर में सब। तो वी नॉट एक्स हम लोग इतना ले लें, तो किसी भी टाइप ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन डील करेंगे ना तो सबसे पहले उसका इनिशियल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी को लिखना है, वी नॉट एक्स कितना हो जाएगा वी नॉट कॉस थीटा, यहाँ पे हमेशा नहीं होगा ये, हॉरिजॉन्टल से हम लोग प्रोजेक्ट करेंगे ना थीटा एंगल पे, हॉरिजॉन्टल से एंगल लिए तब ऐसा होगा, और अकॉर्डिंग टू सिचुएशन तुम देख लेना, ठीक है। तो यहाँ पे वी नॉट एक्स के जगह पे और क्या लिख सकते हैं, वी नॉट कॉस थीटा आई का लिख सकते हैं ना, और वी नॉट वाई को क्या लिख सकते हैं, वी नॉट साइन थीटा जी का। तो जो वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन आया वी नॉट कॉमन हो जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं कॉस थीटा आई का प्लस साइन थीटा जी का, ये वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन हो गया और ये उसका कंपोनेंट हो गया, ये क्या हो गया कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, और ये हम लोग को वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन हो गया, वी नॉट मतलब वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन और वी नॉट एक्स वी नॉट वाई कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन। हम देखो एक एग्जांपल लेते हैं, मान लिया वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन तुमको दे दिया एट आई का प्लस सिक्स जे का, समझे इतना मीटर पर सेकेंड, समझा, जिसका मतलब वी नॉट एक्स का वैल्यू कितना हो गया 8 हो गया और वी नॉट वाई का वैल्यू कितना हो गया 6 हो गया, और इससे तुमको एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पूछते, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन हम लोग को निकालना जानता है ना, जैसे यहाँ से मान लिया डिवाइड कर दोगे तो टैन थीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा, ऑलरेडी पढ़े हो वी वाई बाई वी नॉट एक्स हुआ ना, इसमें से इसमें डिवाइड कर देंगे तो कितना बच जाएगा टैन थीटा वी नॉट वाई बाई वी नॉट एक्स, तो टैन थीटा मतलब कितना हो गया कोफिशियंट ऑफ जे का डिवाइडेड बाई कोफिशियंट ऑफ आई का, तो ये कितना हो गया हम लोग को 3/4, तो थीटा का वैल्यू कितना हो गया 37 डिग्री, पता है टैन 37 का वैल्यू 3/4। तो कभी मान लिया वेक्टर फॉर्मेट में ऐसा दे दिया, तो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन हम लोग को इनिशियल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी से हम लोग ऐसे निकाल सकता है v नॉट y बाई वी नॉट एक्स कोफिशियंट ऑफ j का डिवाइडेड बाई कोफिशियंट ऑफ i का। अब लिखना कंपोनेंट ऑफ एसलेशन, अब देखो तुम लोगों ये बताया थे ना कि एसलेशन किसी भी पॉइंट पे g एक्ट करवाएंगे तो वर्टिकली डाउनवर्ड, ठीक है ना, यहाँ पे हो चाहे यहाँ पे हो, तो हम लोगों किसी वेक्टर को लिखते हैं मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन, तो जी मैग्नीट्यूड हो गया और इसमें डायरेक्शन कितना हो गया माइनस जे का हो जाएगा, क्योंकि हम लोग को ऊपर कौन सा है बाई एक्सिस, और बाई एक्सिस के यूनिट वेक्टर को हम लोग क्या बोलते हैं जे का, तो हम लोग को एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी किधर ऑलवेज एक्ट करवा रहे हैं वर्टिकली डाउनवर्ड, तो किसी वेक्टर को लिखते हैं ना मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन, तो ये एक्सेलरेशन ही है ना, तो एक्सेलरेशन है तो हम लोग को उसका मैग्नीट्यूड लिख दिया, अरे डायरेक्शन लिख दिया, तो इसको हम लोग एक्सेलरेशन माइनस जी इंटू जे का लिख देंगे, इतना समझ में। अब देखो किसी एक्सेलरेशन को हम लोग लिख सकते हैं ना एक्स इंटू आई का प्लस ए वाई इंटू जे का, तो यहाँ से दोनों को इक्वेट करेंगे, इक्वेट करेंगे तो हम लोग क्या लिख सकते हैं एक्स का वैल्यू जीरो हो जाएगा एंड ए वाई का वैल्यू माइनस जी हो जाएगा, समझ में आया ना, इसका कोफिशियंट यहाँ पे जीरो हो गया ना,
देखो दूसरा तरीका से हम लोग ऐसे निकाल सकते हैं, एक तो ऐसे निकाल सकते हैं, देखो ये जी जो है वो हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बना रहा है 90, तो उसका एक्स कंपोनेंट लिखना है, तो उधर घूमे कितना एंगल से घूमे 90, उसमें कोसाइन लगा दिए और उसके मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई कर दिए, तो जी कॉस 90 का वैल्यू कितना हो जाएगा 0, ठीक है, इसका वैल्यू 0, तो एक्स कंपोनेंट में कॉस, तो वाई कंपोनेंट में साइन, मैग्नीट्यूड में सेम, एंगल में सम, और इसका इफेक्ट हम लोग किधर है, निगेटिव वाई डायरेक्शन में, इसलिए इसके आगे हम लोग क्या लगा देंगे माइनस साइन, और साइन 90 का वैल्यू 1, तो इसका वैल्यू कितना हो गया माइनस, ऊपर से लिख दिया, तो या तो हम लोग वेक्टर में लिख दिए या तो हम लोग ऐसे लिख दिए, सब तरीका से लिख रहे हैं कि हर कहीं पे ऐसा यूज आता है, कहीं पे ऐसे लिखने के लिए यूज आता है। देखो इसमें एक्स का वैल्यू कितना आया 0, तो एक्स को हम लोग लिखते हैं ना डी वी एक्स बाई डी टी, तो डी वी एक्स बाई डी टी हम लोग को 0 है, मतलब किसी का डिफ्रेंसिएशन 0 है, मतलब वो क्वान्टिटी क्या होता है कॉन्स्टेंट होता है, तो किसी टाइम टी पे मान लिया वी एक्स, इनिशियल टाइम पे वी इनिशियल कितना था वी नॉट एक्स, अब वी नॉट एक्स का वैल्यू कितना था वी नॉट कॉस थीटा, मतलब एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी हमेशा इस प्रोजेक्टाइल मोशन में क्या रहेगा कॉन्स्टेंट, मतलब एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी कभी भी चेंज नहीं होगा, लेकिन वाई डायरेक्शन में हम लोगों कॉन्स्टेंट नहीं रहेगा, वाई डायरेक्शन में हर मोमेंट पे चेंज होगा, नहीं समझा, किसी का डिफ्रेंसिएशन 0 जी तो वो क्वांटिटी क्या होता है कॉन्स्टेंट, है ना, कॉस्टेंट को डिफ्रेंशिएट करते हैं तो 0 आता है ना, तो ये कॉस्टेंट मतलब क्या हो गया इनिशियल इक्वल टू फाइनल, तो फाइनल इक्वल टू इनिशियल, और इनिशियल कितना था वी नॉट कॉस थीटा, इनिशियल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी था ना जी वी नॉट कॉस थीटा, तो इस प्रोजेक्टाइल मोशन में एक्सेलरेशन जो होगा हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड होगा, और देखो ये हम लोग एक कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन आ गया ना, चूंकि जी का वैल्यू कॉन्स्टेंट है तो ये कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन आ गया, मतलब इक्वेशन ऑफ मोशन हम लोग अप्लाई कर सकते हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन हम लोग अप्लाई कर सकते हैं कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन के अंदर, ड्राइव किया था ना फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, ये कब अप्लाई करते थे जब एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट थ्रू आउट द मोशन कॉन्स्टेंट रहता था, इसमें हर मोमेंट में एक्सेलरेशन किधर होगा कॉन्स्टेंट, हमेशा किधर एक्ट होते रहेगा वर्टिकली डाउनवर्ड, इसलिए हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन इसमें अप्लाई करके वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट जो भी निकालना आप निकाल सकते हो। हाँ सुन में, तो इसमें एक्सेलरेशन हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड रहेगा और कॉन्स्टेंट मैग्नीट्यूड करेगा, डायरेक्शन भी हमेशा डाउनवर्ड रहेगा, इसलिए एक्सेलरेशन थ्रू आउट द मोशन कॉन्स्टेंट होगा, तो हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन हम लोग अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना, और हम लोग को एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन 0 हो गया जिसके कारण एक्स डायरेक्शन में कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी कभी भी चेंज नहीं होगा, हर मोमेंट पे एक्स डायरेक्शन वेलोसिटी कितना रहेगा वी नॉट कॉस थीटा, लेकिन वाई डायरेक्शन में एक्सेलरेशन हम लोग को लगेगा, तो हम लोग वाई डायरेक्शन में हम लोग क्या होगा वेलोसिटी हमेशा चेंज होता रहेगा, जैसे यहाँ से यहाँ तक हम लोगों क्या होगा डीएसलेटेड मोशन होगा, होगा यहाँ से यहाँ कौन सा मोशन होगा डीएसलेटेड, क्योंकि पार्टिकल का वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन में चेंज हुआ नहीं, तो वाई डायरेक्शन का वेलोसिटी किधर है ऊपर, एक्सेलरेशन किधर हो गया नीचे, तो यहाँ से यहाँ तक हम लोगों को क्या होगा वेलोसिटी ऊपर रहेगा और एक्सेलरेशन नीचे रहेगा, तो यहाँ से यहाँ डीएसलेटेड मोशन हो गया, तो डीएसलेटेड मोशन होते होते हम लोग पार्टिकल क्या हो जाएगा रुक जाएगा, इस पॉइंट पे जो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी रहेगा वो क्या हो जाएगा 0 हाईएस्ट पॉइंट पे, अब फिर हम लोग को वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों हो गया सेम डायरेक्शन में, ठीक है ना, इधर ही वी वाई हो जाएगा इधर ही जी हो गया, वेलोसिटी का कंपोनेंट को लिखेंगे ना एक कंपोनेंट इधर और एक कंपोनेंट इधर, तो इधर वाला तो कंपोनेंट हर पॉइंट पे कॉन्स्टेंट रहेगा, ठीक है, लेकिन इधर हम लोग तो यहाँ से यहाँ कौन सा मोशन होगा डीएसलेटेड मोशन, फिर यहाँ से कौन सा मोशन होगा एक्सेलरेटेड मोशन, डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलेरेट करेगा, समझे, यहाँ लोग अपर डायरेक्शन में जो जा रहा है उसका हम लोग को वेलोसिटी हर पॉइंट पे वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी घट रहा है, और घटते घटते कहाँ पे पहुंच जाएगा 0 पे, और फिर हम लोग एक्सेलरेशन डाउनवर्ड लग रहा था इसलिए उसको डाउनवर्ड डायरेक्शन में फिर एक्ट करवा देगा, तो अब हम लोग ये इनिशियल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी और एक्सेलरेशन पढ़े, अब किसी टाइम टी पे वेलोसिटी निकालेंगे, चूंकि एक्स कंपोनेंट कॉन्स्टेंट रहेगा लेकिन वाई कंपोनेंट चेंज होता रहेगा, तो किसी टाइम टी पे हम लोग को एक कितना हो जाएगा एक्स कंपोनेंट तो हम लोग सेम रहा, तो बाई कंपोनेंट का वैल्यू निकालने के तो हेडिंग डालना वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट एनी टाइम टी, क्योंकि हम लोग हर एक टाइम पे वेलोसिटी अलग अलग हो जाएगा ना, तो वेलोसिटी हर एक पॉइंट पे क्या रहेगा अलग अलग रहेगा,
क्योंकि ओनली एक्स कंपोनेंट ही कॉन्स्टेंट रहा, वाई कॉन्स्टेंट नहीं रहा, इसलिए वेलोसिटी क्या रहेगा, चेंज होता रहेगा। एक्सीलरेशन भी कॉन्स्टेंट हो गया, एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी भी कॉन्स्टेंट हो गया, लेकिन वाई कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी हर पॉइंट पे चेंज होने के कारण वेलोसिटी हर पॉइंट पे चेंज होते रहेगा। तो उसी का वैल्यू हमको निकालना है कि किसी टाइम टी पे कितना होगा। तो सपोज के लिए किसी टाइम टी पे यहाँ पे गया, तो इस पॉइंट पे वेलोसिटी का डायरेक्शन किधर होगा, टेंजेंट के लॉन्ग। इस पॉइंट को टी बोल दिए, ठीक ना, ये हम लोग को क्या आ गया, टाइम टी इक्वल टू टी पे, पॉइंट पी जो हो गया किसी टाइम टी पे। तो इसका दो कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी होगा ना, एक हम लोग इधर वाला हो जाएगा वी एक्स, और एक हम लोग इधर वाला हो जाएगा वी वाई। ये क्या हो जाएगा हम लोग को, वी वाई, इसको दो कंपोनेंट लिखेंगे ना, वी एक्स एंड वी वाई। तो वी एक्स तो ऐसे मान लिया, वी एक्स तुम निकालना चाहते हो तो हम लोग इस वाले फॉर्मूला से निकालेंगे, वी एक्स इक्वल टू क्या लिख देंगे, वी नॉट एक्स प्लस एक्स इंटू टी, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। तो वी नॉट एक्स का वैल्यू कितना निकाले थे, वी नॉट कॉस थीटा अभी बताए थे ना, और एक्स का वैल्यू कितना निकाले थे, जीरो, और टी कितना था, टी तो कुछ टाइम होगा, तो ये कितना आ गया, वी नॉट कॉस थीटा। तो देखो इस वाले इक्वेशन से आ गया ना हम लोग एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी वी नॉट कॉस थीटा, ये टाइम से क्या आ गया, इंडिपेंडेंट आ गया। तो हर मोमेंट पे एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी क्या रहेगा, कॉन्स्टेंट रहेगा, समझे। जैसे मान लिया ये हाईएस्ट पॉइंट पे, तो हाईएस्ट पॉइंट पे हम लोग को वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी कितना हो गया, जीरो। तो वनली जो वेलोसिटी होगा एक्स कंपोनेंट होगा, और एक्स कंपोनेंट का वेलोसिटी कितना रहता है हर पॉइंट पे, वी नॉट कॉस थीटा। तो ये हाईएस्ट पॉइंट हुआ, नहीं ये को हम लोग थोड़ा सा ज्यादा ऊपर लिख दिए, यहाँ लिख देना तो ये पॉइंट ही है, ये पॉइंट पे वर्टिकल कम, चूंकि इधर टेंजेंट ड्रॉ करें तो क्या हो रहा है, हॉरिजॉन्टल, तो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी कितना हो गया, जीरो। तो इस पॉइंट पे वेलोसिटी पूछेगा तो कितना हो जाएगा, वी नॉट कॉस थीटा। तो हाईएस्ट पॉइंट पे पार्टिकल का वेलोसिटी कितना रहता है, वी नॉट कॉस थीटा, क्योंकि वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी क्या हो गया, जीरो। बताते ना कोई भी पार्टिकल ऊपर तब तक जाते रहेगा जब तक उसका वेलोसिटी जीरो नहीं होगा। तो जैसे ऊपर ऊपर जाने का वेलोसिटी क्या था, वी वाई, तो जैसे वी वाई जीरो होगा वो पॉइंट क्या हो जाएगा, हाईएस्ट, उसके बाद क्या होगा, नीचे गिरना स्टार्ट होगा। तो हाई ये क्या हो गया वेलोसिटी, एट हाईएस्ट पॉइंट पे कितना पूछेगा तो बताना, वी नॉट कॉस थीटा, लिख दें वेलोसिटी एट हाईएस्ट पॉइंट, मान लिया पॉइंट ए है तो इसको लिख देंगे वी नॉट कॉस थीटा। एक बार नीट के एग्जाम में डायरेक्ट पूछा था रिलेशन, कि हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी कितना होता है, तो याद रखना वी नॉट कॉस थीटा। अभी हम लोग एक्स कंपोनेंट तो निकाल लिए, तो वाई कंपोनेंट निकाल लेंगे। तो फिर से फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लिखेंगे वाई डायरेक्शन में, ये सभी क्वेश्चन तो लोगों ड्राइव करके बताए थे ना 2D 3D में, तो हम लोग कौन सा मोशन पढ़ रहे हैं, 2D, समझो ये कौन सा मोशन हो रहा है, 2D हो रहा है। तो वी नॉट वाई का वैल्यू कितना निकाले थे, वी नॉट साइन थीटा, और ए वाई का वैल्यू कितना बताए थे, माइनस जी, और ये कितना हो गया, टाइम। तो वी वाई का वैल्यू कितना हो गया, वी नॉट साइन थीटा और माइनस जी इंटू टी, ये हो गया वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी निकल गया। अब देखो जैसे एवरी मोमेंट पे टी का वैल्यू क्या होगा, चेंज होगा, तो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी एवरी मोमेंट क्या होगा, चेंज होगा। हम लोग जहां से प्रोजेक्ट करते हैं ना, ये ऑरिजिन है पता है ना, और जहां जिस समय प्रोजेक्ट किए ना पार्टिकल को, वहीं पे स्टॉपवॉच ऑन कर लिए, तो टी का वैल्यू कितना हो गया, जीरो। और यहाँ पे पॉइंट पी पे पहुंचा तो टी का वैल्यू कितना हो गया, टी, कोई वैल्यू, टी का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, 2 सेकंड, 4 सेकंड, 1 सेकंड, 1184 सेकंड, वो भी हो सकता है। तो अब ये तो हम लोग निकल गया, तो हम लोग इसको लिख लेंगे, वेलोसिटी हम लोग जनरल लिख लेते हैं वेक्टर फॉर्मेट। तो वी को लिखे था अभी बताते थे ना, वी एक्स आई का प्लस वी वाई जे लिख सकते हैं ना। तो एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी कितना निकला, वी नॉट कॉस थीटा इंटू आई का, और वाई कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी कितना निकाले, वी नॉट साइन थीटा माइनस जी इंटू टी इंटू जी का, तो ये निकल गया वेलोसिटी एट टाइम टी।
ये वेलोसिटी एट टाइम टी, किसी टाइम टी पे वेलोसिटी पूछेगा तो हमको इतना होगा, और स्पीड पूछेगा तो जान ही रहे क्या करेंगे, इसका मॉडुलस निकाल लेंगे। किसी टाइम टी पे तुमको स्पीड पूछ देगा तो मॉडुलस निकाल लेंगे, और किसी टाइम टी पे पूछेगा ना कि बताओ ये वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बना रहा है, तो इस एंगल को क्या नाम देते हैं हम लोग, थीटा नाम दे दिए ना, इधर चलो फाई लिख देते हैं, फाई समझ में आ जाएगा ना, तो फाई हो गया। तो टाइन फाई का वैल्यू कितना निकलेगा बताओ, वी वाई वाई वी एक्स लिखते हैं ना, कोफिशियंट ऑफ जे का डिवाइडेड बाई कोफिशियंट ऑफ आई का, देखो ये थीटा बन, ये ट्रायंगल बन रहा है ना जी, तो वी वाई यहाँ हो जाएगा ना, वी वाई ए या वी एक्स ए, तो टाइन थीटा इक्वल टू होता है ना, टाइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस, तो वहां से भी लिख सकते हो, या वेक्टर से कोफिशियंट ऑफ जे का डिवाइडेड बाई कोफिशियंट ऑफ आई का, तो ये टाइन फाई हो गया, तो वी वाई का वैल्यू कितना हो गया जी, वी नॉट साइन थीटा माइनस जी टी, और वी एक्स का वैल्यू कितना हो गया, वी नॉट कॉस थीटा हो गया। ये एंगल क्या निकल गया, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी वी एट टाइम टी, ये टाइम टी पे हो गया। तो किसी टाइम टी पे पूछ देगा बताओ वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बना रहा है, इतना डायरेक्शन ऑफ वी एट एनी टाइम टी फ्रॉम क्या लिख देंगे, हॉरिजॉन्टल, ये है ना, ये फाई कहाँ से लिए, हॉरिजॉन्टल से, इस लाइन को बोलते हैं ना जी हॉरिजॉन्टल, तो हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल पे जा रहा है, फाई एंगल पे, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल भूल क्या गया चलो जी, ये हम लोगों को क्या होता है हॉरिजॉन्टल है ना, ये वाला क्या होता है हॉरिजॉन्टल, और ये वाला क्या होता है वर्टिकल, और ये हम लोगों को वेलोसिटी है, तो कौन सा एंगल ले रहे हैं हम लोग, ये वाला है ना, ये वी है, तो वेलोसिटी का डायरेक्शन हो गया है कहाँ से, हॉरिजॉन्टल से। देखो इसको एक फॉर्मेट में और लिखते हैं, नोट कर लिया ना तू लोग, जो वेलोसिटी है ना उसको ब्रेक कर दें थोड़ा, वी नॉट कॉस थीटा आई का प्लस वी नॉट साइन थीटा जे का माइनस जी टी इंटू जे का, इधर समझ में आया, इसको जे का से मल्टीप्लाई कर दिया जी। अब देखो v इक्वल टू हम लोग को v नॉट cos थीटा i का प्लस sin थीटा j का प्लस g इंटू माइनस j और इंटू t, इसको प्लस करके माइनस g इंटू t लिख दिया, समझ में आया जी कि नहीं आया है ना, इसको जी माइनस जो है ना उसके माइनस जे के साथ कर लिए और जी इंटू टी कर लिए, इसको अभी क्या बताया था तू लोग, बताया था ना अभी कोच, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन वी नॉट, और इसको कभी इसको क्या लिख सकते हैं, वेक्टर जी लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं वेक्टर जी, जैसे ये वेक्टर जी होता है ना जी, वेक्टर जी इधर एक्ट करवाते हैं ना, तो इसको हम लोग इंसलेशन बोल दिए, इस एक्सलेशन को मतलब जी हो गया, और जी को हम लोग लिख सकते हैं ना जी इंटू माइनस जे का, यहाँ पे ए नहीं लिख के जी लिख दिए, एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जी जो होता है एक्सलेशन होता है ना जी, तो मैग्नीट्यूड इंटू डायरेक्शन वेक्टर, किसी वेक्टर को लिखते हैं ना मैग्नीट्यूड इंटू डायरेक्शन, तो एक फॉर्मेट ए बताए हैं, एक फॉर्मेट ए बताए हैं, किसी टाइम टी पे ए बताए हैं, और इसी को हम लोग किसी टाइम टी पे ऐसे लिख सकते हैं। देखो जे मेन 2023-22 का क्वेश्चन है, देखो ए प्रोजेक्टाइल इज लॉन्च एट एन एंगल अल्फा, थीटा के जहाँ पे वो क्या दे दिया अल्फा, विथ ए हॉरिजॉन्टल विथ वेलोसिटी कितना है 20 मीटर पर सेकंड, आफ्टर 10 सेकंड इट्स इंक्लाइनेशन विथ हॉरिजॉन्टल बीटा, तो फाई अभी जो मानने थे ना हम लोग एंगल उसका कितना दे दिया बीटा, तो वैल्यू ऑफ टैन बीटा पूछ रहा है,
नहीं निकल जाएगा, अभी तो बताए थे। अरे गधा, टैन फाई का वैल्यू था ना जी, वी नॉट साइन थीटा माइनस जी टी डिवाइडेड बाई वी नॉट कॉस थीटा था। अब वो जो हम फाई माने थे ना उसको क्या वो बोल दिया है बीटा, और वी नॉट का वैल्यू कितने दिया है द 20, और थीटा का वैल्यू कितना दिया है अल्फा, और जी का वैल्यू कितना दिया है 10, और टाइम दे दिया है 10, और ये हम लोग को कॉस अल्फा ऐसा पूछ दिया है। तो 20-20 तो कैंसिल आउट हो जाएगा ना, यहाँ पे बचेगा साइन अल्फा और यहाँ बच गया माइनस फाइव डिवाइडेड बाई कॉस अल्फा, तो ये हो जाएगा साइन बाई कॉस, तो टैन अल्फा माइनस फाइव सेक अल्फा, तो टैन अल्फा माइनस फाइव सेक अल्फा दैट इक्वल टू बी आंसर। देखो डायरेक्ट नोट्स से जेएमएन 2023 का क्वेश्चन, खाली भरी चेंज कर दिया, फाइव जो लेते थे उसके जहाँ पे बीटा ले लिया है, जो थीटा लेते थे उसके जहाँ पे अल्फा ले लिया, तो जो पढ़ाते वही पूछता है। तो अरे कहता तुम लोग क्वेश्चन वही नहीं करता क्या अभी तक जी, क्वेश्चन ही लिखना है, क्वेश्चन सब दिया हो क्वेश्चन वही। समझ में नहीं आया, 20 कॉमन लिए समझ में आया ना जी, इतना बम्बर तो नहीं है, 3 महीना मैथ पाया तुम लोगों। और फिर हम लोग को a माइनस बी बाई सी, तो a बाई बी माइनस होता ना जी, a माइनस बी बाई सी, a बाई सी माइनस बी बाई सी, इसको बनाओ तो ये प्रोजेक्टाइल इज प्रोजेक्टेड एट 30 डिग्री फ्रॉम हॉरिजॉन्टल विथ इनिशियल वेलोसिटी इतना दिया, तो वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल इतना फ्रॉम द स्टार्ट बिल्कुल, तो ये हम लोग को v का वैल्यू वही बताया थे ना, v नॉट साइन थीटा सॉरी हाँ जी कॉस थीटा इंटू आई का प्लस वी नॉट साइन थीटा माइनस जी टी इंटू जे का, तब इसमें वैल्यू पुट कर दो, वी नॉट का वैल्यू कितना दिया हुआ है 40 और थीटा का वैल्यू कितना दिया हो जी 30 कॉस 30 आई का, और ये हम लोग कितना हो गया 40 और साइन 30 और जी का वैल्यू 10 और टी का वैल्यू कितना दिया हुआ 2 इंटू जी का, तो हो जाएगा 40 इंटू रूट 3 बाई 2 और 40 इंटू 1 बाई 2 माइनस 20 ये तो 0 हो जाएगा ना जी, 20 रूट 3 आई का, तो ये हो जाएगा आंसर, ये 0 नहीं हुआ ना समझ में आया, 20 माइनस 20 0 हो गया, जिसका माइंड छूट पूछ रहा है। अगर ऑप्शन में आई कैप जे कैप देता तो ये भी रहता, मान लिया ऑप्शन में आस बना के दे देता, तो उसके लिए हम लोग उसको डिफाइन करता कि इधर हम लोग एक्स माने इधर हम लोग बाई माने, तो फिगर ना देने के चक्कर में ओनली माइंड छूट पूछ दिया। एक इसको बनाओ तो एक पार्टिकल है इसको थीटा से प्रोजेक्ट कर दिया और स्पीड इनिशियल भी दिया हुआ वी नॉट, तो इसको कितना से प्रोजेक्ट कर दिया है थीटा से, टी का वैल्यू 0 पे और वेलोसिटी कितना दिया हुआ है वी नॉट, तो पूछ रहा है फाइंड द टाइम बताइए एट विच वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन, तो किस टाइम पे वेलोसिटी जो है वो परपेंडिकुलर हो जाए किसके इनिशियल वेलोसिटी का, तो ये डायरेक्शन किसका है इनिशियल वेलोसिटी का है ना जी वी नॉट, इसी डायरेक्शन में प्रोजेक्ट किया गया ना, तो ये डायरेक्शन क्या हो गया इनिशियल वेलोसिटी का, तो देखो किसी टाइम टी पे वेलोसिटी जो है वो क्या बोल रहा है इनिशियल वेलोसिटी का परपेंडिकुलर, अब दो वेलोसिटी या दो वेक्टर परपेंडिकुलर है इसका मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए देखो यहाँ फिगर में अगर तुम दिखाना चाहते हो तो इसके परपेंडिकुलर एक पॉइंट लो
है ना, इसके परपेंडिकुलर ये डायरेक्शन हो गया किसका, इनिशियल वेलोसिटी का। और मान लीजिए इस पॉइंट पे आके कोई टाइम टी के वैल्यू टी पे वेलोसिटी यहाँ पे ड्रॉ करेंगे तो कैसे हो जाएगा, टेंजेंट। तब यही वेलोसिटी, ये वेलोसिटी हम लोगों को क्या हो गया, परपेंडिकुलर। तो देखो इस पॉइंट पे जाके हम लोगों को क्या हो जाएगा, वेलोसिटी जो होगा वो इनिशियल वेलोसिटी का परपेंडिकुलर हो जाएगा। समझ में आया? अब दो वेलोसिटी का दो वेक्टर है, यहाँ पे क्या कंडीशन दिया हुआ है कि वी जो है किसी टाइम टी पे वो इनिशियल वेलोसिटी का परपेंडिकुलर। तो दो वेक्टर परपेंडिकुलर होता है तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या ले लेते हैं जी, जीरो लेते हैं ना, पता है ना, दो वेक्टर परपेंडिकुलर मतलब उसका डॉट प्रोडक्ट जीरो। अब देखो इस वेलोसिटी को किसी टाइम टी पे तुमको लिख के बताए थे कितना, एक फॉर्मूला बताए थे ना, वी नॉट प्लस जी इंटू टी इंटू वी नॉट इक्वल टू जीरो, बताए थे वेलोसिटी का दो फॉर्मूला। कौन से फॉर्मूला से तुम बनाया छोटू, इस फॉर्मूला से कि दूसरा वाला, दूसरा वाला से बनाया ना ठीक। अब देखो इसको डॉट प्रोडक्ट कर लेते हैं, तो वी नॉट डॉट वी नॉट प्लस जी डॉट वी नॉट इंटू टी और इक्वल टू जीरो। डॉट प्रोडक्ट में निश्चित ए प्लस बी डॉट सी, तो इसको इससे डॉट प्रोडक्ट ले लिए, फिर इसको इससे डॉट प्रोडक्ट ले लिए, तो वी नॉट डॉट वी नॉट कितना होता है, वी नॉट स्क्वायर। अब इसमें देखो जी किधर एक्ट होता है, वर्टिकली डाउनवर्ड, ये एंगल कितना होता है 90 डिग्री, तो वी नॉट एंड जी के बीच एंगल कितना बनेगा, 90 प्लस थीटा। अब देखो दो वेक्टर है ए एंड बी, उसके बीच एंगल कितना बना, 90 प्लस थीटा, तो दो वेक्टर ए डॉट बी रहता तो लिखते ना ए बी कॉस थीटा, तो यहाँ पे लिख देंगे जी इंटू वी नॉट इंटू कॉस थीटा, थीटा का जहाँ पे 90 प्लस थीटा इंटू टी इक्वल टू जीरो, तो ये वी नॉट हो जाएगा। कॉस 90 माइनस थीटा कितना होता है, माइनस साइन थीटा इक्वल टू जीरो, तो वी नॉट एक वी नॉट तो क्या आ जाएगा, गायब हो गया। अब यहां से देखो टी निकल जाएगा ना, तो वी नॉट इक्वल टू कितना हो गया, जी साइन थीटा इंटू टी, तो टी का वैल्यू कितना निकल गया, वी नॉट बाई जी साइन थीटा, यही हो गया। तो ये क्वेश्चन आई ई रोडोम का है और इसको जे एडवांस वाला कॉपी किया था, मतलब ओरिजिनल क्वेश्चन ये ई रोडोम का है, तो उस टाइम को डायरेक्ट याद भी रख सकते हो कितना टाइम के बाद वेलोसिटी क्या हो जाता है, परपेंडिकुलर v नॉट बाई जी साइन थीटा, और डिफरेंट डिफरेंट वहां पे एंगल रहेगा तो डिफरेंट डिफरेंट टाइम आएगा, डिफरेंट डिफरेंट वेलोसिटी से प्रोजेक्ट करेंगे तो डिफरेंट डिफरेंट टाइम आएगा। इसको देखो एक दूसरा फॉर्मूला से ऐसे बना सकते हो, एक फॉर्मूला और बताए थे ना, तो मान लीजिए ये वाला फॉर्मूला याद नहीं रहेगा तुमको, मान लीजिए ये वाला फॉर्मूला याद नहीं है, तो एक फॉर्मूला और बताए थे ना, क्या बताए थे, v नॉट cos थीटा इंटू आई कैप प्लस वी नॉट साइन थीटा माइनस जी टी इंटू जी का, इससे थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, थोड़ा ज़्यादा लिखना पड़ेगा, इंटू ये हो गया वी के जहाँ पे लिख दिए, अब वी नॉट के जहाँ पे बताए थे ना वी नॉट कॉस थीटा आई का प्लस वी नॉट साइन थीटा जे का इंटू क्या हो जाएगा जीरो। अब डॉट प्रोडक्ट ले लोगे, गधा इंटू गधा और घोड़ा इंटू घोड़ा, तो वी नॉट कॉस थीटा वी नॉट कॉस थीटा कितना हो गया, वी नॉट स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा हो गया, फिर से मल्टीप्लाई करो तो ये कितना हो जाएगा, वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस जी इंटू वी नॉट साइन थीटा इंटू टी, ये तो इधर हम लोग कितना बच गया, वी नॉट स्क्वायर, और उसको उधर लेके चल जाओ तो वी नॉट साइन थीटा इंटू टी, तो वी नॉट कैंसिल, तो टी का वैल्यू कितना हो गया, वी नॉट बाई जी साइन थीटा, जिसमें थोड़ा सा कम सोचना पड़ेगा याद रहेगा, तो खाली फॉर्मूला वी का वैल्यू याद रखना, वी नॉट का वैल्यू बताया थे तो डॉट प्रोडक्ट लेना, इस थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है लेकिन उसमें कम थोड़ा लिखना पड़ेगा। तो दो मेथड हो गया, ये अल्टरनेट मेथड बता दिए, तो इसको ऐसे ही प्रोसीड कर सकते हो, ऐसे ही प्रोसीड करते हो। अभी दोनों फॉर्मूला बताए थे ना, एक फॉर्मूला ये बताए थे एक फॉर्मूला ये बताए थे किसी टाइम टी पे, तो दोनों फॉर्मूला का यूज करके हम बता दिए। हम देखो कुछ टाइम
टर्म्स है जो ऑलरेडी तुम लोगों वर्टिकल प्रोजेक्टाइल मोशन ने बताया थे, टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ असेंट, टाइम ऑफ डिसेंट। तो डिफ्यूजन वगैरह सब वही है, लिख लो। तो जितना टाइम पार्टिकल हवा में रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट। याद है डिफ्यूजन बता दिए थे उसमें, तो वी नॉट से प्रोजेक्ट कर दिए थीटा एंगल पे, जहाँ से प्रोजेक्ट किए वहीं पे ऑरिजिन मान लिए और जिस समय प्रोजेक्ट किए वहीं पे स्टॉप वॉच ऑन कर लिए। तो देखो यहाँ से प्रोजेक्ट किए और कहाँ तक हवा में रहा, यहाँ तक। तो यहाँ से यहाँ हम लोग को जो टाइम लगेगा ना, यहाँ पे मान लिया कैपिटल टाइम टी बोलते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट को कैपिटल टाइम टी से इंडिकेट कर दिए। यहाँ से डिस्टेंस को ना हॉरिजॉन्टल रेंज बोलते हैं, अभी पढ़ा रहे इसका भी डेफिनेशन। तो देखो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा जी, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट आर कॉमा जीरो हो जाएगा, सी का नहीं पता चला, यहाँ पे जीरो कॉमा जीरो हो गया। तो एक्स एक्सिस है ना, तो एक्स एक्सिस से वाई कोऑर्डिनेट कितना, जीरो, और ये वाला डिस्टेंस कितना हो गया आर, तो ऑरिजिन से आर चले तो आर कॉमा जीरो। समझ में आया कोऑर्डिनेट, ठीक। तो इसमें ये सब तो टर्म लिख के बता ही दिए थे, वी नॉट कॉस थीटा, वी नॉट एक्स हो जाएगा, वी नॉट वाई कितना हो जाएगा, वी नॉट साइन थीटा, एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा जीरो, और ये वाई का वैल्यू माइनस। तो ग्राउंड से प्रोजेक्ट करेगा ना, तो चारों टर्म हमेशा सेम रहेगा, ग्राउंड से प्रोजेक्ट करेगा, थीटा एंगल कहाँ से रहेगा, हॉरिजॉन्टल से। तो देखो हम लोग को बताए थे तुम लोग को ना कि टाइम ऑफ फ्लाइट लगाना है, निकालना, तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन देखो यूज करें, डेल्टा वाई वाई माइनस वाई नॉट, वाई डायरेक्शन में वी नॉट बाई टी प्लस हाफ ए बाई इंटू टी स्क्वायर। जैसे वन डायमेंशन रहता तो यहाँ पे ओनली वी नॉट लिख देते थे, ए बाई के जहाँ पे ए लिख देते थे, लेकिन यहाँ पे टू डायमेंशन मोशन है ना, तो एक्स एंड वाई कंपोनेंट को इंडिकेट करना पड़ेगा। तो देखो टाइम टी पे बाई फाइनल कोऑर्डिनेट कितना हो गया, जीरो, और टाइम टी का वैल्यू जीरो पे इनिशियल कोऑर्डिनेट कितना हो गया, जीरो। तो देखो बाई फाइनल कितना हो गया, जीरो, इनिशियल भी कितना हो गया, जीरो, और वी नॉट बाई का वैल्यू कितना है, वी नॉट साइन थीटा, और टाइम टी स्मॉल टी का वैल्यू कितना पुट कर देंगे, कैपिटल टी, और ए बाई का वैल्यू कितना पुट कर देंगे, माइनस जी, ऊपर लिखा हुआ, इंटू टी स्क्वायर। इधर जीरो हो गया, इधर टी कॉमन हो जाएगा, इधर बचेगा वी नॉट साइन थीटा और माइनस जी टी बाई टू, हो गया ना। अच्छा टी कॉमन ले लेंगे ना, तो टी तो जीरो होगा नहीं, जीरो टाइम में तो पहुंच नहीं जाएगा, हनुमान जी तो है नहीं कि यहाँ पे गायब हो गया, वहां पे प्रकट हो गया। तो यहां से हम लोग कितना होना पड़ेगा, जी टी बाई टू का वैल्यू समय रहना कितना हो जाएगा, वी नॉट साइन थीटा है ना, इसको जीरो कर लिए, तो जीरो करेंगे तो जी टी बाई टू इजल टू वी नॉट साइन थीटा, तो टी का वैल्यू कितना निकल गया जी, टू वी नॉट साइन थीटा बाई जी। इस फॉर्मूला को याद रखना है। तो देखो पहला वाला फॉर्मूला, देखो थीटा के जहाँ पे 90 डिग्री पुट कर दो, मान लिया वर्टिकल फेंकेंगे तो थीटा के जहाँ पे कितना हो जाएगा 90, तो थीटा के जहाँ पे 90 तो साइन थीटा कितना 1, तो उसमें वर्टिकल प्रोजेक्टाइल मोशन में टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला कितना बताया थे, टू वी नॉट बाई जी। इसमें जितना भी फॉर्मूला ड्राइव करेंगे ना, थीटा के जहाँ पे 90 डिग्री पुट कर दोगे तो कौन सा फॉर्मूला बन जाएगा, वर्टिकल प्रोजेक्टाइल मोशन वाला। अब टाइम ऑफ एसेंट, ऊपर जाने का जो टाइम होता है उसको क्या बोलते हैं, टाइम ऑफ एसेंट, ऊपर से नीचे आने का जो टाइम होता है उसको क्या बोलते हैं, डिसेंट। तो ये वाला टाइम को यहाँ से यहाँ जाने का जो टाइम था टाइम ऑफ एसेंट, और यहाँ से यहाँ जाने का जो टाइम था उसको क्या बोलते थे, टाइम ऑफ डिसेंट। जैसे सब टर्म बताया हुआ है, तो इस पॉइंट पे वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी कितना हो जाएगा, जीरो, जब टी का वैल्यू कितना लिखेंगे, टी ए, तो ए भी लिख लो, देख लो। तो यहाँ पे वी वाई का वैल्यू कितना हो जाएगा, जीरो। तो देखना ए वाला इक्वेशन लगाएंगे, देखो फर्स्ट इक्वेशन मोशन वाई डायरेक्शन में कितना होता है, तो इतना होता है ना, तो हाईएस्ट पॉइंट पे जाने का जो टाइम होता है, हाईएस्ट पॉइंट पे वर्टिकल कंपोनेंट वेलोसिटी कितना हो गया, जीरो। इधर देखो ना जी, बाद में लिखना, टाइम दे रहे ना, तो लोग खाली छापने पर लगा रहता। और ए बाई का वैल्यू कितना है, माइनस जी, और टी के जहाँ पे क्या पुट कर लेंगे, टी ए, तो ये जीरो हो जाएगा, वी नॉट साइन थीटा और माइनस जी इंटू टी ए, तो जी इंटू टी ए का वैल्यू कितना लिख देंगे, वी नॉट साइन थीटा।
तो टी का वैल्यू निकालना हमको ना, तो टी ए का वैल्यू कितना हो जाएगा, वी नॉट साइन थीटा बाई जी हो गया, देखो इसका आधा हो गया, इसको लिख सकते हैं ना टाइम ऑफ फ्लाइट का आधा टाइम, देखो यही रिजल्ट उसमें आता था ना, यहाँ थीटा का जवाब भी कितना कर दोगे 90, तो वी नॉट बाई जी, तो टाइम ऑफ एसेंट प्लस टाइम ऑफ डिसेंट मिलके क्या हो जाएगा टाइम ऑफ फ्लाइट, तो ये टी बाई टू निकला, तो ये टी डी हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा टी, तो टी डी का वैल्यू कितना निकला टी बाई टू, तो देखो टाइम ऑफ एसेंट इक्वल टू क्या हो गया टाइम ऑफ डिसेंट दैट इक्वल टू टी बाई टू, दैट इक्वल टू फॉर्मूला याद रखेंगे वी नॉट साइन थीटा बाई जी, ये सब सब टाइम निकल गया। तो यहां से यहां जाने का जो टाइम होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट, जिसका फॉर्मूला टू वी नॉट साइन थीटा बाई जी होगा, और यहां से हाईएस्ट पॉइंट तक जाने का जो टाइम होगा उसको क्या बोलेंगे टाइम ऑफ एसेंट, और हाईएस्ट पॉइंट से ग्राउंड पे वापस आने का जो टाइम होगा उसको टाइम ऑफ डिसेंट। और इसमें बताया था ना ये हाईएस्ट पॉइंट के वॉट क्या होता है समेट कर, जितना टाइम यहाँ से यहाँ जाने के लेगा उतना ही टाइम उतना से नीचे आने का टाइम लगेगा, तो इसलिए दोनों हम लोग को सेम आ गया टाइम ऑफ फ्लाइट का आधा। अब हम लोग मैक्सिमम हाइट रेंज निकालते हैं, तो हॉरिजॉन्टल रेंज लिखना, तो ये बताया थे ना कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो डिस्टेंस ट्रेवल होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं हॉरिजॉन्टल रेंज, तो ये थीटा पे प्रोजेक्ट किए थे वी नॉट से, ये वाला हाइट सॉरी हाइट निकाल, ये वाला हाइट को मैक्सिमम हाइट बोलेंगे और इस डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलेंगे हॉरिजॉन्टल रेंज, टी का वैल्यू जीरो पे ऑरिजिन से प्रोजेक्ट कर दिए थे, यहाँ पे टी का वैल्यू कैपिटल टी था, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट आर कॉमा जीरो हो जाएगा, तो देखो ये हाईएस्ट पॉइंट के अबाउट सिमेट्रिकल होगा ना, तो जितना हम लोग ये डिस्टेंस इधर होगा उतना ही डिस्टेंस इधर हो जाएगा, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा जी आर बाई टू कॉमा एच, समझ में आया, और इस पॉइंट पे जो वेलोसिटी होगा पॉइंट ए पे ओनली कौन सा वेलोसिटी होगा एक्स कंपोनेंट वाला, दैट इक्वल टू कितना हो जाएगा वी नॉट कॉस थीटा, और वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इस पॉइंट पे क्या हो जाएगा जीरो, तो एट हाईएस्ट पॉइंट पे लिख देंगे, अच्छा हॉरिजॉन्टल रेंज पहले निकाल रहे हैं तो हॉरिजॉन्टल रेंज वाला लिख देते हैं, तो हॉरिजॉन्टल रेंज निकालने का वही सेकंड इक्वेशन हम मोशन लगाएंगे एक्स डायरेक्शन में, चूंकि एक्स डायरेक्शन में डिस्टेंस ट्रेवल किया हुआ है ना, समझे जो डिस्टेंस ट्रेवल किया गया एक्स डायरेक्शन में, तो एक्स माइनस एक्स नॉट वी नॉट एक्स टी प्लस हाफ एक्स इंटू टी स्क्वायर, देखना इधर, तो देखो एक्स जो एक कोऑर्डिनेट होता है टाइम टी पे होता है, तो टाइम टी पे कोऑर्डिनेट कितना है एक्स कोऑर्डिनेट आर है ना, कैपिटल टाइम टी पे एक्स कोऑर्डिनेट कितना है आर, और टी का वैल्यू जीरो पे एक्स कोऑर्डिनेट कितना है जीरो, तो ये वाला हम लोग को डिस्टेंस आर रख देंगे और ये वाला जीरो रख देंगे, समझ में आया, वी नॉट एक्स का वैल्यू कितना होता है वी नॉट कॉस थीटा, और वहाँ पे टाइम कितना हो जाएगा कैपिटल टी, और एक्स का वैल्यू कितना होता है जीरो इंटू टी स्क्वायर, तो ए रेंज का फॉर्मूला हो गया वी नॉट कॉस थीटा इंटू टी, तो देखो एक फॉर्मूला तो हम लोग को ऐसे हो जाएगा, और अभी तुम लोग को टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला बताए थे ना, क्या बताए थे टू वी नॉट साइन थीटा बाई जी, इस वाले फॉर्मूला को उसमें यूज करके निकाल लेंगे, वो कितना आया वी नॉट कॉस थीटा इंटू टी, टी के जगह पे यहां से हम लोग पुट कर लेंगे, तो टू वी नॉट साइन थीटा बाई कितना हो जाएगा जी, तो देखो ये वी नॉट कितना हो गया वी नॉट स्क्वायर, देखो टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है ना साइन टू थीटा डिवाइडेड बाई कितना हो गया जी, तो ये हम लोग को रेंज का फॉर्मूला हो गया, तो रेंज का दो फॉर्मूला,
एक ए और एक ए। अब देखो मैक्सिमम हाइट, तो हाईएस्ट पॉइंट ऑफ ट्रेजेक्ट्री जो होता है ना उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैक्सिमम हाइट। तो एट मैक्सिमम हाइट जो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी होगा वो कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो देखो इसके लिए ना थर्ड इक्वेशन मोशन बाई डायरेक्शन में लगाते हैं। यहाँ पे डेल्टा बाई लिखते हैं ना, डेल्टा बाई मतलब बाई फाइनल माइनस बाई इनिशियल, ये तो जीरो हो गया। और इनिशियल हम लोग कितना आता है, वी नॉट साइन थीटा इंटू होल स्क्वायर। और ए बाई का वैल्यू कितना लिखते हैं, माइनस जी। देखो बाई कंपोनेंट यहाँ पे हाईएस्ट पॉइंट पे कितना है, कैपिटल एच, इनिशियल बाई कंपोनेंट बाई कोऑर्डिनेट कितना है, जीरो। कैपिटल एच माइनस जीरो लिख देंगे यहाँ पे, तो ये जीरो हो जाएगा। और ये हम लोग हो गया वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस टू जी एच। अब टू जी एच को इधर लेके आ जाएंगे तो प्लस हो जाएगा। और ये हम लोग को मैक्सिमम हाइट निकल गया वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई टू जी। तो ये मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला हो गया और ये रेंज का फॉर्मूला हो गया वी नॉट स्क्वायर साइन टू थीटा बाई जी। दो फॉर्मूला इधर बताया, दोनों याद रखना। देखो वी नॉट स्क्वायर कॉमन होता है, यहाँ पे जी जी भी कॉमन होता है। यहाँ पे देखो साइन स्क्वायर थीटा होता है और ऊपर में साइन, यहाँ पे साइन टू थीटा होता है, इसमें हम लोगों जी के जगह पे टू जी होता है। तो इसको लिख लेना, कैसे कैसे लिखे हो नहीं पता चला का जी, पहला में फिगर बना लेना, पहला में ही लिख लेना और दूसरा में ही लिख रहा डिफरेंशियल लिख के, इसको बाद में लिखना, इसके बाद लिखे हैं। ये फॉर्मूला समझा ना, यहाँ पे ये टू होता है ना, टू इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा साइन टू थीटा, ये बताया था साइन टू थीटा का फॉर्मूला, टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। उसी के जब टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा को साइन टू थीटा लिख दिए। लिख लिया ना, देखो कुछ क्वेश्चन है इसको बनाना है, देखो तो उसको बनाओ। तो देखो ना, कंसीडर पार्टिकल प्रोजेक्टेड एट 200 मीटर पर सेकेंड एट एंगल ऑफ 53 डिग्री फ्रॉम ओरिजिन। तो पूछा टाइम ऑफ फ्लाइट बताइए, मैक्सिमम हाइट बताइए, रेंज बताइए। तो ये हम लोग को वी नोट का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 200, और एंगल हम लोग कितना दिया हुआ, 53 डिग्री फ्रॉम हॉरिजेंटल से। हॉरिजेंटल मतलब ये वाला एंगल, ये एंगल जरूर देख लेना जी कि हॉरिजेंटल से मान लीजिए इसी को लिख देता वर्टिकल से, तो ये 53, तो ये वाला कितना हो जाता है, 37। तो ध्यान देखना, कभी वर्टिकल से कर देता है कभी हॉरिजेंटल से। तो मान लीजिए 53 देता वर्टिकल से, ये वाला कितना होता है, 37। तो थीटा का वैल्यू 53 ना लेके 37 लेते हैं, समझाना। तो हम लोग को क्या पूछा है, टाइम ऑफ फ्लाइट। तो टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला भी बताए थे ना, टू वी नॉट साइन थीटा बाई जी, जिसमें वैल्यू पुट कर दो, वी नॉट का वैल्यू 200 है और थीटा का वैल्यू कितना है, 53, और इसका वैल्यू 10। तो ये हम लोग को कैंसिल कर लोगे तो कितना हो जाएगा, 40। साइन 53 का वैल्यू होता है ना 4/5, 32 आ जाएगा ना। तो ये हम लोग को 8 से कैंसिल आउट हो गया, तो 32 सेकेंड। फिर मैक्सिमम हाइट, तो मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला क्या बताए थे, वी नॉट साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। तो ये हम लोग को 200 हो गया और होल स्क्वायर साइन स्क्वायर 53 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 10। यहाँ से कैलकुलेट कर लेगा ना, तो 200 इंटू 200 इंटू 4/16/25 लिख दोगे ना जी, इंटू 20 साइन 53 हुआ ना, 4/5, तो 4/5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16/25। तो ये इसे कट कर देंगे और ये कितना हो जाएगा, 8 से 16 इंटू 16 कितना हो गया, 256।
कितना मीटर हो गया आया था तुम लोगों 2560। फिर हम लोग को क्या निकालना है, रेंज। तो रेंज का फॉर्मूला ऑलरेडी एक और फॉर्मूला बताया था, उसको यूज कर लेना, क्योंकि हम लोग को टाइम ऑफ फ्लाइट निकाले हैं, समझा। तो वी नोट दिया हुआ 200 और एक कॉस 53 दिया हुआ, और टी का वैल्यू कितना हो गया 32। तो 200 इसका वैल्यू कितना होता है जी, 3/5। तो ये कितना निकल जाएगा 40। तो कितना हो जाएगा छोटू बताओ, 32 × क्या, अच्छा 2 नीचे बच गया था जी, हाँ जी, तो इसको आधा करना पड़ेगा जी, कितना आधा हो जाएगा बताओ, 1200, 2 बच गया था नीचे, और उसको कितना आ जाएगा, कितना 38। सही कैलकुलेट किया है ना, इसको बनाएगा देखो, बॉडी जो प्रोजेक्टेड फ्रॉम ग्राउंड एट एन एंगल ऑफ 45° विद द हॉरिजॉन्टल, इस वेलोसिटी आफ्टर 2 सेकंड दिया हुआ, ठीक ना, 2 सेकंड के बाद वेलोसिटी दे दिया, तो पूछा मैक्सिमम हाइट रीच बाय द बॉडी ड्यूरिंग इट्स मोशन। तो मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला हम लोग कितना होता है, वी नोट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, जिसमें देखो ए ना वी नोट नहीं दिया है, समझा, वी नोट नहीं दिया हो, 40 एंगल दे दिया कितना 45 डिग्री, और ये हम लोग 2 × 10, तो वी नोट तुमको निकालना पड़ेगा ना, तो उसके लिए एक कंडीशन दिया कि वेलोसिटी कितना है 20। तो ये तुम लोग को निकालना सिखाए थे ना, इसको लिख सकते हो ना, वी नोट कॉस थीटा इंटू आई का प्लस वी नोट साइन थीटा माइनस जी टी इंटू जे का। तो इसमें हम लोग को वी नोट कितना, वी नोट तो दिया हुआ नहीं है, थीटा हम लोग कितना दिया हुआ 45, तो डायरेक्ट पुट कर देते हैं, और ये हम लोग कितना दिया हुआ 10, और टाइम दिया हुआ 2 × j का। तो ये भी कितना हो जाएगा जी, ये वी नॉट बाई रूट 2 आई कैप, और ये हम लोग हो जाएगा प्लस वी नॉट बाई रूट 2 और माइनस 20 j का। तो भी हमको दिया हुआ है कितना दिया जी, 20 मीटर, तो इसका मैग्नीट्यूड निकल जाएगा वी नॉट स्क्वायर बाई 2 लिखोगे ना, और वी नॉट बाई रूट 2 माइनस 20 का होल स्क्वायर, और इसका वैल्यू कितना दे दिया है 20। तो यहाँ से तुम सोल्व करके निकाल लेना, वी नॉट का वैल्यू इसमें पुट कर देना, निकल जाएगा। इसमें मैंने आया जी, इसमें सब डाटा पुट किए हैं जी, थीटा वैल्यू दिया हुआ था 45, टाइम दिया हुआ था, वी नॉट नहीं दिया हुआ था, ये वी एस इसका मैग्नीट्यूड दिया हुआ था, इसका मैग्नीट्यूड निकाल, पहले वी निकाले उसका मैग्नीट्यूड निकालिए, और इसका वैल्यू कितना दिया हुआ था 20। यहाँ देखो वी नॉट है ना, वी नॉट उसको निकाल के उसमें पुट कर देना, जे का क्वेश्चन है तो थोड़ा सा मेहनत तुमसे करवाएगा, जो घटा अब देखो लिखो, रेशियो ऑफ मैक्सिमम हाइट एंड रेंज, मैक्सिमम हाइट एंड रेंज का रेशियो हम लोग फाइंड आउट करते हैं कितना होता है। देखो मैक्सिमम हाइट बाई किसका वैल्यू निकालना है, रेंज का, तो मैक्सिमम हाइट कितना बताए थे, वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, और रेंज कितना बताए थे,
बाई जी, जिसमें देखो बहुत सारी चीज कैंसिल आउट हो जाएगा ना, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ऊपर बच जाएगा साइन स्क्वायर थीटा और नीचे बच जाएगा टू साइन टू थीटा, बाकी कैंसिल आउट हो गया ना जी, ये कैंसिल आउट हो गया जी, जी कैंसिल आउट हो जाएगा। ऊपर से हम लोग नीचे आ जाएगा, अभी साइन स्क्वायर थीटा हो गया, नीचे हम लोग लिख सकते हो टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, क्योंकि एक साइन थीटा हम लोग कैंसिल आउट हो जाएगा, ये वाला साइन क्या हो गया कैंसिल। तो एच वाई आर का वैल्यू कितना हो गया साइन थीटा बाई फोर कॉस थीटा, जिसको लिख सकते हो ना टैन थीटा बाई फोर ना, साइन बाई कॉस कितना हो जाएगा टैन। तो एच वाई आर का जो वैल्यू हो जाएगा ना वो टैन थीटा बाई फोर, इसको याद रखना, या हम लोग एच का वैल्यू आर बाई फोर इंटू टैन थीटा। एच वाई आर का जो रेशियो होता है ना टैन थीटा बाई फोर होता है। और एक हम लोग मैक्सिमम रेंज निकालते हैं, तो आर का वैल्यू कितना होता है वी नॉट स्क्वायर साइन टू थीटा बाई जी। अब बोलेगा ना कि तुमको कितना वेलोसिटी से इस पार्टिकल को फेंक दोगे इस पॉइंट पे कि हम लोग मैक्सिमम डिस्टेंस जाए। तो देखो आर मैक्सिमम के लिए साइन थीटा का वैल्यू क्या होना चाहिए मैक्सिमम, तो फॉर आर मैक्स साइन टू थीटा का वैल्यू कितना कर लेंगे वन, तो साइन टू थीटा का वैल्यू वन कर लेंगे, मतलब टू थीटा का वैल्यू कितना आ गया 90, मतलब थीटा का वैल्यू कितना आ गया 45, मतलब ये जो थीटा रहेगा ना वो 45 डिग्री पे फेंक देंगे तो रेंज जो हो जाएगा ना क्या हो जाएगा मैक्सिमम हो जाएगा, ठीक ना। उसको याद रखना है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि कितना एंगल पे प्रोजेक्ट कर देंगे तो मैक्सिमम हो जाएगा, मतलब किसी पार्टिकल को पत्थर को फेंकना रहेगा ना सबसे दूर, तो कितना फेंकना 45 डिग्री सबसे दूर जाएगा तुम्हारा। अभी आर मैक्स कितना जाएगा, तो आर मैक्स का वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे वी नॉट स्क्वायर साइन टू थीटा का वैल्यू कितना लिए थे वन, तो ये आर मैक्स का वैल्यू हम लोग को इतना हो गया। तो ये आर मैक्स का वैल्यू वी नॉट स्क्वायर बाई जी हो जाएगा। इस केस में देखो ये मैक्सिमम हाइट कितना जाएगा, तो देखो अभी निकाले थे ना एच वाई आर का रेशियो कितना निकाले थे टैन थीटा, तो टैन 45 वाई कितना कर लेंगे 4, तो 1 वाई कितना हो जाएगा 4, तो एच वाई आर इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 वाई 4, मतलब तो एच इक्वल टू कितना हो जाएगा आर वाई 4। इस केस में जो मैक्सिमम हाइट जाएगा मैक्सिमम रेंज का 1 वाई 4 टाइम पे। देखो इसमें लिखा हुआ ना नीट का क्वेश्चन है, जे में भी रिपीट किया है इस क्वेश्चन को, जो हॉरिजॉन्टल रेंज या मैक्सिमम हाइट प्रोजेक्टाइल क्या है इक्वल, तो पूछा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ प्रोजेक्टाइल बताइए। तो अभी तुम लोग को रिलेशन बताए थे ना एच बाई आर इक्वल टू कितना होता है टैन थीटा बाई फोर, और ये हम लोग को कितना हो जाएगा इक्वल है दोनों, है ना हॉरिजॉन्टल रेंज और आर क्या है इक्वल है, ये कितना हो जाएगा वन, तो टैन थीटा बाई कितना हो जाएगा फोर, मतलब टैन थीटा का वैल्यू कितना हो गया फोर, तो फोर थीटा का वैल्यू कितना हो गया टैन इनवर्स फोर। जो ये क्वेश्चन पहले नीट में पूछा था और फिर जेई वाला भी पूछा, देखो एक सेवन नंबर है कि मिसाइल इज ए फायर फॉर मैक्सिमम रेंज, एक मिसाइल को फायर किया गया फॉर मैक्सिमम डिस्टेंस कवर करने के लिए विथ इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ 20, तो पूछा द रेंज ऑफ मिसाइल इज, इस केस में रेंज ऑफ मिसाइल कितना हो जाएगा, तो अभी बताए थे ना आर मैक्सिमम का वैल्यू निकाल देना, तो वी नॉट स्क्वायर बाई जी, तो वी हाँ 40 आ जाएगा 10, कितना आ जाएगा मिसाइल का रेंज 40 40 मीटर। एंड एक देखो पूछा है
कि वाटर फाउंटेन ऑन द ग्राउंड स्प्रिंकल वाटर ऑल अराउंड इट, मतलब वो हम लोग को सभी डायरेक्शन में प्रोजेक्ट कर रहा है। इफ द स्पीड ऑफ वाटर कमिंग आउट ऑफ द फाउंटेन इज ए वी, तो फाउंटेन से जो वाटर बाहर आ रहा है उसका स्पीड कितना है, वी। तो बोल रहा है टोटल एरिया अराउंड द फाउंटेन दैट गेट बेड्स। तो मान लीजिए ऐसे देखो, जैसे मान लीजिए देखो ये फाउंटेन है, ऐसे समझना कि हम लोग ये फाउंटेन है इस तरह से, तो ऑल डायरेक्शन में यहाँ से वाटर एस्केप कर रहा है ऐसे। तो बोला इसके सराउंडिंग में कितना हम लोग को एरिया वो वेट हो, मतलब भींगेगा, तो इसके सराउंडिंग में हम लोग को एरिया होगा ना। तो देखो ये जो हम लोग को यहाँ पे देखो 45 डिग्री पे जो निकला होगा, मान लिया 45 डिग्री, वो सबसे दूर जाएगा। 45 डिग्री पे जो प्रोजेक्ट हुआ वो सबसे दूर जाएगा, उसके बाद ये वाला इधर ही गिर जाएगा सब, ऐसे हो जाएगा, समझा। तो ए वाला एरिया का हम लोग को मैक्सिमम एरिया कितना वेट किया होगा, तो ए वाला एरिया चारों पट्टी वाटर स्प्रिंकल करता है ना, चारों पट्टी, समझा, देख लो ना इस तरह से फिगर बनेगा, समझा। तो इस टाइप से हम लोग को फिगर बनेगा। तो मैक्सिमम एरिया पूछा है, तो इसका जो रेंज हो जाएगा ना, इसका जो रेडियस हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, मैक्सिमम रेंज हो जाएगा। तो मैक्सिमम रेंज कितना हो जाएगा, वी नॉट स्क्वायर बाई जी। तो यहाँ पे वाटर का स्पीड कितना दिया हुआ, वी। तो मैक्सिमम एरिया पूछा है, तो एरिया मैक्सिमम लोग कैसे निकालते हैं, पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे रेडियस के जगह पे ना क्या पुट कर देना, रेंज। तो कितना हो जाएगा, पाई इंटू वी स्क्वायर बाई जी का होल स्क्वायर। तो पाई वी का वैल्यू 4 बाई जी स्क्वायर हो जाएगा। तो आंसर कौन सा हो जाएगा जी, बी हो जाएगा। हाँ समझ में, मतलब 45 डिग्री पे जो वाटर निकलेगा ना वो मैक्सिमम दूर जाएगा और बाकी सब निकलेगा उससे कम कम पे। तो टोटल एरिया कितना वेट किया, तो यहाँ पे जो रेडियस ऑफ सर्कल बनेगा ना डिस्क टाइप का, वो किसके बराबर हो जाएगा, रेंज के बराबर हो जाएगा, कौन सा, मैक्सिमम, क्योंकि मैक्सिमम एरिया पूछा है। तो टोटल एरिया कितना हम लोगों को बेंड होगा, ऑल डायरेक्शन पे निकल रहा है। तो कुछ हम लोग को वहां से वाटर जो स्प्रिंकल करेगा 45 डिग्री पे करेगा, 60 डिग्री पे करेगा, 30 डिग्री पे करेगा, 0 डिग्री पे करेगा, 90 डिग्री पे करेगा, वो फिगर वहाँ पे दिखाएं। तो ये ऐसा क्वेश्चन है जे मेंस वाला, दो तीन बार रिपीट किया है जे मेंस का क्वेश्चन है, एक बार 2011 में पूछा था, फिर रिसेंटली पूछा है, और ये जे मेंस का ही इसी क्वेश्चन पे ये भी है, देखो पूछा है। इसको बनेगा, पूछा है टू गन्स ए एंड बी कैन फायर बुलेट एट द स्पीड ऑफ 1 and 2 किलोमीटर पर सेकंड फ्रॉम पॉइंट ऑन हॉरिजॉन्टल ग्राउंड, दे आर फायर इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन, मतलब चारों पट्टी वो गन को घुमा रहा है। तो पूछा द रेशियो ऑफ मैक्सिमम एरिया कवर बाई बुलेट फायर बाई टू गन्स, तो मैक्सिमम एरिया वो कितना हम लोग कवर कर सकते हैं कि वो दुश्मन को दूर रखेगा, है ना, ऐसे ऐसे नली रख के घुमा दिया चारों साइड, मैक्सिमम दूर रखना। तो 45 डिग्री पे नली रख के प्रोजेक्ट करेगा, समझो 45 डिग्री पे रखेगा ना, तो मैक्सिमम डिस्टेंस जाएगा। तो चारों साइड मैक्सिमम एरिया पूछ रहा है, तो अभी मैक्सिमम एरिया निकाला था ना, तो मैक्सिमम एरिया निकाला था कितना निकला था, पाई इंटू वी 4 डिवाइडेड बाई जी एस। तो ये हम लोग को मैक्सिमम एरिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी 4 हो गया, पाई जी एस स्क्वायर तो कॉन्स्टेंट हो जाएगा, तो रेशियो निकालना है ना, तो ए 1/a2, तो उसका दिया हुआ 1, इसका दिया हुआ 2 के पावर 4, कितना हो जाएगा 1/60, आंसर हो जाएगा बी। देवी जय मेंस का ही क्वेश्चन आया सुन में, कि 45 डिग्री पे रख के जो प्रोजेक्ट करेगा चारों साइड, बोला ऑल डायरेक्शन में घुमा दिया, तो मैक्सिमम एरिया कितना कवर करेगा, उसी का रेशियो बताइए, दो गन का पूछ रहा है, दो डिफरेंट। तो रेशियो में हम लोग जो वैरी करता है उसके प्रोपोर्शन लिख लेते हैं, बाकी तो कॉन्स्टेंट आता है उसको छोड़ देते हैं, रेशियो में कैंसिल आउट हो जाता है ना, डिवाइड करते हैं। देखो जब लोग क्वेश्चन ऑफ ट्रेजेक्ट्री के बारे में पढ़ेंगे कि किसी पार्टिकल को प्रोजेक्ट करते हैं किस पाथ पे जाता है, उसका एक क्या इक्वेशन होता है, जैसे बताया था ना लोग इस तरह से किसी ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट करते हो तो इस तरह से पाराबोला बनाता है, उसका क्या इक्वेशन होता है उसके बारे में हम लोग जानेंगे, और जिस पॉइंट पे माले प्रोजेक्ट करते हैं जिस पॉइंट पर स्ट्राइक करता है तो उस पॉइंट पे वेलोसिटी कितना होता है, और पूरे प्रोजेक्टाइल मोशन में मान लिया किसी दो पॉइंट के बीच हम लोगों लीनियर मोमेंटम का चेंज निकालना है,
तो क्या होता है इस चैप्टर में हम लोग को निकालना है। तो पहला लिखना है वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट पॉइंट ऑफ अ स्ट्राइक, जिस पॉइंट पे ऑब्जेक्ट को स्ट्राइक करने पे क्या वेलोसिटी होता है उसके बारे में हम लोग जानना है। जैसे हम लोग इनिशियली बताए थे ना कि हम लोग वी नॉट वेलोसिटी से प्रोजेक्ट कर देते हैं किसी एंगल थीटा पे, हर पॉइंट पे वेलोसिटी चेंज होता है ना, बताया थे वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। तो तुमको पूछ रहा है वेलोसिटी एट पॉइंट सी बताइए, इस पॉइंट पे वेलोसिटी कितना होगा। इस पॉइंट पे वेलोसिटी जानने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। जो बताते ना किसी भी पॉइंट पे वेलोसिटी जानना है तो उस पॉइंट पे क्या करते हैं, टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। तो तुम लोग वेलोसिटी किसी पॉइंट पी पे बताए थे ना और टाइम टी पे, इसी टाइम टी पे हम लोग वेलोसिटी बताए थे। मान लीजिए जहाँ से प्रोजेक्ट करते हैं वहीं पे स्टॉप वॉच ऑन कर लेते हैं तो, और इसको क्या कंसीडर कर लेते हैं और जी। तो पॉइंट ऑफ स्ट्राइक पे स्टॉप वॉच में क्या रीडिंग हो जाएगा, कैपिटल टी। यहाँ से यहाँ जाने का जो टाइम होता है उसको बताया थे कितना होता है, कैपिटल टी, उसको टाइम ऑफ फ्लाइट बोलते हैं, जिसका वैल्यू हम लोग कितना बताए थे, याद है नहीं याद है तुम लोग जी, नहीं बोल रहा है जी, लिख देंगे तो बोलो, अब फॉर्मूला सब बताया था नहीं याद है तुम लोगों, सब याद रखना है उसको। तो टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होता है, टू बी नॉट साइन थीटा बाई जी, और किसी टाइम टी पे वेलोसिटी क्या बताया था बताओ, वी नॉट कॉस थीटा आई का प्लस, बोलो वी नॉट साइन थीटा माइनस जी टी इंटू जे का। बताते ना किसी भी टाइम टी पे हम लोग को वेलोसिटी निकालना है, इस वाले फॉर्मूला में पुट कर देना टाइम। तो हमको वेलोसिटी किस पॉइंट पे चाहिए, सी पे, तो सी पे टी का वैल्यू कितना हो जाएगा, कैपिटल टी। तो वेलोसिटी एट पॉइंट सी पे हम लोग निकालेंगे, तो ये वेलोसिटी हम लोग निकालेंगे टाइम कैपिटल टी पे। तो एक्स कंपोनेंट तो चेंज होता नहीं, हम लोग को वी नॉट कॉस थीटा इंटू आई का, अरे हो जाएगा हम लोग वी नॉट साइन थीटा माइनस जी इंटू कैपिटल इंटू जी का। इसको और लिख सकते हो वी नॉट कॉस थीटा आई का और ये वी नॉट साइन थीटा माइनस जी, और टी के जगह पे वहां से पुट कर लेंगे टू वी नॉट साइन थीटा बाई जी और इंटू जी का। देखो जी जी क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो गया। अब वी नॉट साइन थीटा में कितना घट जाएगा, माइनस टू वी नॉट साइन थीटा माइनस हो जाएगा ना। पॉइंट सी पे वेलोसिटी हो जाएगा वी नॉट कॉस थीटा आई का, क्या हो जाएगा बाद में जी, माइनस वी नॉट साइन थीटा इंटू जे का। इस पॉइंट पे वेलोसिटी ये होगा। अब वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन तुम लोग कितना बताए थे, वी नॉट कॉस थीटा आई का प्लस वी नॉट साइन थीटा जे का। तो देखो एक्स कंपोनेंट सेम रह गया और वाई कंपोनेंट में जहाँ पे प्लस था वहाँ पे जॉब घर आई नहीं आने प्लस, तो डेली का आदत सीख लिया तुम लोग। तो इनिशियल वेलोसिटी कितना बताए थे, वी नॉट कॉस थीटा आई कैप प्लस वी नॉट साइन थीटा इंटू जी कैप, इनिशियल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ये था हमको जहाँ से प्रोजेक्ट किए थे। अब फाइनल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी देखो, एक्स कंपोनेंट क्या रह गया सेम, अब वाई कंपोनेंट देखो जहाँ पे प्लस था वहाँ पे क्या गया माइनस। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं वेलोसिटी एट पॉइंट सी, इसको हम लोग लिख सकते हैं वी नॉट एक्स आई का माइनस वी नॉट बाई जे का, मतलब एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी सेम रह गया, अब वाई कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी क्या हो गया, रिवर्स हो गया। तो मान लीजिए यहाँ पे तुमको वेलोसिटी दे देगा वी नॉट, ऐसे दे देगा, एग्जाम्पल करवा देते हैं कि मान लीजिए वी नॉट का वैल्यू हम लोग को दे दिया तुमको 3i प्लस 4j, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन ही है। तो वेलोसिटी एट पॉइंट ऑफ स्ट्राइक कितना लिख दोगे बताओ, है ना, सी पे कितना लिख दोगे, एक्स कंपोनेंट सेम रह जाएगा अब वाई कंपोनेंट देखो क्या आ जाएगा माइनस, इसको लिखते रहे जी, इसको बताया था तुम लोगों ने वी नॉट एक्स आई का प्लस वी नॉट बाई जे का,
हम लोग इनिशियल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन वन और फाइनल वेलोसिटी ऑफ पॉइंट ऑफ अ स्टार भी कितना गया इतना, तो एक्स कंपोनेंट देखो रेमेंस सेम रह गया, बाई कंपोनेंट में जहाँ पे प्लस था वहाँ पे क्या गया माइनस। तो इस टाइप से वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन दे देगा, बोलेगा पॉइंट ऑफ अ स्टार की वेलोसिटी बताओ तो कितना हो जाएगा, एक्स कंपोनेंट सेम और बाई कंपोनेंट क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। ठीक है, तो इसको लिख लो। अब देखो चेन लीनियर मोमेंटम को निकालना है, तो लीनियर मोमेंटम का चेंज जो होता है ना, किसी का चेंज जानते हो ना, फाइनल माइनस क्या होता है इनिशियल। तो हमको किसके बीच हम लोग को चेंज लीनियर मोमेंटम निकालना है, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन और स्टाइक के बीच। तो इसको लिखते हैं ना मास इनटू फाइनल वेलोसिटी, मास इनटू इनिशियल वेलोसिटी। लीनियर मोमेंटम का नाम सुना जी, इक्वल टू एमवी होता है। लीनियर मोमेंटम जो होता है ना, मास इनटू क्या होता है वेलोसिटी। तो इससे हम लोग को पॉइंट ऑफ अ स्टाइक पे जो वेलोसिटी हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, फाइनल हो जाएगा। द वेलोसिटी एट पॉइंट ऑफ स्टाइक माइनस वेलोसिटी एट पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, जो पॉइंट ऑफ स्टाइक और पॉइंट ऑफ स्टाइक प्रोजेक्शन के बीच निकालना है। तो पॉइंट वेलोसिटी एट पॉइंट ओ कितना हो गया, अब वेलोसिटी एट पॉइंट सी कितना हो गया, तो ये वाला क्या हो जाएगा फाइनल और ये वाला क्या हो जाएगा इनिशियल। अब देखो ये निकला हुआ ना हम लोग को वेलोसिटी, उसमें पुट कर दो वी सी का वैल्यू कितना है, उसको ऐसे भी लिख सकते हो वी नॉट एक्स आई का माइनस वी नॉट बाई जे का, और ये माइनस v नॉट एक्स आई का प्लस v नॉट बाई जे का, इस टाइप से भी लिख सकते हो। तो ये वाला तो कैंसिल आउट हो जाएगा ना, x कंपोनेंट कैंसिल आउट हो गया। और देखो ए माइनस और ए माइनस 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 कितना जुड़ जाएगा, टू एम वी नॉट बाई इंटू जे का, तो इसको और लिख सकते हो माइनस टू एम वी नॉट बाई को कितना लिखते हैं, वी नॉट साइन थीटा इंटू जे का। तो चेंज लीनियर मोमेंटम हम लोग को ये निकला। और अगर इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे, जैसे मॉडुलस लेना है, तो टू एम वी नॉट साइन थीटा हो जाएगा ना माइनस जे का, आपका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा वन, कितना हो जाएगा। और एक चीज देखो, ये जितना एंगल से इसमें एंगल से निकालेंगे, तो ये एंगल्स निकालोगे तो हम लोग ए थीटा ही आ जाएगा। तो देखो ये वाला एंगल्स निकालते हैं टैन फाई, तो टैन फाई का वैल्यू कितना होता है, कोफिशिएंट ऑफ जे कैप डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ आई कैप का मैग्नीट्यूड। तो यहाँ से हम लोग कितना आ जाएगा, थीटा ही आ जाएगा। मतलब जितना एंगल पे प्रोजेक्ट करते हैं ना, उतना एंगल पे ही हॉरिजॉन्टल से स्ट्राइक करता है, और एक्स कंपोनेंट सेम रह जाता है, वाई कंपोनेंट रिवर्स हो जाता है। एक चीज और बताते हैं, हाईएस्ट पॉइंट पे जो वेलोसिटी, इस वेलोसिटी एट पॉइंट ए, वेलोसिटी एट पॉइंट ए तुम लोग बताए थे ना कितना हो जाता है, वी नॉट कॉस थीटा, बाई कंपोनेंट तो जीरो हो जाता है। तो हाईएस्ट पॉइंट पे जो वेलोसिटी रहेगा कितना रहेगा, हम लोग को वी नॉट कॉस थीटा, वेलोसिटी एट हाईएस्ट पॉइंट। तो किनेटिक एनर्जी जानता होगा, किनेटिक एनर्जी इक्वल टू कितना होता है, हाफ एम वी स्क्वायर। उस पॉइंट पे जिस पॉइंट पे चाहिए किनेटिक एनर्जी, उसमें स्पीड पुट कर देंगे, किनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा, हाफ एम वी नॉट कॉस थीटा का होल स्क्वायर। तो किनेटिक एनर्जी हो जाएगा हाफ एम वी नॉट स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ये किनेटिक एनर्जी हाईएस्ट पॉइंट हो गया, लिखते हैं एच मतलब हाईएस्ट पॉइंट लिख देना। और इनिशियल पॉइंट पे किनेटिक एनर्जी कितना होगा, इनिशियल पॉइंट पे स्पीड कितना है, वी नॉट। तो किनेटिक एनर्जी एट पॉइंट ओ, किनेटिक एनर्जी एट पॉइंट ओ कितना हो जाएगा जी, हाफ एम वी नॉट स्क्वायर। ये दोनों का रेशियो ले लेंगे, किनेटिक एनर्जी एट हाईएस्ट पॉइंट को लिख सकते हो, इसके जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, किनेटिक एनर्जी एट पॉइंट ओ इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। तो हाईएस्ट पॉइंट पे किनेटिक एनर्जी होता है, उसको डायरेक्ट हम लोग ऐसे याद कर सकते हैं, ये किनेटिक एनर्जी हुआ एट पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, थीटा क्या एंगल ऑफ प्रोजेक्शन।
तो कभी कभी रेशियो पूछ देता है, तो इसको रेशियो ले लोगे तो कितना आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये तुम्हारा चेन लिनियर मोमेंटम हुआ और ये इसका मैग्नीट्यूड हो गया। इससे डायरेक्ट रिजल्ट याद रखना, डायरेक्ट रिजल्ट पूछता है। जैसे देखो इस टाइप से क्वेश्चन पूछे हुए नीट में कि द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट द पॉइंट ऑफ ए, इस पॉइंट को ए बोल दिया है और इस पॉइंट को बी बोल दिया। तो बोला द वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल एट द पॉइंट ए जे दिया हुआ है कितना, वेलोसिटी एट पॉइंट ए हम लोग को दिया हुआ है 2i + 3j मीटर पर सेकंड। पूछा इस वेलोसिटी एट पॉइंट बी, तो बी क्या हो गया पॉइंट ऑफ स्टाइल, वेलोसिटी एट पॉइंट बी कितना हो जाएगा बताओ। तो एक्स कंपोनेंट सेम रखेंगे हम, वाई कंपोनेंट में क्या कर देंगे प्लस के जगह पे माइनस, हम लोग आंसर कौन सा हो जाएगा बी हो जाएगा हम लोग। तो नीट में क्वेश्चन पूछा इसका बताओ, तो देखो ने पार्टिकल ऑफ मास सेम इज प्रोजेक्टेड विद वेलोसिटी वी मेकिंग एंगल ऑफ 45° विद द हॉरिजॉन्टल। When the particle land on the level ground, the magnitude of the change is momentum. The magnitude of change in momentum कुछ है। तो ये बताया था ना 2mv0 sin θ। तो यहाँ पे velocity of projection कितना दे दिया है v, और theta कितना दे दिया है 45। लिखो ना 45। तो ये हम लोग को 2mv√, इसको लिख देंगे 1/√2। ये कितना हो जाएगा √2m × v। इसका आंसर हम लोगों ये हो जाएगा। तो दोनों नीट के एग्जाम में पूछा हुआ है, लिख लिया। तो से दोनों बनाओ, तो ये दोनों जेई का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, बॉल इज प्रोजेक्टेड विद वेलोसिटी 10 m/s एट एंगल 60 विद द वर्टिकल डायरेक्शन। इट्स स्पीड एट हाईएस्ट पॉइंट ऑफ ट्रेजेक्ट्री विल बी, हाईएस्ट पॉइंट ऑफ ट्रेजेक्ट्री पे पूछ रहा है, स्पीड पूछ रहा है, कौन सा हो जाएगा। तभी बताया था ना हाईएस्ट पॉइंट ऑफ ट्रेजेक्ट्री पे जो स्पीड होता है वो कितना होता है v0 cos θ। अभी हम लोग को इनिशियल 10 दिया हुआ है और थीटा के जहाँ पे कितना हो जाएगा 60 नहीं हो जाएगा 30 होगा। चलो पगली, चलो बोले थे ना कि एंगल देखना कहाँ से दिया हुआ, वर्टिकल से दिया हुआ कि हॉरिजॉन्टल से दिया हुआ। तो थीटा इसमें हॉरिजॉन्टल से लेते हैं ना जी, इसलिए क्वेश्चन ये दिए थे यहाँ पे। तो लोग सेम चीज जो सोच के दिए तो ही गलत किए। ये एंगल वर्टिकल से दिया हुआ 60, तो हम लोग एंगल थीटा ये कौन सा एंगल होता है हॉरिजॉन्टल से लेते हैं ना, तो हॉरिजॉन्टल से लेंगे तो 30 लिखेंगे ना। पूछने वाला भी यही तुम लोग पूछना चाह रहा कि बच्चा होश में क्वेश्चन बनाता है कि खाली रट लिया फॉर्मूला आ गया, तो ये हो जाएगा हम लोग आंसर। तो एंगल जो हमेशा दिया होगा ना उसको ध्यान देना है कि कहाँ से एंगल दिया, हॉरिजॉन्टल से दिया होगा वर्टिकल से दिया होगा। तो जितना ही फॉर्मूला बताए हैं उसमें एंगल कहाँ से लिया गया हॉरिजॉन्टल से, तो वर्टिकल से एंगल देगा तो उसको कन्वर्ट कर लेना, 90 में से 60 घटा दिए तो थीटा 30 बचेगा। तो लो देखो तुरंत मार्केट बता दिया ना कि 60 होगा, एंगल देखा मार्केट बता दिए। तो लैंग्वेज को पहले पढ़ना है कहाँ से दिया हुआ, यही चीज़ हम भी सोच के दिए थे, पूछने वाला भी यही तो लोगों को पूछना चाह रहा है। इसका बताओ, बोला ना ये बॉल व्हिच काइनेटिक एनर्जी इज ई, एक बॉल है जिसका काइनेटिक एनर्जी ई है, इज प्रोजेक्टेड एंगल ऑफ 45° टू द हॉरिजॉन्टल। देखो ये भी एंगल कहाँ से दिया हुआ, लिखो ना हॉरिजॉन्टल से, मतलब थीटा हम लोग को 45° दिया हुआ और इनिशियल प्रोजेक्शन पे काइनेटिक एनर्जी हम लोग कितना दे दिया है ई दे दिया। तो पूछा दी काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉल एट हाईएस्ट पॉइंट, सही बताया था ना हाईएस्ट पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी हम लोग कितना लिख देते हैं के ई नॉट इंटू कॉस स्क्वायर थीटा।
ये हम लोग को ई दिया हुआ है और थीटा हम लोग कितना दिया हो 45 डिग्री, तो इसका वैल्यू 1/2 हो जाएगा ना जी, हम लोग ई बाई 2 हो जाएगा। दो ही क्वेश्चन जे एडवांस से पूछे हुए, ये दोनों तुम लोग खुद से बनाना, होमवर्क है। अब लिखो कंप्लीमेंट्री एंगल्स, सेम पॉइंट से दो ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट करते हैं विद सेम स्पीड, समझा? सुनो जी, इधर दो ऑब्जेक्ट को सेम पॉइंट से सेम स्पीड से प्रोजेक्ट करते हैं बट डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स पे। तो इस टाइप से एंगल से प्रोजेक्ट करते हैं कि दोनों का सम ना 90 डिग्री हो जाए, दोनों का सम क्या हो जाए 90 डिग्री, मतलब एक को 30 डिग्री पे प्रोजेक्ट करेंगे तो दूसरा को कितना डिग्री प्रोजेक्ट करना पड़ेगा 60 पे। तो 30 या जो 60 एंगल्स होता है ना उसको क्या बोलते हैं हम लोग, कंप्लीमेंट्री एंगल्स बोलते हैं। एक को मान लिया हम लोग को अल्फा पे प्रोजेक्ट किए तो दूसरा को हम लोग कितना पे प्रोजेक्ट करना पड़ेगा 90 माइनस अल्फा पे, ठीक ना? तो इस टाइप से जो एंगल्स होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, कंप्लीमेंट्रीज एंगल। तो व्हेन द सम ऑफ टू एंगल इज राइट एंगल, मतलब किसी भी दो एंगल का सम राइट एंगल हो जाएगा तो उस एंगल को क्या बोलेंगे हम लोग, कंप्लीमेंट्रीज एंगल्स। मतलब दैट इज एंगल जो थीटा और पाई बाई टू माइनस थीटा नोन एज कंप्लीमेंट्री एंगल, क्योंकि दोनों का सम कितना हो जाएगा 90। या इसको हम लोग ऐसे भी बोलेंगे, दे आर टू एंगल ऑफ प्रोजेक्शन एट विच हॉरिजॉन्टल रेंज आर सेम, मतलब दो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन के लिए हम लोग हॉरिजॉन्टल रेंज ना सेम आ जाता है। देखना ए को हम लोग को इसको थीटा पे प्रोजेक्ट किए, समझे, ए को हम लोग कितना पे प्रोजेक्ट किए थीटा पे, वी नोट स्पीड से, और ए को हम प्रोजेक्ट करने जा रहे हैं 90 माइनस थीटा पे, 90 माइनस थीटा पे सेम स्पीड से, स्पीड दोनों का सेम रहेगा तो ये उसी पॉइंट पे जाके स्ट्राइक करेगा, मतलब दोनों के लिए हॉरिजॉन्टल रेंज ना सेम हो जाएगा, उसी पॉइंट पर स्ट्राइक करेगा, मतलब रेंज क्या हो गया, सेम ही हो गया ना जी, ये वाला हम लोग इसको बोलते हैं ना रेंज। लेकिन इसमें मैक्सिमम हाइट हम लोग को क्या हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा। ये मान लिया इसका मैक्सिमम हाइट h1 हो गया और ये वाला के लिए कितना हो जाएगा मैक्सिमम हाइट h2, इसमें टाइम ऑफ फ्लाइट t1 हो गया, इसमें टाइम ऑफ फ्लाइट t2 होगा। टाइम ऑफ फ्लाइट अलग अलग होगा ना, चूंकि अलग अलग पाथ से जाएगा तो अलग अलग टाइम लगेगा, लेकिन दोनों में हॉरिजॉन्टल रेंज क्या होगा, सेम हो जाएगा, ठीक है ना? कैसे सेम हो जाता, देखो एक हम लोग को थीटा एंगल पे प्रोजेक्ट करते हैं तो हम लोग को रेंज कितना लास्ट क्लास में बताया था, वी नॉट स्क्वायर साइन टू थीटा बाई जी, इसको हम लोग क्या बोल दिए आर, और इसी में दूसरा को हम लोग कितना डिग्री पे प्रोजेक्ट किए 90 माइनस थीटा, ठीक है ना? तो थीटा के जहाँ पे हम लोग यहाँ पे क्या पुट कर लेंगे 90 माइनस थीटा डिवाइडेड बाई जी, तो वी नॉट स्क्वायर साइन, इसको दो से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो गया 180 माइनस कितना हो गया थीटा बाई जी। अब तू लोग पढ़ा होगा साइन 180 माइनस थीटा कितना होता है, सॉरी ये टू हो जाएगा, तो साइन 180 माइनस टू थीटा कितना हो जाएगा, साइन ही रहेगा ना जी, इवन मल्टीपल साइन आता है, इवन मल्टीपल्स में बताया था ना साइन साइन में रह जाता है, कॉस कॉस में रह जाता है, तो इवन मल्टीपल्स ऑफ 180 क्या है, इवन मल्टीपल्स ऑफ 90, और 180 में कुछ घटाएंगे तो कहाँ चला जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, प्लस होता है, तो ये यहाँ पे हम लोग को साइन टू थीटा ही लिख देंगे, अब भाई कितना हो गया जी हो गया, दैट इक्वल टू आर के बराबर हो गया, मतलब कि आर 90 माइनस थीटा पे प्रोजेक्ट किए या थीटा पे प्रोजेक्ट किए दोनों केस में हम लोग रेंज क्या रहेगा, सेम। तो दोनों का रेशियो ले लेंगे तो हम लोग कितना आ जाएगा आर थीटा बाई आर 90 माइनस थीटा, तो हम लोग को ई वी आर हो जाएगा, ई वी आर हो जाएगा, तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 1/1, मतलब 1:1 हो जाएगा, मतलब सेम हो जाएगा। मतलब एक को प्रोजेक्ट करो 30 पे, दूसरा को प्रोजेक्ट करो 60 पे, हॉरिजॉन्टल रेंज क्या हो जाएगा, सेम। देखो कुछ हम लोग इधर फिगर हम लोग प्रोजेक्ट करके दिखाए हैं, तो देखो एक को प्रोजेक्ट कर रहे हैं 15 डिग्री को, एक पे प्रोजेक्ट कर रहे हैं 75 डिग्री पे, दोनों का रेंज क्या हो रहा है, सेम, दिख रहा है ना? एक को प्रोजेक्ट कर रहे हैं 30 पे और एक को प्रोजेक्ट कर रहे हैं 60 पे, दोनों का रेंज क्या हो रहा है, सेम।
और जो 45 डिग्री अपोजिट करेंगे ना उसका रेंज क्या है, सबसे ज़्यादा। देखो ये वाला जो पाथ है ना सबसे ज़्यादा, वो बताए थे ना कि 45 डिग्री पे अपोजिट करते हैं तो रेंज हम लोग को मैक्सिमम होता है, उससे सब कम ही हो जाएगा। इसको अपोजिट किया एक को 30 के और ये दूसरा को 60 पे, इसको 30 पे, इसको 60 पे, इसको 15 डिग्री पे, इसको 75 डिग्री पे, तो दोनों का रेंज क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। मतलब एक को हम लोग ऐसे फेंकोगे और एक को हम लोग ऐसे फेंकोगे तो दोनों का रेंज क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। ठीक है, जो दूसरा फिगर और देखोगे तो एक को हम लोग मान लीजिए थीटा पे प्रोजेक्ट किए ना, एक हम लोग कितना पे प्रोजेक्ट किए थीटा, और दूसरा हम लोग कितना प्रोजेक्ट किए, इसको मान लीजिए थीटा प्रोजेक्ट किए, दूसरा कितना हो गया 90 माइनस थीटा, तो दोनों का रेंज हम लोग क्या हो गया, सेम। और ये 45 डिग्री पे जो प्रोजेक्ट किए वो सबसे मैक्सिमम रेंज हो गया, इतना हो जाएगा। अब देखो ये दोनों केस में अलग अलग पास से गया तो मैक्सिमम हाइट क्या हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा, तो मैक्सिमम हाइट के वैल्यू वगैरह भी लिख देते हैं। अच्छा, टाइम ऑफ फ्लाइट का वैल्यू कितना हो जाएगा बताओ, जीवन हम लोग को मान लिया थीटा डिग्री पे जो प्रोजेक्ट किया उसको बोले, ये टू वी नॉट साइन थीटा हो जाएगा ना, और टी टू इसको बोल दिए जो हम लोग को 90 माइनस थीटा पे प्रोजेक्ट किए थे, तो ये टू वी नॉट साइन थीटा के जहाँ पे कितना फुट कर देंगे, 90 माइनस थीटा बाई जी, तो कितना आ जाएगा, टू वी नॉट कॉस थीटा बाई जी आ जाएगा। और जैसे मैक्सिमम हाइट जो आ जाएगा मान ली एच वन, एच थीटा को हम लोग बोल दिए तो ये कितना होता है जी, मैक्सिमम हाइट वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई टू जी, और एच टू जो आ जाएगा हम लोग कितना प्रोजेक्ट किए, 90 माइनस थीटा पे, तो यहाँ पे थीटा के जहाँ पे 90 माइनस थीटा रख दोगे तो साइन स्क्वायर के जहाँ पे कितना आ जाएगा, कॉस स्क्वायर। तो दोनों पाथ का रेंज सेम हो गया लेकिन अलग अलग पाथ से गया तो अलग अलग टाइम ऑफ फ्लाइट हुआ, और दोनों में देखो मैक्सिमम हाइट अलग अलग अटेंड किया, तो इसको लिख लो। तो इस फिगर में जो लिखा हुआ ना कि आर हम लोग को 15 डिग्री पे जो प्रोजेक्ट किए और आर 75 डिग्री पे, ये दोनों हम लोग को रेंज क्या हो गया, सेम। इसको आर वन बोल दिए, और 30 डिग्री पे जो प्रोजेक्ट किए और हम लोग को 60 डिग्री प्रोजेक्ट किए वो हम लोग को आर टू बोल दिए, और आर 45 डिग्री जो प्रोजेक्ट किए उसको हम लोग मान दिया आर मैक्स बोल दिए या आर थ्री बोल दिए, इस तरीके से। तो इसमें सबसे ज़्यादा रेंज कौन से हो गया, आर थ्री, उसके बाद कौन से हो गया आर टू, उसके बाद कौन से हो गया आर वन। और इस फिगर में यही बताया गया है कि आर जो थीटा हो गया फिर आर 90 माइनस थीटा हो जाएगा, और बीच लेस देन क्या हो जाएगा, आर 45। तो 45 डिग्री पे जो प्रोजेक्ट करेंगे और रेंज हम लोग को सबसे ज़्यादा हो जाएगा, और उसके बाद किसी अदर एंगल पे प्रोजेक्ट करेंगे तो रेंज उससे हम लोग को कम होगा। तो कुछ इसमें और कैलकुलेशन करते हैं, तो ये दोनों में ही हम लोग को सम ऑफ मैक्सिमम, सम ऑफ टाइम ऑफ फ्लाइट, सम ऑफ मैक्सिमम हाइट कितना वैल्यू बड़ा हुआ। तो अभी दोनों केस में जो टाइम ऑफ फ्लाइट आया था अलग अलग आया था, तो दोनों का हमको सम निकालना है, मतलब टी वन प्लस टी टू का वैल्यू निकल जाएगा। तो ये हम लोग कितना आया था, टू वी नॉट साइन थीटा वाई जी, और ये कितना आया था, कॉस थीटा वाई जी। टू बी नॉट बाई जी हम लोग को क्या हो जाएगा, दोनों में कॉमन हो जाएगा, तो एक बच्चे का साइन है दूसरा बच्चे का कॉस, ये क्या हो गया, सम ऑफ टाइम ऑफ फ्लाइट्स इन दीज टू केसेस। फिर डिवीजन ऑफ टाइम ऑफ फ्लाइट, तो दोनों को हम लोग को डिवाइड कर देंगे, टू बी नॉट साइन थीटा बाई जी डिवाइडेड बाई टू बी नॉट कॉस थीटा बाई जी, तो टू वी नॉट क्या हो गया, कैंसिल, जी जी क्या हो जाएगा, कैंसिल, साइन बाई कॉस कितना हो गया, टैन थीटा।
ये टी वन बाई टी टू इक्वल टू हम लोग को टैन थीटा, मतलब इसको हम लोग और ऐसे भी लिख सकते हो टी थीटा बाई टी 90 माइनस थीटा, टी वन जो वो टाइम था टाइम ऑफ फ्लैट जिसको हम लोग थीटा एंगल पे प्रोजेक्ट किए थे, और टी टू वो टाइम ऑफ फ्लैट था जो हम लोग को 90 माइनस थीटा पे प्रोजेक्ट किए थे। तो इसको याद रखना टी थीटा बाई टी 90 माइनस थीटा इक्वल टू टैन थीटा, टी 90 माइनस थीटा डिवाइड बाई टी थीटा पूछेगा तो कितना हो जाएगा कॉट थीटा हो जाएगा ना। अब दोनों का प्रोडक्ट हम लोग निकालते हैं टी वन इंटू टी टू, तो ये हम लोग को टू वी नॉट साइन थीटा बाई जी हो जाएगा, और ये टू वी नॉट कॉस थीटा बाई हम लोग को जी हो जाएगा। इसमें देखो टू वी नॉट स्क्वायर कॉमन ले लिए, ऊपर लिख दिए टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और एक जी हम लोग कॉमन ले लिए, एक जी इधर लिख लिए, पता चला जी क्या किए, दो 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 है ना, दो को इसके वी नॉट कितना हो गया वी नॉट स्क्वायर हो गया, जी 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 स्क्वायर हो गया, एक जी इधर लिख दिया एक जी यहाँ पर रख दिया, इसको टू बाई जी लिख सकते हैं, इसको वी नॉट स्क्वायर साइन टू थीटा इंटू कॉस, ये फॉर्मूला किसका हो जाएगा साइन टू थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा ना, अब वाई कितना हो जाएगा जी। अब इसके जवाब पे हम लोग क्या बोल सकते हैं, रेंज बोल सकते हैं ना, टू बाई जी आर इंटू आर, मतलब टाइम ऑफ फ्लैट जो होता है ना टी वन इंटू टी टू इक्वल टू टू आर बाई जी लिख सकते हैं हम लोग। तो डायरेक्ट हम लोग को रिजल्ट पूछता तो याद रखना, या हम लोग इसको ऐसे बोल सकते हैं टी वन इंटू टी टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कितना हो जाएगा आर, ये भी रिजल्ट पूछे हुए तो बोल देगा दो एंगल पे प्रोजेक्ट करते हैं जिसमें रेंज हम लोग को सेम हो रहा है, तो टाइम ऑफ फ्लैट का जो प्रोडक्ट है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर हो जाएगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। देखो ये क्वेश्चन जे एडवांस से पूछे हुए और ये क्वेश्चन देखो जे मेन से पूछे हुए, तो रिजल्ट है ना ये दो तीन बार पूछा है, जे एडवांस वाला भी रिपीट किया है और जे मेन्स वाला रिपीट किया है, और ये जे मेन से पूछा है रिजल्ट, इसमें डायरेक्ट सब रिजल्ट जो बता रहे ना सब याद रखना, डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाएगा। नेक्स्ट लिखना सम ऑफ मैक्सिमम हाइट, फिर डिवीजन ऑफ मैक्सिमम हाइट, फिर प्रोडक्ट ऑफ मैक्सिमम हाइट, सेम रिजल्ट मैक्सिमम हाइट के लिए निकालते हैं, पहले किसके लिए निकाले टाइम ऑफ फ्लैट के लिए, नोट कर लिया ना, तो सम ऑफ मैक्सिमम हाइट तो एच वन प्लस एच टू, एच वन के वैल्यू कितना बताए थे वी नॉट स्क्वायर साइन थीटा बाई टू जी, और ये कितना बताए थे वी नॉट कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू जी, तो वी नॉट स्क्वायर बाई टू जी तो कॉमन हो जाएगा ना जी, तो इधर बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पे क्या लिख सकते हैं वन लिख सकते हैं ना, तो ये हो जाएगा वी नॉट स्क्वायर बाई टू जी, इसके जगह पे हम लोग कितना लिख देंगे वन, मतलब कि सम ऑफ मैक्सिमम हाइट जो हुआ ना एंगल ऑफ प्रोजेक्शन से क्या आ गया इंडिपेंडेंट आ गया, ठीक ना, तो सम ऑफ मैक्सिमम हाइट इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, इस स्टेटमेंट को भी कभी कभी तुमको पूछ देगा। फिर दोनों का डिवीजन निकाल लेते हैं एच वन बाई एच टू टैन स्क्वायर थीटा हो जाएगा ना, तो वी नोट स्क्वायर कैंसिल टू जी कैंसिल, साइन स्क्वायर बाई क्या बचा कॉस स्क्वायर थीटा बचा, ये हम लोग को क्या लिख देंगे टैन स्क्वायर ठीक, तो एच वन बाई एच टू जो हो गया वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन से इंडिपेंडेंट आ गया,
मतलब ये इसको और लिख सकते एच थीटा बाई एच 90 माइनस थीटा इक्वल टू टैन स्क्वायर थीटा। हाँ प्रोडक्ट ऑफ मैक्सिमम हाइट एच वन इंटू एच टू हो गया और ये वी नॉट स्क्वायर इधर थोड़ा देखना जी इधर तुम लोग वी नॉट स्क्वायर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइडेड बाय टू जी ये पूरे का होल स्क्वायर लिख सकते हैं हम लिख सकते हैं ना जी वी नॉट स्क्वायर को वी नॉट स्क्वायर को होल स्क्वायर लिख दे साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा तो उसको टू जी स्क्वायर हो जाएगा ना। अब इसमें हम लोग को दो से ऊपर मल्टीप्लाई कर दिए और दो से नीचे हम लोग डिवाइड कर दिए ये होल स्क्वायर हो गया। ये तो पता चला दो से ऊपर मल्टीप्लाई कर ले दो से डिवाइड कर ले तो नीचे हम लोग को फोर हो जाएगा ना जी तो ये बचेगा वी नॉट स्क्वायर और ऊपर क्या लिख देंगे साइन टू थीटा और नीचे हम लोग कितना लिख देंगे जी का होल स्क्वायर और इधर हम लोग को वन बाई 16 लिख दोगे 4 को बाहर निकाल दिए 4 का स्क्वायर निकलेगा तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 और इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं रेंज बोल सकते हैं ना तो आर स्क्वायर वाई कितना हो जाएगा 60 मतलब प्रोडक्ट ऑफ मैक्सिमम जो हाइट हुआ ना ये आर स्क्वायर वाई कितना हो गया 60। तो यहाँ से हम लोग ये रिजल्ट भी लिख सकते हो प्रोडक्ट ऑफ मैक्सिमम हाइट जो है ना आर स्क्वायर हो गया लेकिन टाइम ऑफ फ्लाइट में हम लोग को प्रोडक्ट कितना होता था आर होता था। यहाँ से एक रिजल्ट और लिख सकते हो कि आर स्क्वायर इक्वल टू 16 एच वन एच टू तो आर को हम लोग 4 रूट अंडर एच वन एच टू लिख सकते हैं। ये भी डायरेक्ट रिजल्ट पूछा है रिसेंटली जेई मेंस के एग्जाम में हरी वाला रिजल्ट जेई एडवांस से पूछे हो पहले ऑलरेडी तो मैक्सिमम हाइट का प्रोडक्ट हम लोग आर स्क्वायर बाई 16 हो गया और टाइम ऑफ फ्लाइट का प्रोडक्ट हम लोग कितना हो गया जी 2R बाई जी। देखो स्टेप से क्वेश्चन है टू प्रोजेक्टाइल आर प्रोजेक्टेड एट 30 डिग्री एंड 60 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल विद सेम स्पीड ये कौन सा एंगल हम लोग को कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है ना 30 एंड 60 रेशियो ऑफ मैक्सिमम हाइट अटेन बाय टू प्रोजेक्टाइल रेस्पेक्टली तो हम लोग को मैक्सिमम हाइट का रेशियो पूछ दिया तो हम लोग को लिखोगे ना यहाँ पे एच थीटा हुआ और डिवाइडेड बाय एच 90 माइनस थीटा हो गया मतलब एच 30 हो गया ये वाला कितना हो जाएगा एच 60 हो जाएगा इसमें टेन स्क्वायर थीटा थीटा के जगह पे क्या पुट कर ले 30 तो ये हम लोग कितना हो जाएगा 1/3 तो बी हो जाएगा आंसर 1:3। देखो थीटा के जगह पे हुआ ना जी थीटा के जगह पे 30 तो ये बताया था ना ऊपर क्या आता है टेन स्क्वायर थीटा रेशियो मैक्सिमम हाइट तो टेन 30 का वैल्यू होता है ना 1/√3 तो उसका स्क्वायर लिखेंगे तो कितना आ जाएगा 1/3। इसी को रेशियो के टर्म में लिखेंगे तो हम लोग ऐसा लिखेंगे इसको बना दो तुम लोग इसमें लिखो ना टू प्रोजेक्टाइल ए एंड बी आर थ्रोन विथ इनिशियल वेलोसिटी 40 एंड 60 at angle 30 and 60 with the horizontal the ratio of their ranges ratio of ranges kitna hoga 1:1 1:1 kaise hoga choto isme speed alag alag hai na ji bole the na same speed se project karenge tab hoga 1:1 isme dekho angle change kar diya dekho answer diya na 1:1 bhi diya hai option तो उसमें बोला गया था बात दिमाग में रखना है सेम स्पीड से प्रोजेक्ट करते हैं ना तब हम लोग रेंज
सेम होता है, कंप्लीमेंट्री एंगल तो है लेकिन हम लोग का स्पीड दोनों में अलग अलग है। सेम स्पीड से कंप्लीमेंट्री एंगल पे फोरिएट करते हैं ना, तब हम लोग को रेशियो 1:1 आता, जिसमें रेंज का रेशियो पूछा है। तो एक को हम लोग को आर वन मान लो, दूसरा को हम लोग आर टू मान लो। यहाँ पे स्पीड होता है ना, पला का स्पीड कितना दिया हो 30 40, तो 40 का स्क्वायर इंटू साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा, थीटा के जहाँ पे यहाँ पे कितना हो जाएगा 30, और डिवाइडेड बाय 2g तो कैंसिल आउट ही हो जाएगा, 2g तो लिखने का मतलब है, चलो लिख देते हैं। और दूसरा का हम लोग कितना हो जाएगा 60 का होल स्क्वायर, और ये हम लोग को हो गया साइन, हम लोग को 2 into कितना हो जाएगा जी 60। तो इसका वैल्यू तो सेम ही हो जाएगा ना, साइन 60 का वैल्यू और साइन 120 डिग्री का वैल्यू कितना होता है सेम, √3/2, 2g कैंसिल, तो ये कितना बचेगा 40/60 का होल स्क्वायर, मतलब कि हम लोग कितना हो जाएगा जी 4/9, 4/9 हम लोग को ऑप्शन ही आ जाएगा। होगा ना 2/3 का होल स्क्वायर। तो ये सब पॉइंट दिमाग में रखना है कि सेम वेलोसिटी सेम स्पीड से कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पे प्रोजेक्ट करेंगे तब रेशियो हम लोग 1:1 आएगा, लेकिन इसमें स्पीड हम लोग को अलग अलग कर दिया है, तो फिर फंडामेंटली हम लोग बनाएंगे। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पे प्रोजेक्ट करेगा ना, तो साइन 2 थीटा का वैल्यू दोनों के लिए सेम ही हो जाएगा, तो रेंज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V0² याद रख सकते हो, समझे, रेंज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू याद रख सकते हो V0² एक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के लिए, चूंकि दोनों का वैल्यू कितना हो जाएगा, अब देखा था ना साइन 2 थीटा साइन 180 - 2 थीटा दोनों के वैल्यू तो सेम ही आ जाएगा, तो साइन 2 थीटा दोनों के लिए किसके लिए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के लिए सेम हो जाएगा, और जी तो दोनों के लिए सेम आएंगे, तो आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कितना आ जाएगा V0² तो यहाँ से हम लोग निकालेंगे R1/R2 तो हम लोग डायरेक्ट हम लोग को 40/60 कर का होल स्क्वायर कर लेंगे, तो हम लोग को 4/9 आ जाएगा। जैसे ये सब देखो चार क्वेश्चंस है, चारों देखो चार टाइप से पूछा हुआ है, चारों का आंसर एक ही होगा। देखो ना फॉर एंगल ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ प्रोजेक्टाइल एट एंगल 45 - 45+θ द हॉरिजॉन्टल रेंज डिस्क्राइब बाय द प्रोजेक्टाइल एंड द रेशियो, तो दोनों एंगल क्या है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है ना, दोनों का सम करते हैं तो कितना आ जाएगा 90 डिग्री, तो रेशियो कितना आ जाएगा 1:1। इससे देखो लिखो टू ऑब्जेक्ट ऑफ प्रोजेक्ट विद सेम वेलोसिटी यू हाउएवर डिफरेंट एंगल अल्फा एंड बीटा, अल्फा एंड बीटा इस तरह से कि दोनों का सम लोग कितना दे दिया है 90 डिग्री, तो रेशियो ऑफ हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ द फर्स्ट ऑब्जेक्ट टू द सेकंड ऑब्जेक्ट, तो कौन सा आंसर हो जाएगा 1:1 ही हो जाएगा। तो पहले देखो नीट में पूछा, नीचे वाला जेई में पूछा, देखो दोनों का तरीका सेम ही। इसमें लिखो ना टू प्रोजेक्टाइल फायर फ्रॉम द सेम पॉइंट विद सेम स्पीड लिख दिया है, हाँ एंगल कौन सा 60 और 30, तो बीच ऑफ द फ्लोविंग इज ए ट्रू, तो देयर रेंज विल भी क्या हो जाएगा सेम हो जाएगा, मैक्सिमम हाइट तो अलग अलग होता है ना। और इसमें देखो टू बॉडी सेम मास और प्रोजेक्टेड विद सेम वेलोसिटी एट एंगल 60 और 30, तो रेशियो ऑफ देयर हॉरिजॉन्टल रेंज कितना हो जाएगा 1:1 हो जाएगा। तो दो क्वेश्चन इसमें जेई में पूछे हो, दो क्वेश्चन नीट में पूछे हो, तो देखो ये दोनों क्वेश्चन जेई में पूछा हुआ है। देखो अभी प्रोडक्ट और टाइम ऑफ फ्लाइट बताए थे ना, तो देखो इस टाइप से पूछा है सेल इज ए फायर फ्रॉम फिक्स आर्टिलरी गन विथ इनिशियल स्पीड यू सच दैट इट हिट द टारगेट ऑन द ग्राउंड एट डिस्टेंस आर फ्रॉम इट, ठीक है ना, T1 T2 आर द वैल्यू ऑफ द टाइम टेकन बाय टू हिट द टारगेट इन द पॉसिबल वे, दो तरीके दो पॉसिबल वे से हम लोग को टारगेट को हिट किया जा रहा है,
तो एक में टाइम ऑफ फ्लाइट कितना दिया है T1, दूसरा का टाइम ऑफ फ्लाइट कितना दिया हुआ T2, मतलब दोनों का रेंज क्या है सेम, समझे। जिसमें लिखा नहीं है तुमको खुद से समझना है कि जो टारगेट, दो तरीका से हम लोग टारगेट को हिट कर रहे हैं, मतलब दोनों का रेंज क्या हो गया सेम हो गया। तो रेंज सेम हो गया तो कौन सा एंगल होगा, कंप्लीमेंट्री एंगल। तो कंप्लीमेंट्री एंगल जो प्रोडक्ट ऑफ टाइम ऑफ फ्लाइट होता है बताए थे ना 2R/G होता है। तो देखो डायरेक्ट हम लोग जो इमेज से पूछा इस तरीका से, और इसमें ये जो अभी बताया था रिजल्ट R² = 16 × H1 and H2, तो सब रिजल्ट पूछ दिया डायरेक्ट। ये देखो लिखवाना है कि बॉल इज थ्रोन फ्रॉम ए पॉइंट विद द स्पीड वी नॉट, एक बॉल को फेंक दिया गया कितना स्पीड से, वी नॉट स्पीड से, किसी एंगल थीटा पे, फ्रॉम द सेम पॉइंट एंड एट द सेम इंस्टेंट ए पर्सन स्टार्ट रनिंग विद कॉशियस स्पीड वी नॉट बाई टू। तो एक बॉल को फेंक दिया गया सेम इंस्टेंट पे, समझा, सेम टाइम पे, मतलब कि पर्सन लोगों रन करना स्टार्ट किया, इसे वेलोसिटी ऑफ माइन इसको मान लिया Vm हो गया, वो कितना दिया हो तुम्हारा वी नॉट बाई टू टू कैच द बॉल, पता ना ऐसे बचपन तो लोग भी खेला होगा, बॉल को फेंका होगा दौड़ा होगा कैच करने के लिए, वही कैच करने के लिए दौड़ा है। तो बोला विल द पर्सन बी एबल टू कैच द बॉल, पर्सन हम लोग को कैच बॉल को कैच करने के लिए एबल है कि नहीं, इफ यस व्हाट शुड बी द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, अगर हम लोग को एबल है तो बताइए एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कितना पे होगा। जैसे तुम ऐसे एंगल ऑफ प्रोजेक्शन फेंक दोगे तो दौड़ पाओगे उतना तेज, नहीं दौड़ पाओगे, मान लो ऊपर हम लोग फेंक दोगे ऐसे तो वहीं पर गिर जाएगा, कुछ स्टैंड पे होगा कि किसी एंगल पे फेंकोगे तो फिर तुम दौड़ोगे, ज्यादा बॉल ज्यादा ऊपर रहेगा तुम दौड़ जाओगे कैच कर सकते हो। तो कैच करने के लिए पॉसिबल तरीका ये है ना, देखो एक हम लोग फंडामेंटल तरीका बताते हैं, जैसे मान लिया टी का वैल्यू 0 पे एवीएस स्टार्ट हुआ, एवीएस स्टार्ट हुआ और बॉल कहाँ कब गिरेगा, टी का वैल्यू कैपिटल टी पे, बॉल तो गिरेगा फिक्स टाइम पे दिया हुआ, टाइम ऑफ फ्लाइट का वैल्यू कितना हो जाएगा 2V0 sin θ/g, ठीक ना। तो ए वाला डिस्टेंस हम लोग कितना है रेंज, और माइन के थ्रू जो डिस्टेंस ट्रेवल हुआ मान लिया डी हो गया, तो हम लोग को अगर डी लेस देन आर हो जाएगा, अगर ना समझा डी लेस देन क्या हो जाएगा आर हो जाएगा, तो ए माइन बॉल को कैच कर पाएगा, नहीं कैच पाएगा क्योंकि ये पहुंच ही नहीं पाएगा, है ना। माइन के थ्रू जो डिस्टेंस ट्रेवल किया गया उसको क्या मान लिए डी, ये बॉल के थ्रू जो डिस्टेंस कवर हुआ उसको क्या मान देते हैं रेंज, तो डी लेस देन आर होगा देन माइन कैन नॉट कैच द बॉल। तो बॉल को कैच होने के लिए या तो इसके बराबर होने चाहिए या तो इससे बड़ा होना चाहिए, मान लिया अगर ज्यादा ये दौड़ सकता है तो आगे जाके रुक जाएगा आराम से, फिर आराम से देख के कैच लेगा। तो डी का वैल्यू जो होगा ग्रेटर देन इक्वल टू आर, या तो एटलीस्ट डी का वैल्यू आर के बराबर हो, है ना, बॉल तक पहुंचेगा तभी ना कैच कर पाएगा। तो इस केस में कि इफ डी लेस देन आर देन मैन कांट कैच द बॉल, तो मैन बॉल को कैच नहीं कर पाएगी। अगर ऐसा केस होगा कि डी ग्रेटर देन आर देन मैन कैन वी कैच द बॉल, तो देखो डी का वैल्यू, डी का वैल्यू किसके थ्रू डिस्टेंस ट्रेवल है मैन के थ्रू, तो कॉशियस स्पीड से जा रहा है, तो कॉशियस स्पीड से जाता है तो डिस्टेंस को क्या लिखते हैं स्पीड इंटू टाइम, और ये हम लोगों रेंज को हम लोग बताए थे, तो लोगों एक फॉर्मूला होता है वी नॉट कॉस थीटा इंटू टी वाला। अब देखो टी टी क्या हो जाएगा कैंसिल, तो वेलोसिटी ऑफ माइन जो होना चाहिए वो वी नॉट कॉस थीटा से क्या होना चाहिए ग्रेटर देन और इक्वल टू, तभी हम लोग माइन बॉल को कैच कर पाएगा। अब देखो ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसका आंसर हम लोग क्या हो जाएगा, वी एम का वैल्यू कितना दे दिया हुआ वी नॉट बाई टू, तो इसमें पुट कर देंगे तो वी नॉट बाई टू ग्रेटर देन कितना हो गया वी नॉट कॉस थीटा, मतलब कि कॉस थीटा का वैल्यू कितना हो गया लेस देन इक्वल टू 1/2, मतलब थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 60 डिग्री। तो अगर 60 डिग्री या 60 डिग्री से ज़्यादा पे बॉल को फेंक देगा ना तो माइन हम लोग बॉल को कैच कर पाएगा, तो 60 डिग्री ऑप्शन है ना कैच कर पाएगा, यस
कब, जब एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कितना हो जाएगा 60 डिग्री। अगर हम लोग इसमें यस ये 30 डिग्री या हम लोग को इसके जहाँ पे लिख देता 75 डिग्री, तो हम लोग आंसर ए भी हो जाता। एंगल ऑफ प्रोजेक्शन जो है वो थीटा 60 से ज़्यादा हो गया ना, तो 60 या 60 से ज़्यादा डिग्री पे फेंक दोगे ना तो बॉल मैन को कैच कर पाएगा, 60 डिग्री से कम पे फेंक देंगे तो मैन को कैच नहीं कर पाएगा। जैसे ये इसमें कैच नहीं कर पाएगा 45 डिग्री पे, 30 डिग्री पे कैच नहीं कर पाएगा। तो ये जनरल तरीका है, तो प्रोसेस है। तो 75 डिग्री पे या 65 डिग्री पे या 70 डिग्री पे बॉल को फेंक दोगे ना तो तुम कैच कर सकते हो। तो इसको लिख लेना, एक कंसेप्ट है, इसको जनरल हम लोग यूज कर सकते हो डायरेक्ट इस वाले फॉर्मूला को याद करके, या डिस्टेंस दिया रहेगा तो इसके रिस्पेक्ट कंपेयर करके, कभी डिस्टेंस दे देगा तो माइंड हम लोग इतना दौड़ा और रेंज हम लोग निकालने के लिए दे देगा, उससे कंपेयर कर लोगे। मान लो रेंज आएगा तुम्हारा 50 मीटर, बोलेगा माइंड दौड़ सकता है 60 मीटर सेम टाइम में, तो बॉल को कैच कर पाएगा, कर लेगा। 60 मीटर दौड़ सकता है तो 50 मीटर पे जाके क्या करेगा, रुक जाएगा। क्रिकेट तो देखता होगा ना तुम लोग, कभी देखते होगे एकदम दौड़ते दौड़ते कैच लेता है, कभी होता है कि बॉल आने से पहले इंतजार करता है बॉल को आने का, जहाँ पे बॉल आता है इंतजार करता है। तो डिस्टेंस के टर्म में पूछ देगा तो ये हो जाएगा, और स्पीड के टर्म में पूछ देगा तो ये हो जाएगा। अब देखना है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री और पाथ। किसी पार्टिकल को फेंकते हैं तो एक पैराबोलिक पाथ पे चलता है, इसका इक्वेशन हम लोग को कैसा इक्वेशन होगा, ग्राफ किसका है, क्वाड्रेटिक का ना जी। इसका इक्वेशन कैसा होना चाहिए, क्वाड्रेटिक। तो इसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमको निकालना है। तो वी नॉट स्पीड से फेंक दिए हैं किसी एंगल थीटा पर, और ये हम लोग को ये ऑरिजिन ऑफ कोऑर्डिनेट है टी के वैल्यू 0 पे, और ये जो हो गया टाइम टी पे। ये पोजिशन वेक्टर होता है ना, इसको मान लिया पोजिशन वेक्टर के टर्म में हम लोग डिफाइन करेंगे तो वेक्टर कितना हो जाएगा r। तो क्वेश्चन ऑफ पाथ निकालना है, तो तुम लोग को बताया भी थे गया था पहले कि क्वेश्चन ऑफ पाथ निकालने के लिए हम लोग एक से जो फंक्शन ऑफ टाइम निकालना रहता है, बाई जो फंक्शन ऑफ टाइम, फिर दोनों इक्वेशन से टी को एलिमिनेट करके बाई किसका फंक्शन ले आते हैं, एक्स का, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इक्वेशन ऑफ पाथ या ट्रेजेक्ट्री। 2D 3D पढ़ा रहे थे ना, तो उसमें बताया था ना क्वेश्चन इक्वेशन ऑफ पाथ ट्रेजेक्ट्री कैसे निकालता है। तो हमको एक टास्क है इसमें, एक से जो फंक्शन ऑफ टाइम निकाल लेंगे, बाई जो फंक्शन ऑफ टाइम निकाल लेंगे, और उसमें से टी को एलिमिनेट कर लेंगे, ठीक है। तो इसमें वी नॉट एक्स कितना हो जाता है, वी नॉट कॉस थीटा, ये तो जानता ही है। वी नॉट वाई कितना हो जाता है, वी नॉट साइन थीटा, और एक्स का वैल्यू कितना हो जाता है 0, और ई वाई का वैल्यू कितना होता है माइनस जी, क्योंकि जी हम लोग किधर लगता है वर्टिकली डाउन। तो हमको एक्स से जो फंक्शन ऑफ टाइम निकालना है, मतलब सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन लिखेंगे एक्स डैक्स में, तो एक्स माइनस एक्स नॉट v नॉट x t प्लस हाफ x इंटू टी स्क्वायर। अब ऐसे देखो किसी टाइम t पे x कोऑर्डिनेट कितना है x, और यहाँ पे t का वैल्यू 0 पे x कोऑर्डिनेट कितना हो गया 0, जिसको x के जहाँ पे x पुट कर देंगे लेकिन x नॉट के जहाँ पे 0, और v नॉट x कितना हो जाता है v नॉट cos थीटा इंटू टी, और x का वैल्यू कितना हो जाएगा 0, एक्स का वैल्यू यहाँ पे लिखे ना 0 हो जाएगा। लास्ट क्लास में बताया था ना कैसे लिखते हैं, तो यहाँ से एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा बताओ, वी नॉट कॉस थीटा इंटू टी, वो वाला तो 0 हो गया ना, तो एक्स का वैल्यू आ गया वी नॉट कॉस थीटा इंटू टी। अब यहाँ से इस टी को ना एक्स के टर्म में लिख लो, तो एक्स वाई हम लोग क्या लिख सकते हैं वी नॉट कॉस थीटा। अब इस टी को हम लोग सेकंड इक्वेशन ऑफ
जो बाई डायरेक्शन लिखेंगे ना उसमें पुट कर देंगे तो बाई जो क्या निकल जाएगा, फंक्शन ऑफ टाइम। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन बाई डायरेक्शन फिर से लिखेंगे बाई माइनस बाई नॉट वी नॉट बाई टी प्लस हाफ ए बाई इंटू टी स्क्वायर। तो देखो बाई का फाइनल कोऑर्डिनेट टाइम टी पे कितना है, बाई इनिशियल बाई कोऑर्डिनेट कितना है जीरो। तो बाई के जहाँ पे बाई छोड़ देंगे बाई नॉट के जहाँ पे जीरो। वी नॉट बाई कितना है, वी नॉट साइन थीटा ना, वी नॉट बाई। और ए वाई का वैल्यू कितना है, माइनस जी इंटू टी स्क्वायर। तो बाई हमको कितना निकल गया, वी नॉट साइन थीटा इंटू टी और माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। तो बाई हम लोग ये निकला। अभी क्वेश्चन ऑफ ट्रेजेक्ट्री निकालने के लिए वहां से जो टी निकालने उसमें क्या करेंगे, इसे पुट कर देंगे। तो ये हो जाएगा वी नॉट साइन थीटा, ठीक है, जहाँ पे क्या पुट कर देंगे, एक्स वाई वी नॉट कॉस थीटा माइनस हाफ जी, और एक्स के जहाँ पे वहाँ पे एक्स वाई वी नॉट कॉस थीटा का होल स्क्वायर। तो बाई हम लोग को देखो ये वी नॉट कैंसिल आउट हो गया ना, तो साइन वाई कॉस को क्या लिख सकते हैं, टैन थीटा माइनस इधर हम लोग का स्क्वायर हो जाएगा जी एक्स स्क्वायर, नीचे हो जाएगा टू वी नॉट स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये हम लोग इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी हो जाएगा, उसको याद रखना। ये पोजिशन इज ए फंक्शन ऑफ, सॉरी बाई जो फंक्शन ऑफ क्या निकल गया, एक्स। और अगर तुमको पोजिशन वेक्टर निकालना है किसी टाइम टी पे, जैसे रोटेशन मैकेनिक्स पढ़ेंगे ना, तो टॉर्क बराबर पूछता है या एंगुलर मोमेंटम पूछेगा, तो एक्स पोजिशन वेक्टर को लिख सकते हो ना, एक्स आई का प्लस बाई जे का। तो वहाँ से एक्स निकाल के पुट कर लेंगे हम लोग, कितना निकालें, वी नॉट कॉस थीटा इंटू आई का, और यहाँ से बाई के जगह पुट कर लेंगे वी नॉट साइन थीटा माइनस हाफ जी टी स्क्वायर इंटू जे का। ये टॉर्क वगैरह पूछता जाता है, आगे हम लोग रोटेशन मैकेनिक्स में टॉर्क तो लोग पढ़ाते हैं वेक्टर में, थोड़ा सा आर क्रॉस क्या हो जाता है एफ, और एंगुलर मोमेंटम जो होता है हम लोग को एम आर क्रॉस क्या होता है वी। तो किसी टाइम टी पे तो पोजिशन वेक्टर जानता है, वेलोसिटी जानता है, क्रॉस प्रोडक्ट लेके मास से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या निकल जाएगा, एंगुलर मोमेंटम। और फोर्स इसमें जानता है, फोर्स हम लोग किधर लगता है हमेशा, हिमालय पार्टिकल का मास सेम है तो फोर्स कितने लगेगा, नीचे लगता है ना, जानता है जी एम जी। तो फोर्स का वैल्यू कितना हो गया एम जी, यहाँ पे फोर्स के वैल्यू पुट कर दोगे, आर पुट कर दोगे, क्रॉस प्रोडक्ट ले लोगे, क्या निकल जाएगा टॉर्क। तो आगे हम लोग रोटेशन मैकेनिक्स पढ़ेंगे तो फिर से टॉर्क पूछेगा, एंगुलर मोमेंटम पूछेगा, उसलिए पोजिशन वेक्टर का नीड आता है, तो निकाल दिए, नोट कर लिया। तो ये क्वेश्चन ऑफ पाथ हमेशा याद रखना, एक्स टैन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू वी नॉट कॉस स्क्वायर थीटा। इसमें देखो इसका कोफिशियंट एक्स स्क्वायर का क्या है, निगेटिव कोफिशियंट है ना, तो निगेटिव कोफिशियंट मतलब पाराबोला कैसे होता है, डाउनवर्ड। देखो डाउनवर्ड पाराबोला है ना, और ये हम लोग एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर मतलब क्या हो गया, क्वाड्रेटिक। तो क्वाड्रेटिक ग्राफ होता है ना यू से, और कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर अगर निगेटिव हो गया तो डाउनवर्ड पाराबोला होता है। तो वो क्वेश्चन मतलब वो जो है ना इक्वेशन, उसका हम लोग पाथ। अब इसमें इस पाथ पे कोई भी पॉइंट होगा, मान लिया ये कोई 3.4 लिख लेंगे, ठीक ना, इस इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाइड करेगा। यहाँ पे बाई के जहाँ पे क्या पुट कर लेंगे, 4, एक्स के जहाँ पे क्या पुट कर लेंगे, 3, यहाँ भी एक्स के जहाँ पे क्या पुट कर लेंगे, 3। तो उस पाथ पे कोई भी पॉइंट दे देगा ना, तो इस इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाइड करेगा। एक्स कॉमा बाई है ना, तो उसी को पॉइंट करके दे देगा, कोई सेटिस्फाइड करवा देगा। तो एक्स के जहाँ पे क्या पुट कर लेना, 3, बाई के जहाँ पे क्या पुट कर लेना। इसको दो डिफरेंट टर्म में और हम लोग पढ़ते हैं, एक हम लोग पढ़ेंगे इन टर्म्स ऑफ रेंज, जो क्वेश्चन ऑफ पाथ निकाले ना उस पर रेंज के टर्म में हम लोग पढ़े। तो रेंज तो ऑलरेडी बताए थे, वी नॉट स्क्वायर साइन टू थीटा वाई कितना होता है जी। तो वी नॉट स्क्वायर का वैल्यू यहाँ पे कितना हो जाएगा, जी आर बाई हम लोग को साइन टू थीटा, यहाँ लिख देंगे ना, वी नॉट स्क्वायर की जगह पे जी आर बाई साइन टू थीटा।
तो हम लोग को रेंज के टर्म में निकालना है। तो ये तो एक साइन थीटा आया था माइनस, ये कितना आया था जी एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू वी नॉट स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से जो वी नॉट स्क्वायर निकाले ना उसका वैल्यू यहाँ पे ले जाके पुट करना है। तो वाई इक्वल टू हम लोग लिख देंगे एक्स टैन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर, और वी नॉट स्क्वायर के जहाँ पे क्या पुट कर लेंगे जी आर वाई साइन टू थीटा इन टू कितना हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। तो देखो जी जी तो हम लोगों को गायब हो जाएगा, तो वाई इक्वल टू एक्स टैन थीटा माइनस हम लोग एक्स स्क्वायर बाई टू आर। देखो साइन टू थीटा को ऊपर लेके चल जाएंगे, साइन टू थीटा को ऊपर ले जाएंगे ना, तो उसको ब्रेक कर लेते हैं टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसमें देखो एक कॉस क्या हो जाए कैंसिल, टू टू क्या हो जाए कैंसिल, तो क्या बच जाएगा जी एक्स टैन थीटा और माइनस एक्स स्क्वायर साइन बाई कॉस कितना हो जाएगा टैन थीटा डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा आर। मतलब उसको लिख सकते हो बाई इक्वल टू एक्स टैन थीटा माइनस टैन थीटा बाई, उसको ऐसे करके भी लिख सकते हो बाई इक्वल टू हम लोग को टैन थीटा इंटू एक्स माइनस टैन थीटा बाई आर इंटू क्या लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे कोफिशियंट ऑफ एक्स अगर पूछेगा तो कितना बताओगे टैन थीटा, और कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा माइनस टैन थीटा बाई आर। इसमें कुछ कॉमन भी हो जाएगा, देखो एक्स टैन थीटा कॉमन हो जाएगा तो यहाँ पे लिख सकते हैं वन और यहाँ पे लिख सकते हैं एक्स और यहाँ से लिख सकते हैं आर। तो सिंपलेस्ट फॉर्मूला ही हो गया रेंज के टर्म में, इसको याद रखना एक्स टैन थीटा इंटू वन माइनस एक्स वाई आर हो गया। एक और बताते हैं इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन। तो यहाँ पे वी नॉट एक्स इक्वल टू हम लोग कितना लिखते थे वी नॉट कॉस थीटा, वी नॉट वाई के जगह पे क्या लिखते थे वी नॉट साइन थीटा। इसको डिवाइड कर देंगे वी नॉट वाई बाई वी नॉट एक्स, ये कितना हो जाएगा टैन थीटा हो जाएगा। अब हम लोग को वाई इक्वल टू जो इक्वेशन आया था एक्स टैन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू वी नॉट स्क्वायर कॉस थीटा था ना, जिसके जहाँ पे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं वी नॉट कॉस थीटा का होल स्क्वायर। हम देखो ऊपर से हम लोग को पुट कर लेंगे टैन थीटा के जहाँ पे क्या पुट कर सकते हैं वी नॉट वाई बाई वी नॉट एक्स माइनस जी एक्स स्क्वायर बाई क्या लिख सकते हैं टू वी नॉट एक्स का होल स्क्वायर। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री निकल गया इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन। मान लीजिए जैसे देखो कोई वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन तुमको दे देगा कि मान लीजिए थ्री आई प्लस फोर जे कैप, ठीक ना, तो बताइए इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री लिख सकते हो बाई इक्वल टू कितना लिख देंगे एक्स वी नॉट बाई के जहाँ पे कितना हो गया चार और वी नॉट एक्स के जहाँ पे कितना हो गया थ्री, तो कितना लिख देंगे फोर बाई थ्री माइनस जी के वैल्यू कुछ दिया हो रहेगा दस और वी नॉट एक्स का वैल्यू कितना है थ्री का होल स्क्वायर। तो क्वेश्चन ऑफ ट्रेजेक्ट्री हम लोग ये आ गया। अरे वेलोसिटी को लिखते ना जैसे जी वी नॉट एक्स आई का प्लस इससे कंपेयर करोगे तो नहीं आ जाएगा वी नॉट एक्स का वैल्यू कितना तीन और वी नॉट वाई का वैल्यू फोर। तो क्वेश्चन ऑफ ट्रेजेक्ट्री आ गया ना, तो फोर बाई थ्री एक्स माइनस फाइव एक्स स्क्वायर बाई कितना आ गया नाइन। क्वेश्चन ऑफ ट्रेजेक्ट्री निकल गया बाई जो फंक्शन ऑफ एक्स, बाई जो फंक्शन ऑफ एक्स ही को ना बोलते हैं क्वेश्चन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। तो इसको लिख लेना तो एक फॉर्मेट ए बताएं एक फॉर्मेट ए बताएं, एक ए फॉर्मेट है और एक फॉर्मेट ए, उसमें रेंज का वैल्यू लिख के वहां से वी नॉट स्क्वायर का वैल्यू से पुट कर दिए। साइन टू थीटा ऊपर चल जाएगा ना जी, ये जो नीचे साइन टू थीटा है ऊपर जाएगा, ऊपर यहाँ पे लिख देंगे ना क्या लिख दिए टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। साइन टू थीटा का फॉर्मूला बताए थे और फिर वो काट दिए तो उधर साइन बाई कॉस बच गया तो टैन हो गया टू टू कैंसिल एक्स स्क्वायर बाई आर हो गया।
यहाँ पे tan थीटा किसका कोफिशियंट हो गया x का, x स्क्वायर का कोफिशियंट पूछेगा तो कितना बताओगे, माइनस tan थीटा बाई, हाँ तो यहाँ से कोई क्वेश्चन दे देगा और कंपेयर करके कुछ पूछ सकता है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन देखो अभी यूज करते हैं तो बहुत सारा डाटा इससे निकलता है, तो कोई भी क्वेश्चन ऑफ ट्रेजेक्टरी दे देगा उससे फिर कंपेयर कर लेना, वहाँ से रेंज निकल सकता है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन निकल सकता है, मैक्सिमम हाइट निकल सकता है, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन निकल सकता है, कुछ भी निकल सकता है। इधर एक एग्जांपल दिए, कोई भी वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन इस टाइप से वेक्टर में दे देगा तो उसको कंपेयर करके, मतलब पहला वाला जो कोफिशियंट ऑफ आई होता है उसको क्या बोलते हैं, वी नॉट एक्स, कोफिशियंट ऑफ जे का क्या होता है उसको वी नॉट वाई, यहाँ से वी नॉट एक्स वी नॉट वाई निकल जाएगा, तो इस वाले क्वेश्चन में पुट कर देंगे तो हमको क्वेश्चन ऑफ ट्रेजेक्टरी निकल जाएगा। जैसे देखो उसमें एक क्वेश्चन ऑफ ट्रेजेक्टरी दिया हुआ, देखो नहीं पी क्वेश्चन ऑफ ट्रेजेक्टरी ऑफ प्रोजेक्टाइल क्या दिया हुआ, एक्स माइनस बी एक्स स्क्वायर, देन पूछा निकालिए एंगल ऑफ प्रोजेक्शन बताइए, रेंज बताइए, मैक्सिमम हाइट बताइए, एंड डी में कर लेना वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन ही बताइए। देखो ये क्वेश्चन जे में पूछे हुए, तो हम लोग को इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री अभी क्या बताएं कि याद रखना x tan थीटा वन माइनस एक्स वाई आर, जिसको हम लोग लिख सकते हैं यहाँ से tan थीटा इंटू एक्स माइनस tan थीटा वाई आर इंटू क्या लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर। अब इसको हम लोग जो गिवेन इक्वेशन है उससे हम लोग क्या कर लेंगे, कंपेयर कर लेंगे, दोनों इक्वेशन किसी को एक ही पाथ को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो यहाँ से हम लोग को क्या कंपेयर कर लेंगे एक्स का कोफिशियंट, और यहाँ से क्या कंपेयर कर लेंगे एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट। तो पहला वाला हम लोग को ए के जगह पे क्या लिख सकते हैं, टैन थीटा के जगह पे क्या लिख सकते हैं ए, तो यहाँ से एंगल ऑफ प्रोजेक्शन निकल गया ना टैन इनवर्स ए, थीटा ही होता है ना एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, पहला हम लोग को बन गया एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। फिर दूसरा से हम लोग क्या कंपेयर कर लेंगे, बी इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा tan थीटा बाई आर, समझेगा ना, बी के जगह पे कितना आ गया tan थीटा बाई आर, तो हमको दूसरा में क्या पूछा है रेंज, तो ए के जगह पे हम लोग यहाँ से tan थीटा के जगह पे ए और इसको बी को इधर कर लेंगे, तो ए बाई बी हम लोग क्या निकल गया रेंज निकल गया। फिर देखो तुम लोग एक रिलेशन बताए थे, याद तो नहीं होगा, मैक्सिमम हाइट और रेंज का रेशियो कितना होता बताओ, जिसे बताया था एच वाई आर इक्वल टू टैन थीटा वाई फोर, याद है बताया थे एच वाई आर इक्वल टू टैन थीटा वाई फोर, तो मैक्सिमम हाइट पूछा है तो रेंज हम लोग उधर कर लेंगे वाई फोर इंटू टैन थीटा, हाँ देखो रेंज का वैल्यू हम लोग निकाल लिए ना, कितना निकाल लिए ए बाई बी, तो ए बाई फोर बी हो जाएगा और टैन थीटा का वैल्यू कितना हो गया ए, तो मैक्सिमम हाइट निकल गया ए स्क्वायर बाई फोर बी, देखो मैक्सिमम हाइट भी निकल गया। अब देखो तुमको चाहिए वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन, तो रेंज इक्वल टू लिख सकते हो वी नॉट स्क्वायर साइन टू थीटा, किससे निकल, चलो उससे निकाल लेते हैं, तो फिर एक नया फॉर्मूला का बताना पड़ेगा, मैक्सिमम हाइट निकल गया ना तो इसको लिख सकते हो ना वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई टू जी, तो हमको क्या निकालना है वी नॉट निकालना है, तो वी नॉट हम लोग कितना लिख देंगे बताओ 2gh by sin square theta का square root, कितना नहीं हो जाएगा। अब देखो हम लोग को इसका square root निकालते हैं, 2gh का वैल्यू कितना निकला e square by 4b, हमको sin square theta का वैल्यू नहीं पता लेकिन tan theta का वैल्यू पता है, देखो tan theta ये हम लोग को theta हो गया, तो ये वाला e हो गया ये 1 हो गया, तो इसका वैल्यू कितना हो गया 1 plus e square, इस वाले फॉर्मूला से लिख सकते हो जी tan थीटा, tan थीटा इक्वल होता है ना क्या होता है पी वाई बी, तो b के जगह पे हम लोग कितना हो गया p के जगह पे कितना हो गया a और b के जगह पे कितना हो गया 1, तो हम लोग को राइट एंगल है, यहाँ से हम लोग को sin थीटा लिख सकते हैं, sin थीटा का वैल्यू कितना लिख सकते हैं बताओ a बाई रूट अंडर, चलो ट्रिग्नोमेट्री में सब पढ़ाए थे कन्वर्ट करने के लिए, साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा बताओ ए स्क्वायर बाई वन प्लस ए स्क्वायर,
देखो ई स्क्वायर क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा, क्या बचेगा जी छोटू, जी वन प्लस ई स्क्वायर बाई टू बी, वन प्लस ए स्क्वायर ऊपर चल जाएगा ना, और टू टू नीचे कैंसिल आउट कर देगा, कितना हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ क्या हो गया प्रोजेक्ट, देखो सब चीज निकल गया ना इससे इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री से। और ये तो सिंपल है, ये लिखो ना इससे वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन कितना दिया हुआ है, आई प्लस टू जे, मतलब यहाँ पे हम लोग को वी नॉट एक्स का वैल्यू कितना हो गया वन, और वी नॉट वाई का वैल्यू कितना हो गया टू। तो अभी क्वेश्चन ऑफ ट्रेजेक्ट्री एक बताए थे ना, एक से हम लोग कितना होता है वी नॉट वाई बाई वी नॉट एक्स माइनस जी एक्स स्क्वायर बाई टू वी नॉट एक्स का होल स्क्वायर। तो वी नॉट वाई का वैल्यू कितना हो गया टू, ये वन हो गया, जी का वैल्यू दस लेना है, टू इंटू वन का होल स्क्वायर, ये कितना हो गया टू एक्स माइनस फाइव एक्स स्क्वायर। देखो ऐसा कोई क्वेश्चन आ रहा होगा, टू एक्स माइनस फाइव एक्स स्क्वायर हम लोग को आ गया बी। तो समझ में आया, तो क्वेश्चन ऑफ ट्रेजेक्ट्री को दिया होगा, तो जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है जो बताएं उससे कंपेयर करके एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, रेंज, मैक्सिमम हाइट, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन निकाल सकते हो। और कोई हम लोग को वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन दे देगा किसी वेक्टर फॉर्मेट में, तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री निकाल सकते हो। जैसे देखो कुछ क्वेश्चन और हम लोग को लिखो ना, इसमें द ट्रेजेक्ट्री ऑफ प्रोजेक्टाइल, प्रोजेक्टिव फ्रॉम द ग्राउंड इज गिवन बाय इतना, ट्रेजेक्ट्री ऑफ पाथ दे दिया है एक्स एंड वाई, द मैक्सिमम हाइट अटेन बाय प्रोजेक्टाइल, बताओ। देखो ये वाला फॉर्मूला भी याद कर सकते हो, अभी जो जनरल फॉर्म बताए थे ना, ये देखो अभी नहीं बताया था एक्स माइनस बी एक्स स्क्वायर, देखो ए के जाप भी कितना आ गया वन, एंड बी के जाप भी कितना आ गया वन बाई ट्वेंटी। तो मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला कितना आया था ए स्क्वायर बाई फोर बी आया था, ये वन का होल स्क्वायर हो गया फोर इंटू वन बाई ट्वेंटी, कितना आ जाएगा हम लोग को पाँच मीटर, हम लोग को डी आंसर इतना आया था, तुम लोग को ऐसे भी कंपेयर कर सकते हो। तो एक्स का जो कोफिशियंट हुआ उसको ए बोल दिया, बी का जो कोफिशियंट हुआ एक्स स्क्वायर उसको बी बोल दी, और अभी स्टैंडर्ड फॉर्मेट बताए थे ना, मान लो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन निकालना तो डायरेक्ट हम लोग टाइन वर्स ए लिख देंगे, अरे के जहाँ पे कितना हो गया पान, अरे कितना हो गया पैंतालीस डिग्री। मैक्सिमम रेंज पूछेगा, मतलब सॉरी रेंज पूछेगा, तो रेंज का वैल्यू बताया था ना ए बाई बी, ए का वैल्यू वन हो गया वन बाई ट्वेंटी, तो कितना हो गया बीस मीटर, उसको डायरेक्ट भी हम लोग याद कर सकते हो। अब इसमें लिखो दिखो एन इनिशियल वेलोसिटी इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन ऑफ प्रोजेक्टाइल यूनिट वेक्टर आई इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल इतना, द कंपोनेंट वेक्टर ऑफ द इनिशियल वेलोसिटी, बाई कंपोनेंट पूछ रहा है, तो बाई इक्वल टू हम लोग लिख लोगे ना फाइव एक्स और माइनस कितना हो गया जी फाइव एक्स स्क्वायर, मल्टीप्लाई कर लिए ना, तो यहाँ पे हम लोग को स्क्वायर लिख सकते हो कि हम लोग को वी नॉट वाई बाई वी नॉट एक्स इंटू एक्स माइनस जी एक्स स्क्वायर बाई टू वी नॉट एक्स का होल स्क्वायर, इससे हम लोग को वी नॉट वाई निकल जाएगा नहीं निकल जाएगा, देखो इससे कंपेयर करके हम लोग क्या निकल जाएगा वी नॉट वाई बाई वी नॉट एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा फाइव, तो हमको वी नॉट वाई का वैल्यू पूछना है, तो फाइव इंटू वी नॉट एक्स हो जाएगा, तो वी नॉट एक्स इससे कंपेयर करके निकाल लोगे जी बाई टू वी नॉट एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया फाइव, तो जी का वैल्यू कितना हो गया दस, दो इंटू पाँच, और ये हम लोग कितना हो गया वी नॉट एक्स का होल स्क्वायर, तो वी नॉट एक्स का वैल्यू कितना हो गया वन हो गया, तो हम लोग कितना हो गया पाँच इंटू वन। तो क्वेश्चन ऑफ कभी हम लोग इक्वेशन ऑफ तुमको प्रोजेक्शन के टर्म में बताया थे वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन के टर्म में, उसका इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री याद कंपेयर कर ले। जैसे इसमें देखिए हम लोग किससे कंपेयर किए, जो रेंज वाला भी बताया था ना उससे कंपेयर किए, जैसे वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन वाला जो बताया था उससे कंपेयर किए, तीन फॉर्मेट में बताएं, तो इसको याद रखना। एक हम लोग को एक्स टैन थीटा मान जी एक्स स्क्वायर बाई टू वी नॉट स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा वाला, एक रेंज वाला और एक वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन वाला।
तो जहाँ पे वेलोसिटी की बात करेगा ये लिखना, जहाँ पे हम लोग रेंज वगैरह मैक्सिमम हाइट की बात करेगा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, तो x tan थीटा 1 माइनस एक्स वाई आर वाला लिखना। जैसे देखो ये हम लोग को क्या दे दिया है, क्वेश्चन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। देखो पूछ क्या रहा है, थीटा नॉट और वी नॉट पूछ रहा है, कितना एंगल से प्रोजेक्ट किया गया, कितना स्पीड से प्रोजेक्ट कर दिया गया, बन जाएगा। देखो बनाओ, इसको कौन सा से कंपेयर करेंगे, फर्स्ट वाला, सेकंड वाला, थर्ड वाला, नहीं पता चला। इसको फर्स्ट वाला से कंपेयर करेंगे, समझे। फर्स्ट वाला कौन, टैन थीटा इंटू एक्स माइनस जी बाई टू वी नॉट स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इंटू एक्स स्क्वायर। अब पूछो फर्स्ट वाला से क्यों कंपेयर किए, क्योंकि हमको क्या निकालना था, वी नॉट। तो वी नॉट किस में था हम लोगों, फर्स्ट वाला में। अब इससे कंपेयर कर लेते, टू के जगह पे कितना आ गया टैन थीटा, तो यहाँ से हम लोग का एंगल ऑफ प्रोजेक्शन निकल गया ना, टैन थीटा इक्वल टू टू। तो देखो जो भी एंगल दिया हुआ ना साइन के टर्म में दिया हुआ, तो तुम आपको अभी बताया थे कन्वर्ट कर लोगे, नहीं लिख सकते हो, टू को लिख सकते हो टू बाई वन। अब ये ट्रायंगल हम लोग बनाएंगे थीटा, ये टू हो जाएगा, ये वन हो गया, ये कितना हो गया रूट अंडर फाइव। अब यहाँ से साइन थीटा कॉस थीटा निकाल सकते हो ना, माने साइन थीटा के टर्म में रहेगा तो टू बाई रूट अंडर फाइव, जो साइन और कॉस दोनों के टर्म है तो वन बाई कितना हो जाएगा रूट अंडर फाइव। अब यहाँ से क्या निकल जाएगा एंगल्स, ये वाला तो गलत आ गया ना, ये वाला तो गलत आ गया, यहाँ पे टू आएगा। अब कॉस थीटा वाला में हम लोग, ये वाला भी सही हो सकता है, ये वाला भी गलत आ गया, क्योंकि हम लोग कॉस में हम लोग इधर यहाँ पे कितना आ जाएगा वन आ जाएगा, तो दो ऑप्शन तो गलत हो गया। अब 50-50 मार दो, जय माता दी। तो दूसरा से कैसे निकलेगा, अब उससे स्पीड निकालोगे तब पता चलेगा, तो स्पीड वाला से कंपेयर करो, तो 9 हम लोग को जी वाई टू वी नॉट स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा 9। इसे कंपेयर करेंगे ना, यहाँ पे क्या है 9, 9 के जगह पे हम लोग यहाँ पे क्या है ये, तो हम लोग को वी नॉट स्क्वायर का वैल्यू निकालना है ना, तो ये 10 बाई 2 इंटू 9 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। इसको इधर लेके आगे और ये इधर लेके आगे, तो ये हम लोगों के ऊपर हो गया 5 और 9 कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना हो गया 1/5, 25y कितना हो गया 9, तो वी नॉट का वैल्यू उतना आ गया, तो वी नॉट का वैल्यू कितना आ गया 5/3। 5/3 किस में आता है, फर्स्ट में आता है ना, तो फर्स्ट वाला हो गया, चूंकि ये तो सही था, तो 3/5 है। तो एंगल देखो, एंगल थीटा आ जाएगा ना यहाँ से, थीटा के जहाँ पर लिख सकते हो कॉस इनवर्स 1/√5। और पड़ेगा एक लास्ट क्वेश्चन बता देते हैं, नोट कर लिया ना। देखो लिखा है बॉल प्रोजेक्टेड फ्रॉम ग्राउंड एट एन एंगल ऑफ 45 जस्ट क्लियर योर वॉल इन फ्रंट ऑफ इट। तो देखो एक बॉल को प्रोजेक्ट किया जा रहा है कितना एंगल पे, 45 डिग्री पे, इस तरीके से हम लोग जा रहा है। ये पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन इज 4 मीटर फ्रॉम द फुट ऑफ द वॉल एंड स्टैक द ग्राउंड डिस्टेंस ऑफ 6 मीटर ऑन द अदर साइड ऑफ द वॉल। तो देखो यहाँ पे एक दीवार लगा गया, यहाँ पे क्या लगा दिया गया, एक दीवार, एक दीवार लगा दिया गया, उसको जस्ट ऊपर से ये बॉल क्या कर रहा है, पास कर रहा है, जस्ट इसके ऊपर से पास करते हुए चला जा रहा है। तो इस दीवार से 4 मीटर पे क्या दिया हुआ है, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, और 6 मीटर जहाँ पे स्ट्राइक करता है, 6 मीटर ये दिया हुआ है, जहाँ पे बॉल स्ट्राइक किया हुआ डिस्टेंस कितना दिया, 6 मीटर। इससे हमको पता चल गया रेंज, रेंज हम लोग कितना निकल जाएगा, 4 + 6 = 10 मीटर, रेंज पता चल गया ना। तो हमको क्या निकालना, हाइट ऑफ द वॉल, देखो ये हाइट निकालना, देखो इस पॉइंट का हमको कोऑर्डिनेट पता है 4, h हो जाएगा, ये पता चला ये ऑरिजिन है ना, तो हम लोग यहाँ से चले थे एक्स कोऑर्डिनेट, ये चले वाई कोऑर्डिनेट, तो पॉइंट हम लोग निकल गया। अब हम लोग क्या करेंगे, ये रेंज वाला जो क्वेश्चन है ना, वाई कोऑर्डिनेट एक्स टैन थीटा 1 - x वाई आर,
देखो एच बाई के जहाँ पे कितना हो गया एच, और एक्स के जहाँ पे कितना हो गया चार, थीटा कितना हम लोग दिया हुआ है 45 डिग्री, और वन माइनस हम लोग को चार, और बाई रेंज हम लोग कितना निकल गया 10, तो ये 4 इंटू कितना गया 1, और 1 माइनस कितना गया 0.4, 4 इंटू कितना गया 0.6, तो हम लोग आंसर कितना हो गया 2.4 मीटर। तो हम लोग ऐसे करके हम लोग बनाते हैं। तो देखो इसको क्या किए, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी को सेटिस्फाइड करवा दिए उस पॉइंट को, बता था ना इस ट्रेजेक्टरी पे कोई पॉइंट होगा वो क्या करेगा इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा। यहाँ पे समझो एक्स के जहाँ पे क्या लिख लिए 4, एक्स के जहाँ पे 4 हो गया, वाई के जहाँ पे कितना हो गया एच हो गया। हाँ समझ में, तो कोई भी पॉइंट रहेगा उसमें दे देगा, उसमें इक्वेशन को सेटिस्फाइड करे कुछ निकाल देना, चाहे बाई दीवार का हाइट देके पूछ देता दीवार का लोकेशन, दीवार लोकेट कहाँ पे, नहीं समझ में आया। जैसे बोल रहे थे ना कि हम लोग वॉल को प्रोजेक्ट करते हैं कितना डिग्री पे 45 डिग्री सर्टेन वेलोसिटी से, तो एक दीवार को जस्ट क्रॉस करते हुए बॉल मतलब जस्ट उसके ऊपर से टच करते हुए चला गया, तो जहाँ से प्रोजेक्ट करे है ना फुट ऑफ वॉल से 4 मीटर पे डिस्टेंस दिया हुआ, जहाँ पे स्ट्राइक करता है 6 मीटर, तो यहाँ से यहाँ के डिस्टेंस को क्या बोलते हैं रेंज, तो दोनों को जोड़ देंगे तो क्या निकल गया हमको रेंज निकल गया, और ये वाला पॉइंट यहाँ पे निकल गया क्वेश्चन ऑफ ट्रेजेक्टरी। कोऑर्डिनेट लेते हैं ना यहाँ पे 4, H, तो x के जहाँ पे निकल गया 4, y के जहाँ पे h हो गया, और इक्वेशन में जो ट्रेजेक्टरी हम लोग पढ़े थे रेंज के टर्म वाला क्यों यूज किए, क्योंकि रेंज हमको पता चल गया और थीटा भी पता है ना, थीटा पता है ना, थीटा भी पता चल गया, रेंज भी पता चल गया, इसलिए रेंज वाला इक्वेशन ऑफ में पुट कर लिए। अब इसे y के जहाँ पे h पुट कर लिया, x के जहाँ पे h निकल गया। देखो आज हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ेंगे फ्रॉम टावर से, द टावर से भी किसी एंगल पे फेंकेंगे मतलब कोई हाइट से, हम लोग अभी ग्राउंड से फेंक रहे थे ना, ग्राउंड से किसी एंगल पे फेंक रहे थे, अब कोई हाइट से हम लोग किसी एंगल पे फेंकेंगे, अपवर्ड फेंकेंगे, हॉरिजॉन्टल फेंकेंगे, डाउनवर्ड फेंकेंगे, या इंक्लाइन प्लेन से जैसे इस तरह से इंक्लाइन पर नहीं रहता ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर फेंकेंगे, तो कुछ कुछ चेंजेज होगा इसमें। तो ग्राउंड वाला वो कंप्लीट हो गया तुम लोगों, जैसे हम लोग को ये टावर है इसमें कुछ हाइट दे देगा, सपोज के लिए इसका हाइट मान लेंगे हम लोग एच, जैसे पहले तुम लोग ऑलरेडी बताए थे ना इसमें हम लोग को किधर फेंके थे वर्टिकल है ना, ऊपर फेंके थे सीधे, तो उसमें टाइम ऑफ फ्लाइट निकाले थे, तो इसमें हम लोग को सपोज के लिए जहाँ से प्रोजेक्ट किए वहीं पे क्या मान लिए और जी सारा प्रोसेस तुम लोग को पता है पहले जो पाए वो इसी टाइप से, इधर हम लोग कौन सा एक्सिस हो जाएगा एक्स एक्सिस, और इधर हम लोग कौन सा एक्सिस हो जाएगा बाई एक्सिस, तो किसी हाइट से फेंक दिए हम लोग इस तरीके से, तो जिस समय लोग प्रोजेक्ट किए वहीं पे स्टॉप वॉच उसी टाइम ऑन कर लिए, और मान लिया ये एंगल थीटा हम लोग को हॉरिजॉन्टल से मतलब कि एक्स एक्सिस से एंगल कितना थीटा नॉट थीटा पे फेंक दिए, अभी हम लोग को फेंकेंगे तो इस तरह से जाएगा ना जाएगा, और इसमें जी किधर लेगा, जी तो हमेशा बताया था ना वर्टिकली डाउनवर्ड, समझे जी हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट होगा, ऊपर फेंकेंगे तो इसके जी लगने के कारण हम लोग फिर से वो वापस आ जाएगा, तो हम लोग ऐसे फेंकेंगे ना इस तरह से पाथ बनाएगा, तो जितना टाइम हम लोग को हवा में रहता है उस टाइम को हम लोग क्या बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट, तो यहाँ पे जब स्ट्राइक करेगा तो उस टाइम को हम लोग क्या बोल देंगे कैपिटल टी, दैट इक्वल टू कैपिटल टी क्या है टाइम ऑफ फ्लाइट। मान लीजिए पॉइंट पी हो गया, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना लिख देंगे हम लोग बताओ, ये वाला हम लोग डिस्टेंस यहाँ से जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन जो डिस्टेंस कवर करता है ना उसको हम लोग क्या बोलते हैं रेंज, ये वाला हम लोग डिस्टेंस क्या हो गया रेंज, तो उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा बताओ, आर कॉमा क्या लिखेंगे माइनस एच जी, और जी हम लोग यहाँ पे माने हैं ना, तो हम लोग यहाँ पे जाने के लिए क्या करेंगे पहले निगेटिव बाई एक्सिस में जाएंगे, तो बाई एक्सिस ऊपर है ना, तो इधर हम लोग निगेटिव बाई एक्सिस में फिर इधर जाएंगे, तो बाई में किधर चले निगेटिव कितना चले एच, तो माइनस एच लिख देंगे, एक्स में किधर चले जिधर हम लोग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, तो हम लोग कोऑर्डिनेट कितना लिख दे आर लिख दिए, तो पहले हम लोग कोऑर्डिनेट लिख लिए
इनिशियल कोऑर्डिनेट हम लोग कितना हो गया 0, 0। कैपिटल टाइम टी पे कोऑर्डिनेट कितना हो गया आर कॉमा माइनस एच। अब देखिए वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन हम लोग कितना हो जाएगा, तो वी नॉट एक्स एक्स डायरेक्शन में कंपोनेंट लेंगे तो कितना लिख देंगे बताओ, वी नॉट कॉस थीटा ही हो जाएगा ना, और वी नॉट वाई लेंगे तो कितना हो जाएगा, वी नॉट साइन थीटा हो जाएगा ना। ऐसे इसका हम लोग इधर लेते हैं तो जिधर कंपोनेंट लेना रहता है उधर घूमते हैं, इधर कितना यूनिट से घूमे थीटा, उसमें कोसाइन लगा दिए इसके मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई कर दिए, तो जिधर से थीटा लेते हैं उधर कॉस थीटा, बगल वाला साइन थीटा, और एक्स का वैल्यू कितना हो जाए बताओ। अब देखो जी हम लोग किधर है, निगेटिव वाई डायरेक्शन में, जिसका हम लोग कंपोनेंट लेंगे तो एक एंगल कितना हो गया 90 डिग्री, इधर घूमेंगे कितना घूमे जी कॉस 90। अब कॉस 90 का वैल्यू कितना हो जाता है 0, तो जी इंटू 0 हम लोग को 0 ही हो गया, तो एक्स में हम लोग को कॉस, तो वाई में हम लोग क्या हो जाएगा साइन, और इसका इफेक्ट निगेटिव वाई एक्सिस में है ना इसलिए माइनस साइन लग गया। तो देखो ये तो चेंज हुआ नहीं, पहले जैसा ही था, जो हॉरिजॉन्टल से फेंकते थे ग्राउंड से उतना ही हम लोग को इनिशियल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी भी आ गया, एक्सीलरेशन भी आ गया, तो ये कंपोनेंट हम लोग को चेंज नहीं हुआ, पहले जैसा ही हम लोग आ गया ये भी और ये भी। तो हमको क्या निकालना है, टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है, तो टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने के लिए कौन सा इक्वेशन लगाते हैं बताया था तुम लोगों ने, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन इन बाई डायरेक्शन, तो डेल्टा बाई मतलब बाई फाइनल माइनस बाई इनिशियल वी नॉट बाई टी प्लस हाफ ए बाई इंटू टी स्क्वायर, तो बाई जो कोऑर्डिनेट होता है फाइनल कोऑर्डिनेट कितना हो गया माइनस एच, और इनिशियल बाई कोऑर्डिनेट कितना हो गया 0, तो बाई फाइनल के जहाँ पे माइनस एच रखेंगे और यहाँ पे क्या रख देंगे 0, अरे वी नॉट बाई कितना रख देंगे वी नॉट साइन थीटा, और ये टाइम कितना हो जाएगा कैपिटल टी, और ये हम लोग को ए बाई कितना हो जाएगा माइनस जी और इंटू कितना हो जाएगा टी एस पर, तो ये माइनस एच हो गया दैट इक्वल टू वी नॉट साइन थीटा इंटू टी हो गया माइनस जी टी स्क्वायर बाई कितना हो गया 2, तो यहाँ पे दोनों से माइनस मल्टीप्लाई कर देते हैं दोस्तों, तो कितना हो गया 2 वी नॉट साइन थीटा इंटू टी, और माइनस कितना हो गया जी टी स्क्वायर। अब इसको इधर लेके आ जाएंगे सबके, तो जी टी स्क्वायर हो गया माइनस 2 वी नॉट साइन थीटा इंटू टी, और माइनस कितना हो गया 2h, ये क्या बन गया हम लोग को क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया ना, कैपिटल टी में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। पहले हम लोग टावर से फेंके थे ना, इसमें वाले वनली खा लेते वी नॉट साइन थीटा के जहाँ पे क्या था वी नॉट था, तो यहाँ से टाइम फ्लैट निकल जाएगा ना ठीक है, वैल्यू कितना निकलेगा माइनस माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर मतलब माइनस 2 वी नॉट साइन थीटा का कितना हो जाएगा होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू माइनस 2h, अब भाई हम लोग को 2 इंटू ए, तो ए के जहाँ पे कितना लिख देंगे जी, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 2 वी नॉट साइन थीटा, अरे प्लस माइनस वाला तो लेंगे नहीं क्योंकि टाइम निगेटिव आ जाएगा ना, तो 4 वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ पे कितना हो गया जी 8 जी एच डिवाइडेड बाई 2 जी। अब देखो इससे 4 बाहर निकल जाएगा ना, 4 बाहर निकल जाएगा तो यहाँ क्या बच जाएगा 2, और 2 क्या जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो टाइम ऑफ फ्लैट हम लोग कितना आ गया वी नॉट साइन थीटा प्लस वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 जी एच डिवाइडेड बाई जी कितना है समय में। अब देखो थीटा के जहाँ पे 90 रिपोर्ट कर दो, तो पहले जो आप वर्टिकली प्रोजेक्ट किए थे इतना ही टाइम फ्लैट आ जाएगा नहीं आ जाएगा, ये वहाँ 1 आ जाएगा ना, और यहाँ भी कितना आ जाएगा 1, बता थे ना वी नॉट प्लस वी नॉट स्क्वायर प्लस 2 जी एच बाई जी, तो जनरल रिजल्ट हो गया थीटा के जहाँ पे क्या रिपोर्ट कर देंगे 90 डिग्री, पहले हम लोग वर्टिकली प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़े थे ना वो वाला रिजल्ट आ जाएगा, तो पहले जो वर्टिकल प्रोजेक्टाइल मोशन में जहाँ पे वी नॉट था वहाँ पे कितना आ गया वी नॉट साइन थीटा, इसको फाइनली हम लोग ऐसे भी याद कर सकते हैं कि वर्टिकल प्रोजेक्टाइल मोशन में जो हम लोग को वी नॉट था अब इसके जहाँ पे हम लोग क्या कर लेंगे वी नॉट साइन थीटा। बाकी सब सेम ही हो गया,
नीट में बताया था ना, इसी से क्वेश्चन पूछा था वर्टिकल प्रोजेक्टाइल मोशन से, जिसमें हम लोगों वी नॉट प्लस वी नॉट स्क्वायर प्लस टू जे का स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाई जी था। तो देखो सही क्वेश्चन आ गया, सब प्रोसेस सेम ही है। तो वी नॉट एक्स वी नॉट वाई सेम था, एक से वाई सब सेम ही हो गया। अभी हम लोग को रेंज निकालना है कि इसका वैल्यू कितना होगा, या ना रेंज निकल जाएगा, निकालो तुम लोग। रेंज के लिए कौन सा इक्वेशन बताए थे, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाना है एक्स एक्सिस में, रेंज निकालना है तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाना है, टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन वाई डायरेक्शन लगाना है, उसको दिमाग में रखना। लिखो हॉरिजॉन्टल रेंज हमको निकालना है, तो रेंज निकालने के लिए बताया कौन सा इक्वेशन लगाना है, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन इन एक्स डायरेक्शन, तो वी नॉट एक्स टी प्लस हाफ एक्स इंटू टी स्क्वायर। तो देखो एक्स का फाइनल कोऑर्डिनेट कितना हो गया कैपिटल आर, एक्स का इनिशियल कोऑर्डिनेट कितना हो गया जीरो, तो एक्स हम लोग ये फाइनल कोऑर्डिनेट आर हो गया, इनिशियल कोऑर्डिनेट जीरो। और वी नॉट एक्स कितना निकाले थे, वी नॉट कॉस थीटा, टाइम हम लोग यहाँ पे कितना पुट कर देंगे कैपिटल टी, और एक्स का वैल्यू कितना आया था जीरो, तो आर का वैल्यू कितना आ गया वी नॉट कॉस थीटा इंटू टी। अभी टी कहाँ से पुट कर लेंगे, जो अभी निकाले थे यहाँ से जो टी निकाले थे ना वो वाला टी उसमें पुट कर देंगे तो क्या निकल जाएगा रेंज, वे टी का वैल्यू वी नॉट साइन थीटा प्लस वी नॉट साइन स्क्वायर थीटा प्लस टू जी एच का स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाई जी, तो टी हम लोग यहाँ से पुट कर देंगे। अब नेक्स्ट लिखना वेलोसिटी एट विच ऑब्जेक्ट स्ट्राइक द ग्राउंड, कितना वेलोसिटी से ग्राउंड को स्ट्राइक किया। देखो यहाँ पे मान लिया वेलोसिटी हम लोग को कैसे होता है, टेंजेंट के लॉन्ग होता है ना, यहाँ पे वेलोसिटी इधर हो जाएगा, ये वाला वेलोसिटी हमको निकालना है पॉइंट पी पे। तो पहले भी तुम लोगों को बताया था ना वेलोसिटी निकालने के लिए, मान लो एक्स कंपोनेंट निकालेंगे तो वी एक्स का वैल्यू हम लोग कितना हो जाएगा वी नॉट एक्स प्लस एक्स इंटू टी, ये तो हम लोग हो गया वी नॉट कॉस थीटा हो गया, और एक्स का वैल्यू कितना हो गया जीरो टाइम टी हो गया। एक्स कंपोनेंट तो वेलोसिटी चेंज होता ही नहीं ना होता है, सेम ही रह जाएगा वी नॉट कॉस थीटा, और वाई कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी हम लोग निकाल लेंगे तो वी वाई इक्वल टू वी नॉट वाई प्लस ए वाई इंटू टी। तो ये वी वाई प्लस ए वाई इंटू टी, तो वी वाई कितना हो गया जी वी नॉट साइन थीटा, और ए वाई कितना हो गया माइनस जी, और टी का वैल्यू वहाँ से पुट करना पड़ेगा, तो वी वाई का वैल्यू हो गया वी नॉट साइन थीटा और माइनस जी, टी के जगह पे कितना पुट कर लेंगे हम लोग वी नॉट साइन थीटा प्लस वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस टू जी एच डिवाइडेड बाई जी। देखो ये वाला जी जी कैंसिल आउट हो जाएगा ना, अब इससे देखो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला प्लस हो जाएगा, ये वाला माइनस, तो बच जाएगा तुम्हारा हम लोग कितना बच जाएगा जी माइनस वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस टू जी एच कितना बच जाएगा। तो वेलोसिटी को हम लोग लिखते हैं ना वी एक्स आई का, तो वी एक्स के जहाँ पे कितना पुट कर लेंगे वी नॉट कॉस थीटा इंटू आई का प्लस वी वाई जी का, वी वाई के जहाँ पे हम लोग ये निकाल लेंगे वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस टू जी एच इंटू कितना हो गया जी। कितना निकल गया वेलोसिटी को लिखते हैं ना जी वी एक्स आई का प्लस वी वाई जे का। तो स्पीड कैसे निकलता है पता ही है तुम लोग को,
इसका मॉड ले लेंगे हम लोग, तो मॉड ले लेंगे तो वी नॉट कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस माइनस वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस टू जी एच का होल स्क्वायर का पूरे का हम लोग क्या ले लेंगे स्क्वायर रूट। तो कितना हो जाएगा जी, देखो देखना है जी, वी नॉट स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा होगा, यहाँ पे स्क्वायर करेंगे तो माइनस प्लस हो जाएगा, रूट खत्म हो जाएगा, तो यहाँ से बचा कितना वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, तो वी नॉट स्क्वायर कॉमन हो गया तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कितना हो गया साइन स्क्वायर थीटा, बाद में क्या बच जाएगा मल्ली टू जी एच इतना हो जाएगा। ये देखो पहले भी आता था इतना स्पीड, लोग नहीं बताया था टावर से प्रोजेक्ट करते हैं तो स्पीड कितने नए थे वी नॉट स्क्वायर प्लस टू जी एच, मतलब किसी भी टावर से कैसे भी प्रोजेक्ट करो, ऊपर प्रोजेक्ट कर दो, नीचे प्रोजेक्ट कर दो, किसी एंगल पे प्रोजेक्ट कर दो, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्ट कर दो, हमेशा स्पीड सेम रहेगा वी नॉट स्क्वायर प्लस टू जी एच का स्क्वायर, समझे, स्पीड हमेशा सेम रहेगा। अगर देखो ये एंगल अगर हम तुमसे पूछ देगा कि बताओ कितना एंगल पे स्ट्राइक किया हॉरिजॉन्टल से, तो निकाल लोगे ना टैन फाइव इक्वल टू क्या होता है वी वाई बाई वी एक्स, बताए थे ना जिसमें वी एक्स हम लोगों को कितना निकला, वी वाई कितना निकला इतना, वी एक्स कितना निकला इतना, जैसे पुट कर देंगे तो हम लोग क्या निकल जाएगा एंगल हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल पे स्ट्राइक किया, तो माइनस हम लोग को हो जाएगा वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस टू जी एच डिवाइडेड बाई वी नॉट कॉस थीटा। तो सब फॉर्मूला भी है तो इसको याद रखना, टाइम ऑफ फ्लाइट का रेंज का वेलोसिटी का स्पीड का हुआ जी, समझ में नहीं आया का तुम लोगों जी, अरे यहाँ पे वेलोसिटी को लिखते हैं ना जी वी एक्स आई का प्लस वी बाई जे का, ये वेलोसिटी निकालें इससे वी एक्स का वैल्यू यहाँ से पुट कर दिए हैं, वी वाई का वैल्यू यहाँ से पुट कर दो, उसी को यहाँ पे लिखें, एंगल दिखा दिया ना फाई कहाँ पे एंगल है, दो पॉइंट और है द टाइम एट विच ऑब्जेक्ट अगेन एट सेम हाइट फ्रॉम द ग्राउंड, पूछा वो टाइम बताइए जब ऑब्जेक्ट ना अगेन सेम हाइट पे आ गया ग्राउंड से, ये पहले ही बताया था ना ऐसा क्वेश्चन तुमको, देखो देखो मान लो इसे पार्टिकल को फेंके तो पहले ऊपर गया फिर हम लोग ऊपर से नीचे आए, तो यहाँ पे पार्टिकल अगेन हम लोग को सेम हाइट पे आ जाएगा ना ग्राउंड से, तो यहाँ से यहाँ आने का टाइम हम लोग को पड़े हो ना कितना पड़े हो टू वी नॉट साइन थीटा बाई जी, यही टाइम फ्लैट नीचे भूल जाओ हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल टू हॉरिजॉन्टल, इसका आंसर कितना हो जाएगा हम लोग को टू वी नॉट साइन थीटा बाई जी। अभी इसमें डिस्टेंस भी पूछा है कि कितना डिस्टेंस के बाद ऑब्जेक्ट अगेन सेम हाइट पे आ जाएगा, जिसमें डी का जो वैल्यू हो जाएगा वो कितना हो जाएगा रेंज के बराबर, तो हॉरिजॉन्टल रेंज कितना होता है वी नॉट स्क्वायर साइन टू थीटा बाई जी, कितना डिस्टेंस के बाद पार्टिकल अगेन सेम हाइट पे आ जाएगा, बोले यहाँ से पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से कितना डिस्टेंस के बाद बोला सेम हाइट पे आ जाएगा, कितना टाइम के बाद सेम हाइट पे आ जाएगा, तो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्ट आए ना ग्राउंड से जो प्रोजेक्ट करते थे, ग्राउंड से जो प्रोजेक्ट किया वो टाइम फ्लैट हुआ वही रेंज हो गया। देखो इसको बना दो क्वेश्चंस को, देखो ना ऑब्जेक्ट इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम टावर और हाइट हम लोग को दिया हुआ है कितना दे दिया 200 मीटर विथ अ स्पीड ऑफ, ये स्पीड दिया हुआ हम लोग को कितना दिया हुआ जी 50 मीटर पर सेकेंड, आट एंगल इतना फ्रॉम हॉरिजॉन्टल तो ये हॉरिजॉन्टल हो गया, ये एंगल हम लोग को हॉरिजॉन्टल से कितना दिया हुआ 37 डिग्री, दे फाइंड द टाइम ऑफ फ्लाइट रेंज स्पीड एट विच ऑब्जेक्ट स्ट्राइक द ग्राउंड, तो यहीं पे हम लोग को स्टॉप वॉच ऑन कर लेंगे तो टी का वैल्यू जीरो हो जाएगा, तो टाइम ऑफ फ्लाइट पूछ रहा तो टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला लिखवाए थे तुम लोगों ने v नॉट साइन थीटा प्लस v नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई जी, तो डायरेक्ट यहाँ से v नॉट साइन थीटा का वैल्यू ही निकाल लो, तो v नॉट साइन थीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा जी ये 50 और साइन 37 कितना होता है जी 3/5, तो ये कितना आ जाएगा 30 ना जी,
तो यहाँ डायरेक्ट 30 का वैल्यू पुट कर लो, 30 हो गया और ये कितना हो गया 900 हो जाएगा, और 2 इंटू कितना हो जाएगा हम लोग को 200 और इंटू 10 तो कितना हो जाएगा 4900 हो जाएगा ना, उधर 4900 हो जाएगा, तो 4900 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 70, 70 प्लस 30 कितना हो जाएगा 10 सेकंड आ जाएगा ना, और रेंज पूछेगा तो रेंज अभी बताए थे ना हम लोग, क्या बताए थे वी नॉट कॉस थीटा इंटू टी, और वी नॉट का वैल्यू कितना है 50 और कॉस 37 और ये हम लोग को 10 आ गया निकल गया, तो ये 4/5 हो जाता है जी, तो ये कितना हो जाएगा जी 400 मीटर। फिर पूछा स्पीड एट विच ऑब्जेक्ट स्ट्राइक द ग्राउंड, तो स्पीड बताया था ना अभी वी नोट स्क्वायर प्लस 2gh, 50 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 10 इंटू 200 तो कितना हो गया 4000, 6500 ना जी, तो इसको लिख सकते हैं 10√65 मीटर, तो 65 का स्क्वायर रूट अप्रोक्सीमेट कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा ना, तो 8 इंटू 10 कितना हो गया 80, 80 के आसपास जो आंसर रहेगा तो मार देना, 80 से थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा मतलब ऑब्जेक्टिव में देगा ऑप्शन, तो ये वाला बनाओ। तो ये दोनों में क्वेश्चन पूछा है जे मेंस में नीट में, पहले जे का क्वेश्चन है जिसको नीट वाला भी पूछा है कि वाई फ्लिंग ऑन द रूफ ऑफ 10 मीटर हाई बिल्डिंग, एक लड़का खेल रहा है 10 मीटर हाई बिल्डिंग पे छत पे, एक बॉल को फेंक दिया 10 मीटर पर सेकंड से एट एंगल ऑफ 30 विद द हॉरिजॉन्टल, पूरा हाउ फार फ्रॉम द थ्रोइंग पॉइंट विल द बॉल बी एट हाइट ऑफ 10 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड, तो सेम हाइट पे कितना डिस्टेंस के बाद आ जाएगा, तो ये डी का वैल्यू पूछ रहा है, समझा पूछ रहा है ना कि सेम हाइट पे जैसे बिल्डिंग था ना ऐसे हम लोग को बॉल को फेंका तो बॉल ऐसे जाएगा ना, तो ये बोल रहा है कि बिल्डिंग से सेम अगेन 10 मीटर के हाइट पे कब रहेगा, ये हम लोग इसका कितना था 10 मीटर, ये भी हम लोग को 10 मीटर के हाइट पे कब आएगा, ये वाला भी डी बताया थे ना, डी का वैल्यू वही पूछ रहा है कि थ्रोइंग पॉइंट से कितना डिस्टेंस पे अगेन बॉल होगा 10 मीटर के हाइट पे आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा वी नॉट स्क्वायर साइन टू थीटा वाई कितना हो जाएगा जी, तो वी नॉट कितना है जी 10 और ये हम लोग को 2 इंटू कितना हो जाएगा 30 वाई कितना हो जाएगा जी 10, तो 10 इंटू हम लोग को ये रूट 3 वाई कितना हो जाएगा 2, तो 5 इंटू हम लोग को 1.73 2, तो आंसर कौन सा आ जाएगा 8.66। कभी ऐसा काम किया है तुम लोग छत पे खेलता बॉल को फेंक दिया था, ये वाला हम लोग को कंसेप्ट यूज किए उसमें कम लिखना पड़े इसलिए डायरेक्ट वी नॉट साइन थीटा का वैल्यू ही पुट कर दिया दोनों जगह, तो दोबारा लिखना पड़ता दो चार स्टेप आउट। हम देखो हम लोगों ना जैसे अभी हम लोग को इधर फेंके थे हॉरिजॉन्टल से अपवर्ड डायरेक्शन में, अब हम लोग को नीचे फेंक रहे हैं ऐसे थीटा एंगल पे, हॉरिजॉन्टल से डाउनवर्ड एंगल में किस एंगल में फेंक रहे हैं, तो जहाँ से प्रोजेक्ट करेंगे वहीं पे हम लोग क्या मान लिए और जी, और स्टॉपवॉच हम लोग ऑन कर लेंगे टाइम काउंट करने के लिए, इधर हम लोग कौन सा एक्सिस हो गया एक्स, इधर कौन सा एक्सिस हो जाएगा वाई, और ये एंगल हम लोग क्या हो गया थीटा जी, हम लोग किधर लगेगा वर्टिकली डाउनवर्ड, इस बार हम लोग को वी नॉट एक्स जो हो जाएगा वी नॉट कॉस थीटा हो जाएगा, पता चला ये हम लोग वेलोसिटी है ना वी नॉट, वी नॉट से फेंका गया है, इसका कंपोनेंट हम लोग इधर लिखेंगे ना ऐसे वी नॉट कॉस थीटा,
इधर हम लोग को एक्स में पॉजिटिव और बाई में किधर हो जाएगा जी, निगेटिव। तो वी नॉट बाई लिखेंगे तो क्या लिखेंगे बताओ, माइनस वी नॉट साइन थीटा ना जी, समझ में आया। मतलब एक्स में पॉजिटिव हो जाएगा, बाई में क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। फिर एक्स तो हम लोग वही हो जाएगा, तो एक्स के वैल्यू हम लोग को जीरो ही हो जाएगा और ये वाई के वैल्यू कितना हो जाएगा, माइनस जी। जैसे देखो क्या चेंज हुआ, ये तो दोनों सेम ही रहा पहले जैसा ही, अभी जो ऊपर अपर डायरेक्शन में प्रोजेक्ट किए थे ना उसमें ये सेम ही रहा, ये वाला सेम ही रहा, यहाँ पे पहले प्लस था अब यहाँ पे क्या गया माइनस। अभी तो अभी जितना भी एक्सप्रेशन निकाला था जहाँ जहाँ वी नॉट साइन थीटा है वहाँ पे क्या पुट कर लेना, माइनस वी नॉट साइन थीटा। पहले भी तो लोग पढ़ाए थे ना उसमें वर्टिकल प्रोजेक्टाइल मोशन में, तो पहले ऊपर फेंके वी नॉट हो गया, नीचे फेंके वी नॉट के जहाँ पे क्या कर देना, माइनस वी नॉट, सेम रिजल्ट हम लोग इसमें हो जाएगा। तो टाइम ऑफ फ्लाइट हम लोग क्या लिख देंगे बताओ, माइनस वी नॉट साइन थीटा लिख देंगे और प्लस, तो यहाँ तो अंडर रूट करेंगे तो माइनस के जहाँ पे प्लस ही आ जाएगा ना, तो यहाँ पे सेम ही रह जाएगा, टू जी एच वाई क्या हो जाएगा जी। रेंज तो चेंज होगा नहीं क्योंकि वी नॉट कॉस थीटा चेंज हुआ नहीं, एक्सप्रेशन रेंज का वैल्यू तो चेंज हो जाएगा लेकिन एक्सप्रेशन चेंज नहीं होगा। अब यहाँ से जो टी निकालेंगे ना उस वाले टी का वैल्यू इसमें पुट कर देंगे, इससे भी ये रेंज होगा ना, ये वाला हम लोग को टर्म हो जाएगा रेंज हो जाएगा। मान लीजिए पॉइंट पी पे हम लोग को आर कोऑर्डिनेट माइनस एच हो जाएगा कोऑर्डिनेट, वेलोसिटी स्ट्राइक करेगा ये बी वेलोसिटी से, ये एंगल फाई हो गया, तो वेलोसिटी हम लोग उतना ही हो जाएगा। पहला टर्म कितना था वी नॉट कॉस थीटा, ये तो चेंज होगा नहीं, दूसरा था हम लोग को यहाँ पे वी नॉट स्क्वायर, तो ये भी तो चेंज होगा नहीं ना, क्योंकि स्क्वायर करेंगे माइनस करते क्या हो जाएगा प्लस ही। तो देखो वेलोसिटी चेंज होगा नहीं और स्पीड तो इंडिपेंडेंट था, तो स्पीड हम लोग उतना ही हो जाएगा, तो स्पीड हम लोग को सेम रहेगा। और एंगल टैन फाइव जो लिखेंगे तो टैन फाइव हम लोग वही लिख देंगे, हम लोग वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस टू जी। तो यही हो गया सर। ये बोल रहे थे हाइट ऑफ टावर एच लिख देना, देखो इसको बना तो बनेगा, लिखवाने पर्सन स्टैंडिंग ऑन द टॉप ऑफ क्लिफ 171 फीट हाई हैड टू थ्रो ए पैकेट टू हिज फ्रेंड स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड इतना फीट हॉरिजॉन्टली अवे, ही थ्रो द पैकेट डायरेक्टली एमिंग एट द फ्रेंड विद द स्पीड इतना, हाउ शॉर्ट विल द पैकेट फॉल। देखो एक हम लोग को एक क्लिफ है, मतलब कोई पहाड़ टाइप का है या हाई बिल्डिंग है, यहाँ पे एक लड़का खड़ा है, ये अपने फ्रेंड को ना एक पैकेट दे रहा है, डायरेक्टली एम करके दे रहा है, बुक्का है, फिजिक्स पढ़ा हुआ नहीं है, ये कैच करने की कोशिश कर रहा है उसको ऐसे फेंका, तो क्या पैकेट उसको मिल जाएगा बताओ। मान लिया वी नॉट ऐसे फेंका डायरेक्टली एम करके, उसके हाथ में ना पैकेट नहीं जाएगा, उसे खाली हाथ फैलाया होगा दिखा देना, उसको पैकेट मिलेगा ही नहीं क्योंकि उसका फ्रेंड ना बोका है, फिजिक्स नहीं पाया है, क्यों नहीं मिलेगा बताओ।
ऐसे गिर जाएगा ना, यहाँ से पाथ बना लेगा ना जी, ग्रेविटी ऐसे फेंकेगा ना, उसको ग्रेविटी नहीं लगता तो ना सामने जाता, अगर भाई कुम रहता तो सीधे फेंकता, सीधे चला जाता। तो लेकिन हम लोग को वही पूछ रहा कि हम लोग पैकेट तो यहाँ पे गिर जाएगा, तो कितना ही डिस्टेंस पहले गिर गया, वही पूछ रहा है। तो इस वाले टर्न को क्या बोले, अभी बताया थे रेंज, और ये वाला हम लोग कितना दिया हो, कितना दिया हो जी, 228 फीट फ्रेंड इतना, और ये हाइट कितना दिया हुआ, 171 फीट। तो ये एंगल थीटा हो जाएगा, तो ये वाला एंगल थीटा हो जाएगा ना, तो टाइन थीटा से हम लोग निकल जाएगा, टाइन थीटा थीटा तो निकल जाएगा ना, 171 / 228, 3/4 हो जाएगा, तो थीटा का वैल्यू कितना होगा जी, 37। थीटा तो हमारा निकल गया, और वी नॉट भी दिया हुआ, कितना दिया जी, नहीं दिया वी नॉट, तो 15 फीट पर सेकंड होगा, 15 फीट पर सेकंड। अब निकल जाएगा ना रेंज का वैल्यू, टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल लेना पहले, रेंज निकाल लेना, फिर 228 में आर घटा देना, समझ में ना जी। यहाँ इस वाले फॉर्मूला से हम लोग को वी नॉट साइन थीटा भी बताए थे ना, और डिवाइड प्लस एस सी वर्मा का क्वेश्चन है, तो यहाँ से टाइम फ्लैट निकालना ना, फिर हम लोग को इस वाले फॉर्मूला से क्या निकाल लेना, रेंज। तो फिर बोला वही हाउस शॉर्ट डिस्टेंस हम लोग को कम, तो 228 में क्या करेंगे, आर को घटा देंगे, अच्छा ये हाँ नीचे है ना, यहाँ पे माइनस कर देना, और इसमें जी का वैल्यू कितना लेना है, 32। बताए ना जी का वैल्यू, इसमें पैकेट पे जो जी लगेगा ना, 32 फीट पर सेकंड स्क्वायर लगेगा, बाकी कैलकुलेट कर लेना। एक इसको बनाओ तो देखो, ये होगा बन गया, द चाइल्ड स्टैंड ऑन द एज ऑफ द क्लिप 10 मीटर अबव द ग्राउंड एंड थ्रो ए स्टोन हॉरिजॉन्टली विद हिज इनिशियल स्पीड इतना, अच्छा ये हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट किया जी, रुको अभी इसको बताते हैं, एक केस थर्ड केस का है, या तो थीटा का वैल्यू जीरो कर लो, इस एक्सप्रेशन में आ जाएगा, थीटा का वैल्यू जीरो करोगे तो निकल जाएगा ना, टाइम ऑफ फ्लाइट निकल जाएगा, स्पीड पूछा, अच्छा स्पीड तो हम लोग को सेम ही हो जाएगा, बताते हैं सारा केस में स्पीड क्या हो जाएगा, सेम, तो वी नॉट स्क्वायर प्लस 2gh, हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट करेंगे ना तो स्पीड इतना ही आता है, तो 5 का होल स्क्वायर हो गया, और जी का वैल्यू कितना, 10, और हाइट कितना दिया हुआ, 10, तो 225 आ जाएगा ना जी, 15 आ जाएगा, आंसर हम लोग को ये आ जाएगा। जे मेंस में कुछ पूछा रिसेंटली अभी 2022-23 का, छत पे से सामान फेंकना रहेगा ना, तो जहाँ पे फ्रेंड खड़ा रहेगा ना उससे थोड़ा दूर फेंकना, तो उसके पास जाएगा, डायरेक्टली फेंकेगा ना, वहाँ पे खड़ा वहाँ फेंके तो पहले ही गिर जाएगा। अब लिखो, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम टावर इन हॉरिजॉन्टल एक्स, अब हॉरिजॉन्टली हम लोग फेंक दिए हैं, तो इधर ही हम लोग को एक्स एक्सिस है, इधर हम लोग को वाई एक्सिस, यहीं पे ऑरिजिन मान लिए, यहीं पे स्टॉप वॉच ऑन कर लें, तो ये टाइम टी का वैल्यू कैपिटल टी पे स्ट्राइक करेगा, ये हम लोग को रेंज हो जाएगा, ये पॉइंट पी हो गया, इसका कोऑर्डिनेट हम लोग आर कॉमा कितना हो जाएगा, -h, और ये हम लोग को वेलोसिटी हो जाएगा, एंगल फाइव हो जाएगा,
हाइट ऑफ टावर एच है, तो इसमें देखो वी नॉट एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा जी, वी नॉट कॉस जीरो हो जाएगा, दैट इक्वल टू वी नॉट हो जाएगा ना, और वी नॉट वाई का वैल्यू कितना हो जाएगा, वी नॉट साइन जीरो, वी नॉट इंटू जीरो कितना हो गया जीरो, एक्स कंपोनेंट कितना हो गया वी नॉट, वाई कंपोनेंट कितना हो गया जीरो, एक्स एक्सिस का लॉन्ग ही था ना, तो थीटा हम लोग कितना बनाया है जीरो, थीटा हम लोग को यहाँ पे कितना बना रहा है जीरो, हम लोग को जी किधर लेगा वर्टिकली डाउन पर, ये 90 डिग्री बना रहा, तो एक्स का वैल्यू जीरो ही रहेगा और डी वाई का वैल्यू माइनस जी ही रहेगा। तो देखो अभी जहाँ जहाँ वी नॉट साइन थीटा था ना वहाँ वहाँ क्या पुट कर लेना जीरो, और जहाँ जहाँ वी नॉट कॉस थीटा था वहाँ पे क्या पुट कर लेना वी नॉट, बाकी सब सेम रिजल्ट आ जाएगा। तो टाइम ऑफ फ्लाइट का रिजल्ट हम लोग को कितना आ जाएगा जी, जैसे वी नॉट साइन थीटा था ना और प्लस वी नॉट साइन थीटा यहाँ पे क्या था होल स्क्वायर और प्लस टू जी एच बाई जी, तो इसको हम लोग क्या कर लेना है जीरो, ये भी क्या कर लेना है जीरो, तो क्या बच जाएगा हम लोग को, ऊपर बच जाएगा टू जी एच और नीचे बच जाएगा जी, इसके अंदर उसको लेके चले जाना तो जी स्क्वायर, तो जी जी क्या हो जाएगा गायब, ये कितना बचेगा रूट अंडर टू एच बाई जी, ये टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला निकल गया, याद रखना रूट अंडर टू एच बाई जी, मतलब हॉरिजॉन्टली फेंकते हैं ना तो हम लोग इतना होता है, तो हॉरिजॉन्टल रेंज कितना हो जाएगा हम लोग को पहले था ना वी नॉट कॉस थीटा इंटू टी, तो वी नॉट कॉस थीटा के जगह पे हम लोग क्या पुट कर लेंगे अब वी नॉट, तो रेंज कितना हो जाएगा हम लोग को वी नॉट इंटू टी, और रेंज का वैल्यू कितना निकल गया उधर से टू एच बाई जी, और वेलोसिटी जो निकलेगा तो ये हम लोग को वी नॉट आई हो जाएगा माइनस रूट अंडर टू जी एच इंटू जे कैप हो जाएगा, पता चला जी वेलोसिटी इतना हो जाएगा, वी नॉट कॉस थीटा था उसके जहाँ पे वी नॉट पुट कर लेंगे और वी नॉट साइन थीटा था उसके जहाँ पे जीरो, जीरो प्लस टू जी एच हो जाएगा, और स्पीड तो हम लोग को उतना ही रहेगा वी नॉट स्क्वायर प्लस टू जी एच, ऐसे भी यहाँ से इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे तो ऊपर दिख रहा होगा ना, मैग्नीट्यूड निकालोगे तो ही आ जाएगा, तो इसमें हम लोग टाइम ऑफ फ्लाइट याद रखना रूट अंडर टू एच वाई जी हो गया, रेंज वी नॉट इंटू टी हो गया, और स्पीड हम लोग को वी नॉट स्क्वायर प्लस टू जी एच का स्क्वायर रूट हो गया, और एंगल टैन फाई निकालना है तो टैन फाई निकाल सकते हो ना, ये कितना होता है वी वाई बाई वी एक्स, तो ये हम लोग कितना निकला माइनस रूट अंडर टू जी एच, और ये कितना निकला वी नॉट, ये वाला रिजल्ट लाने के लिए हम लोग क्या किए हैं कि वी नॉट साइन थीटा पहले प्रीवियस रिजल्ट था उसके जहाँ पे क्या रिप्लेस कर दिए वी नॉट, और वी नॉट कॉस थीटा सॉरी जीरो, अब वी नॉट कॉस थीटा था उसके जहाँ पे क्या रिप्लेस कर दिए वी नॉट, तो जहाँ जहाँ वी नॉट साइन थीटा था वहाँ पे जीरो कर लिए, जहाँ जहाँ वी नॉट कॉस थीटा था वहाँ पे वी नॉट कर लिए, रेंज हम लोग को सेम हो गया। जो एक नीट का क्वेश्चन है देखो, एक पार्ट के लिए एज ड्रॉ फ्रॉम हाइट, अनदर पार्ट के लिए बी एज प्रोजेक्ट इन हॉरिजॉन्टल एक्स विद स्पीड 5 मीटर पर सेकंड फ्रॉम द सेम हाइट, देन करेक्ट द सेट वन, द सेम हाइट से दो पार्ट के लिए को फेंका गया, एक पार्ट के लिए को क्या बोल रहा है जस्ट ड्रॉप कर गया, और दूसरा पार्ट के लिए को बोल रहा है कि हम लोग को वी नॉट का वैल्यू 5 मीटर पर सेकंड से प्रोजेक्ट कर दिया, कैसे गिरेगा समझा, तो ए वाला पार्ट के लिए ए है और ए वाला पार्ट के लिए क्या है बी है, तो क्या बोल रहा है देखो स्टेटमेंट हम लोग को पूछा है करेक्ट स्टेटमेंट,
द पार्टिकल ए विल रीच एट द ग्राउंड फर्स्ट विथ रिस्पेक्ट टू पार्टिकल बी, तो कौन फर्स्ट पहुंचेगा? तो दोनों में टाइम ऑफ फ्लाइट क्या बताया था? सेम बताया था ना, इसमें भी इस केस में भी टाइम ऑफ फ्लाइट बताया था तुम लोगों जी, रूट अंडर 2h बाई जी, और इसमें भी टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हो गया? रूट अंडर 2gh बाई जी हो जाएगा। पार्टिकल बोथ पार्टिकल वेरी इज एट ग्राउंड सिमल्टेनियसली, तो दोनों हम लोगों ग्राउंड क्या कर सिमल्टेनियसली हम लोगों सी हो जाएगा आंसर। माने एक को हम लोग छोड़ दिया गया और एक को हॉरिजॉन्टली फेंक दिया, तो दोनों हम लोगों सेमी टाइम गिरा। करके देखना तो ऐसा, तो ये फॉर्मूला सब याद रखना, जितना भी सब फॉर्मूला बताएं, वर्टिकल प्रोजेक्टाइल, ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल, सब। देखो क्वेश्चन जे मेन से पूछा है, देखो बनाओ तो बनेगा, और ये एस सी वर्मा के क्वेश्चन से उसको बनाओ उसको, हाँ बन को, वन नंबर कहाँ से आ गया फिर से? नंबरिंग नहीं किया होता जिसमें, देखो हेलीकॉप्टर इज फ्लाइंग हॉरिजॉन्टली विद द स्पीड वी एट एन अल्टीट्यूड इट हैज टू ड्रॉप ए फूड पैकेट फॉर ए माइन ऑन द ग्राउंड, व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ हेलीकॉप्टर फ्रॉम द माइन व्हेन द फूड पैकेट इज ड्रॉप। तो देखो मतलब कि कोई हेलीकॉप्टर है, ये छाइट पे जा रहा था, स्मॉल एच दिया हुआ, तो ये हेलीकॉप्टर जा रहा है हम लोग ऐसे, हेलीकॉप्टर लग रहा है तुम लोगों? नहीं, एरोप्लेन लग रहा है, ठीक है ऊपर इसको चक्री बना दो। हेलीकॉप्टर ये फ्लाइंग हॉरिजॉन्टली विद द स्पीड वी एट अल्टीट्यूड एच हैज टू ड्रॉप ए फूड पैकेट फॉर मैन, व्हाट डिस्टेंस ऑफ हेलीकॉप्टर फ्रॉम द मैन व्हेन द फूड पैकेट इज ड्रॉप, मतलब रेंज पूछ रहा है, मतलब कि कितना पहले हम लोग गिरा देंगे तो हम लोग इसको फूड पैकेट जो माइन है ना उसको मिल जाए, मतलब समझो जो फूड पैकेट गिराएगा उसका एक वेलोसिटी रहेगा कितना, जितना हेलीकॉप्टर की वेलोसिटी है, और ये हम लोगों को पूछ रहा है, ये रेंज तुमको पूछ रहा है, इससे चलते हम लोग हेलीकॉप्टर जा रहा है फूड पैकेट छोड़ा, तो उसका वेलोसिटी रहेगा ना इससे, समझो फूड पैकेट का वेलोसिटी कितना रहेगा? वी रहेगा, जितना हेलीकॉप्टर का वेलोसिटी रहेगा। अब हॉरिजॉन्टली समझो फेंका गया एक फूड पैकेट, तो कितना डिस्टेंस पे वो रहेगा माइन के पहले गिराएंगे तो वो पहुंचेगा, समझ में आ गया? रेंज निकालना है, तो रेंज कैसे निकालते हैं अभी बताया था तुम लोग ना, वी इंटू टी, हाँ व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ हेलीकॉप्टर, अच्छा माइन से हेलीकॉप्टर कहाँ जी, ये माइन का डिस्टेंस पूछ रहा है हेलीकॉप्टर से, ये वाला डिस्टेंस पूछ रहा है, ये वाला डिस्टेंस पूछ रहा है, तो ये हम लोग पहले रेंज वगैरह निकाल लेगा ना, ये भी हम लोग को रूट अंडर 2h बाई जी हो जाएगा, और फिर हम लोग को डी का वैल्यू पूछ रहा है, तो डी का वैल्यू निकालेगा ना एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, तो हम लोग को क्या हो जाएगा एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2h बाई जी, देखो ऐसा कौन सा मिल मैच कर रहा है, फर्स्ट हो रहा है ना, देखो ये एस सी वर्मा भी एक क्वेश्चन है, सोल्व एग्जाम्पल है, देखा है उसी क्वेश्चन को, देखो जेएमएस वाला रिसेंटली पूछ दिया, कॉपी कर दिया डायरेक्ट उठा के ऑब्जेक्टिव बना के, राइट एंगल ट्रायंगल हो गया समझे ना जी, ये वाला हाइपोटेनस हो गया, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर लिख देंगे ना हम लोग। अब देखो तीन स्टेयर है, एक दो तीन है, सबका हम लोग को इच स्टेप 10 सेंटीमीटर हाइट का है और 20 सेंटीमीटर वाइड है, जो भी है ना ये विड्थ ऑफ द स्टेप जो दिया हुआ है, अरे हाइट ऑफ स्टेप दिया हुआ है एच,
तो हर एक स्टेप का हाइट दिया हुआ 10 सेंटीमीटर और विड्थ कितना दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर। और इसको मीटर में चेंज करेंगे तो 0.1, 0.2 मीटर। व्हाट शुड बी द मिनिमम हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑफ बॉल रोलिंग ऑफ द अपर मोस्ट प्लेन सो एज टू हिट डायरेक्टली द लोएस्ट प्लेन। तो बोला इसका मिनिमम वेलोसिटी कितना हम लोग को यहाँ पे प्रोजेक्ट कर देंगे, माने मिनिमम वेलोसिटी को वी नॉट बोलते हैं, ताकि ना डायरेक्टली हम लोग लोएस्ट प्लेन को हिट कर दें। देखो अगर हम मेरा टास्क ये है कि इस पॉइंट को हम लोग बॉल को क्रॉस करवा देंगे, समझे, यहाँ से बॉल को हम लोग फेंकेंगे ना, इस पॉइंट को अगर क्रॉस करवा देंगे तो फिर डायरेक्टली वो गिर जाएगा। तो मिनिमम पूछ रहा है ना, मिनिमम, तो मिनिमम टास्क हम लोग यही है कि यहाँ से यहाँ पहुँचा देंगे, उसके बाद ऑटोमेटिक गिर जाएगा, अपने उसको टच नहीं करेगा। तो समझो ये बॉल है, मतलब उसको ऐसे समझना कि एक बॉल है, उसको यहाँ से यहाँ लाना है। तो देखो ये वाला हाइट कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ, देखो ये वाला हाइट कितना हो गया हम लोग को 2h, और ये विड्थ कितना हो गया हम लोग को 2b। समझो यहाँ से एक बॉल को फेंक रहे हैं हम लोग और यहाँ से यहाँ पहुँचाना है हमको। तुम्हारा रेंज पता चल गया ना, और ये हम लोग को हाइट ऑफ टावर पता चल गया, और ये हम लोग को वी नॉट था। तो अभी फॉर्मूला बताए थे ना, वी नॉट इंटू टी, तो हम लोग आर इक्वल टू वी नॉट, अरे हम लोग को क्या पुट कर लेंगे, 2h/g। आर के जहाँ पे हम लोग कितना पुट कर लोगे, ये आर का वैल्यू कितना हो जाएगा 2 × 0.2, ये 0.4 मीटर हो गया, अरे कितना हो गया 0.2 मीटर। तो आर के जहाँ पे हम लोग कितना पुट कर लेंगे, हमको वी नॉट चाहिए ना, आर हम लोग को रूट अंडर जी बाई 2h, ये 0.4 हो गया, और जी का वैल्यू कितना हो गया 10, और 2 गुने कितना हो गया 0.2। तो ये हम लोग कितना हो जाएगा आंसर जी, ये हो जाएगा ना 10 मल्टीप्लाई कर दो ऊपर नीचे तो कितना हो गया 100/4, नीचे कितना हो जाएगा 100 का स्क्वायर कितना हो गया 10, हो जाएगा 10/2, 10/2 कितना हो गया 5, तो 5 × 0.4 कितना हो गया 2 m/s। आज समझ में बोला कि इस बॉल को मिनिमम वेलोसिटी कितना दे देंगे कि डायरेक्टली हम लोग लोएस्ट प्लेन को हीट कर दें। तो हमको एटलीस्ट हम लोग यहाँ पे पहुँचा देंगे, यहाँ पे पहुँचा देंगे, मतलब इसको टच नहीं कर रहे, तो डायरेक्टली हम लोग लोएस्ट स्टेप ऐसे हीट कर देगा, ये सोचना था इसमें। मैक्सिमम तो कुछ भी हो सकता है, मैक्सिमम डिफाइंड नहीं होगा इसमें। इसमें बोल रहे हैं ना कि बॉल को हम लोग कितना मिनिमम वेलोसिटी दे देंगे कि डायरेक्टली हम लोग लोएस्ट स्टेप को स्ट्राइक करें। तो अगर हम बॉल को यहाँ पे पहुँचा देंगे उसके बाद तो ऑटोमेटिक गिर जाएगा ना, तो मिनिमम देना है, मिनिमम के हम लोग कितना दे देंगे कि वो डायरेक्टली स्ट्राइक करें। तो यहाँ से यहाँ, तो समझो एक हम लोग को बॉल है उसको यहाँ से यहाँ पहुँचाना है, तो ये हाइट कितना हो गया 2h, और ये विड्थ कितना हो गया b+b 2b। तो हम लोग को अभी बताया था ना हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टर, समझो एक टावर है, इसका हाइट h है, और रेंज कितना हो गया r हो गया। तो उसको अभी जो पढ़े थे ना उसमें कन्वर्ट कर लिए। अब हम लोग पढ़ेंगे इंक्लाइन प्लेन पे प्रोजेक्टाइल मोशन। तो लिखना भी ना, ऑब्जेक्ट इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम इंक्लाइन एट सम एंगल फ्रॉम हॉरिजॉन्टल। पहला है अप द इंक्लाइन प्लेन फेंकते हैं, मतलब एक पहाड़ इस टाइप से उस पर फेंक रहे हैं हम लोग। तो जहां से हम लोग प्रोजेक्ट किए वहीं पे हम लोग ऑरिजिन मान लिए, और स्टॉपवॉच हम लोग ऑन कर लिए। देखो इसमें हम लोग ना इंक्लाइन प्लेन के लॉन्ग हम एक एक्सिस मान लिए, समझा, इंक्लाइन प्लेन के लॉन्ग एक एक्सिस, और इंक्लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर हम लोग बाई एक्सिस। इस बार एक्सिस को हम चेंज कर दिए, समझे, इस बार एक्सिस को हम लोग चेंज कर दिए। एक्सिस तुम कैसे भी मान सकते हो, अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग मानना रहता है। तो हम लोग को इसमें जी किधर लेगा, जी तो वर्टिकली डाउनवर्ड ही लेगा। अब देखो ये जो हम लोग को हो जाएगा एक्स कंपोनेंट, वो हम लोग कितना हो जाएगा वी नॉट कॉस थीटा ही हो जाएगा, और वाई कंपोनेंट हम लोग कितना हो गया वी नॉट साइन थीटा, क्योंकि एक्सिस के चेंज किए ना हम लोग को थीटा अभी भी उतना है, इधर हम लोग को वी नॉट कॉस थीटा, इधर हम लोग कितना हो जाएगा वी नॉट साइन थीटा। इस बार एक्स का वैल्यू चेंज हो जाएगा, अरे वाई का वैल्यू भी चेंज हो जाएगा। देखो हम लोग को ए वाला कितना है, हम लोग को
90, तो एक एक्सिस से एंगल कितना बनाएगा जी 90 प्लस अल्फा, अल्फा क्या एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। तो देखना इधर इसका प्रोजेक्शन हमको चाहिए किधर, एक्स एक्सिस में, तो कितना से घूमे 90 प्लस अल्फा, उसमें कोसाइन लगा देंगे, मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई कर दी, इतना पता चला कि माइनस जी साइन अल्फा हो जाएगा। इस बार एक्स का वैल्यू जीरो नहीं होगा, आप ए वाई का वैल्यू कितना हो जाएगा, देखो बाई हम लोग एक्सिस इधर है तो ये निगेटिव बाई हम लोग इधर हो जाएगा, देखो ये हम लोग को ये अल्फा हो जाएगा जी, ये वाला एंगल, ये वाला अल्फा नहीं हो चुका, ये 90 है, ये अल्फा, ये वाला एंगल कितना हो जाएगा अल्फा, इसका प्रोजेक्शन हम लोग निगेटिव बाई एक्सिस में चाहिए, तो जी कॉस अल्फा, और निगेटिव एक्सिस में इसलिए हम लोग इसमें माइनस साइन लगा देंगे। नहीं पता चला, इसका प्रोजेक्शन इधर निगेटिव बाई एक्सिस में लिए, तो पूरा एंगल 90 में अल्फा है ना, तो अल्फा घटा देंगे, तो 90 घटा दी, ये वाला तो 90 है ना, ये देखो ये वाला भी क्या है 90, क्योंकि हम लोग को एक्स एक्सिस है और ये वाला हम लोग को निगेटिव बाई एक्सिस है, देखो 90 प्लस अल्फा में से 90 हम घटा देंगे, ये वाला कितना बचेगा, अल्फा ही बचेगा ना, इस बार वी नॉट एक्स वी नॉट वाई सेम रहेगा, लेकिन एक्स एंड वाई क्या हो गया चेंज हो गया। अब देखना हमको टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है, तो यहाँ से यहाँ मान लिया टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया, इस पॉइंट पे स्ट्राइक करेगा उसका कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, मान लिया पॉइंट पी हो गया, बताओ देखो एक्स एक्स कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा आर, और वाई कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा जीरो, और वेलोसिटी हम लोग को ऐसे रहेगा, इसका एंगल फाइव मान लेते हैं। नहीं पता चला, देखो वो पॉइंट हम लोग कहाँ पे एक्स एक्सिस पे ना, एक्स एक्सिस से वाई कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा जीरो, और ये वाला रेंज हम लोग कितना हो गया आर, यहाँ पे ऑरिजिन माने थे ना, तो ऑरिजिन से जितना चलेंगे वो एक्स कोऑर्डिनेट वाई में चले नहीं चले, तो वाई कोऑर्डिनेट कितना हो गया जीरो, कितना हम लोग पहले लिख लिए। अब जैसे हम लोग पहले पढ़ते थे ना उसी तरह से हम लोग पढ़ेंगे, टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने के लिए कौन सा इक्वेशन लगाते हैं, सेकंड इक्वेशन मोशन बाई डायरेक्शन, बाई माइनस बाई नॉट वी नॉट बाई टी प्लस हाफ ए बाई इंटू टी स्क्वायर, तो देखो बाई फाइनल कोऑर्डिनेट कितना हो गया जीरो, इनिशियल भी कितना हो गया जीरो, वी नॉट बाई का वैल्यू कितना हो गया वी नॉट साइन थीटा, और टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हो गया टी, और ए बाई का वैल्यू कितना इस बार हो गया माइनस जी कॉस अल्फा इंटू टी स्क्वायर, इधर जीरो हो गया इधर टी कॉमन हो जाएगा, यहाँ बच जाएगा वी नॉट साइन थीटा और यहाँ बच जाएगा जी कॉस अल्फा बाई टू इंटू टी, कितना हो जाएगा, तो टी तो जीरो होगा नहीं, तो टी तो जीरो नहीं होगा तो किसको जीरो होना पड़ेगा, इसको वी नॉट साइन थीटा माइनस जी कॉस अल्फा बाई टू इंटू टी और इक्वल टू कितना हो जाएगा जीरो, तो वी नॉट साइन थीटा इक्वल टू लिख सकते जी कॉस अल्फा बाई टू इंटू कितना हो जाएगा टी, तो टाइम फ्लैट का वैल्यू निकालना है तो कितना हो गया टू वी नॉट साइन थीटा बाई जी कॉस अल्फा। देखो पहले हॉरिजॉन्टल प्लेन से जो टाइम ऑफ फ्लाइट आता था कितना आता था टू वी नॉट साइन थीटा बाई जी, अब यहाँ पे जी के जगह पे कितना हो गया जी कॉस अल्फा हो गया। अब देखो अल्फा का वैल्यू जीरो कर दो, मान लिया प्लेन हम लोग ऐसा है, अल्फा का वैल्यू जीरो कर देंगे तो ऐसा हो जाएगा, तो कॉस अल्फा का वैल्यू कितना हो जाएगा वन, अल्फा का वैल्यू जीरो कर देंगे तो कॉस अल्फा कॉस जीरो कितना हो जाता वन, तो पहले जैसे ही टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया ना टू वी नॉट साइन थीटा बाई जी, तो हॉरिजॉन्टल वाला से याद रखना तो उसी जैसा होता है, नीचे में हम लोगों को कॉस अल्फा मल्टीप्लाई हो गया। हम देखो रेंज निकालते हैं, रेंज ऑन इंक्लाइन प्लेन, तो रेंज निकालने के लिए कौन सा इक्वेशन लगाएंगे, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन इन एक्स डायरेक्शन, तो हम लोग को डेल्टा एक्स इजिकल टू एक्स माइनस एक्स नॉट वी नॉट एक्स टी प्लस हाफ एक्स टी स्क्वायर, देखो फाइनल एक्स कोऑर्डिनेट कितना हो गया आर, इनिशियल एक्स कोऑर्डिनेट कितना हो गया जीरो, तो फाइनल एक्स कोऑर्डिनेट आर हो गया, इनिशियल हम लोग को जीरो हो गया, अब वी नॉट एक्स का वैल्यू कितना है वी नॉट कॉस थीटा,
और ये टाइम ऑफ फ्लैट हो गया, और x का वैल्यू हम लोग को माइनस जी साइन अल्फा हो गया, और इनटू कितना हो जाएगा टी स्क्वायर। अब इसमें देखो t हम लोग को एक कॉमन हो जाएगा, तो ये कितना बच गया v नॉट cos थीटा और माइनस जी साइन अल्फा बाई टू, और इंटू कितना हो जाएगा t। अब देखो t का जो वैल्यू निकाले थे ना उसको पुट कर लेना, टू v नॉट साइन थीटा बाई जी cos अल्फा, ये v नॉट cos थीटा हो गया माइनस जी साइन अल्फा बाई टू, और टी का वैल्यू कितना हो जाएगा टू वी नॉट साइन थीटा बाई जी कॉस अल्फा। तो देखो जी जी क्या हो जाएगा कैंसिल, टू टू क्या हो जाएगा कैंसिल, और वी नॉट हम लोग को कॉमन हो जाएगा जी, तो यहाँ पे लिख सकते हैं टू वी नॉट स्क्वायर साइन थीटा, और नीचे हम लोग को जी कॉस अल्फा, यहाँ बच जाएगा cos थीटा माइनस sin अल्फा इंटू साइन थीटा डिवाइडेड बाई क्या लिख सकते हैं cos अल्फा। इसको देखो इसको cos अल्फा एलसीएम ले लेंगे, ऊपर क्या बच जाएगा जी cos थीटा इंटू cos अल्फा माइनस साइन थीटा इंटू साइन अल्फा, ये किसी का फॉर्मूला होता है जानते होंगे, नहीं जानते हो जी किसका फॉर्मूला होता है कॉस ए प्लस बी का, नीचे हो गया जी कॉस स्क्वायर अल्फा। तो देखो रेंज का फॉर्मूला ये हम लोग हो गया टू वी नॉट स्क्वायर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस अल्फा। इस फॉर्मूला को याद रखना, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है, पहले होता था ना ये टू वी नॉट स्क्वायर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होता था जी, तो टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा को साइन टू थीटा लिख देते थे, समझा आपकी कॉस थीटा के जहाँ पे थीटा प्लस अल्फा आ गया, और नीचे में हम लोग को जी के जहाँ पे क्या आ गया कॉस स्क्वायर अल्फा आ गया जी कॉस स्क्वायर अल्फा। फॉर्मूला जैसे याद रखने तरीका बताए ना वैसे याद रखना, तो सबका अलग अलग याद रखो तो पगला जाओगे, सब एक ही जैसा फॉर्मूला है, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो याद रह जाएगा। वर्टिकल प्रोजेक्टाइल मोशन में वी नॉट आता था, तो इसमें हम लोग को वी नॉट के जगह पे क्या कर देंगे वी नॉट साइन थीटा, टाइम फ्लैट बताए थे ना वी नॉट प्लस वी नॉट स्क्वायर प्लस टू जी एच वाई जी, वहाँ वी नॉट के जगह पे वी नॉट साइन थीटा कर लेना, और डाउनवर्ड फेंकेंगे तो वी नॉट के जहाँ पे माइनस वी नॉट कर लेना, और हॉरिजॉन्टली फेंकेंगे तो वी नॉट साइन थीटा के जहाँ पे जीरो कर लेना, हो गया। और ये इंक्लाइन वाला अलग से याद रखना है, तो उसी के जैसा होता है टू वी नॉट स्क्वायर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बाई जी होता था पहले, समझा टू वी नॉट स्क्वायर साइन थीटा, और कॉस थीटा के जहाँ पे कितना आ गया थीटा प्लस अल्फा। देखो इसमें हॉरिजॉन्टल से हम लोग एंगल कितना हो गया, देखो अल्फा प्लस थीटा हो गया ना, पहले हॉरिजॉन्टल से फेंकते थे तो हम लोग यहाँ पे थीटा आता था, अब देखो थीटा हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल पे फेंके हैं थीटा प्लस अल्फा, तो थीटा के जहाँ पे थीटा प्लस अल्फा ले आएंगे साइन वाला कॉस वाला में, नोट कर लिया। देखो वेलोसिटी एट विच ऑब्जेक्ट स्टैक दी ग्राउंड, यहाँ पे इंक्लाइन प्लेन कर लेना, स्टैक दी इंक्लाइन प्लेन, ग्राउंड के जहाँ पे ना इंक्लाइन प्लेन लिख देना, यहाँ पे इसको काट के क्या कर देना है इंक्लाइन प्लेन,
तो इसमें हम लोग को वी एक्स निकालते हैं, पहले तो वी नॉट एक्स प्लस एक्स टी हो जाएगा। तो वी नॉट एक्स का वैल्यू कितना है जी, वी नॉट कॉस थीटा, और एक्स का वैल्यू कितना है, माइनस जी साइन अल्फा और इनटू टी। तो हम लोग को वी नॉट कॉस थीटा हो गया माइनस जी साइन अल्फा, और टाइम ऑफ फ्लाइट का वैल्यू कितना बताए थे, टू वी नॉट साइन थीटा बाई जी कॉस अल्फा। तो जी जी तो गायब हो जाएगा, वी नॉट हम लोग को क्या ले लेंगे कॉमन, यहाँ बच जाएगा कॉस थीटा, और यहाँ क्या बच जाएगा जी, माइनस टू टैन अल्फा इंटू साइन थीटा। समझा, ये हम लोग क्या निकल गया एक्स कंपोनेंट। सिमिलरली हम लोग वाई कंपोनेंट निकाल लेंगे, तो वी वाई इक्वल टू हम लोगों वी नॉट वाई प्लस ए वाई इंटू टी, ये जगह वी नॉट साइन थीटा हो गया, और ए वाई का वैल्यू कितना हो गया जी, माइनस जी कॉस अल्फा, और टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हो गया टी। तो वी नॉट साइन थीटा माइनस जी, देखो इसमें जी कॉस अल्फा कैंसिल आउट हो गया ना जी, देखो वी नॉट साइन थीटा में माइनस टू वी नॉट साइन थीटा, तो कितना हो जाएगा वी वाई का वैल्यू माइनस वी नॉट साइन थीटा। तो वेलोसिटी हम लोग निकालेंगे, तो हम लोग क्या निकालेंगे जी, वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप। तो ये हम लोग को निकल गया वी नॉट कॉस थीटा माइनस टू टैन अल्फा इंटू साइन थीटा इंटू आई का, और इधर हो गया माइनस वी नॉट साइन थीटा इंटू जे का, ये हम लोग को निकल गया वेलोसिटी। अभी एंगल्स निकालना रहेगा टेन फाइव, तो टेन फाइव का वैल्यू हम लोग कितना होता है, वी वाई बाई वी एक्स, ये वी नॉट हो गया कॉस थीटा माइनस टू, सॉरी ऊपर वाला हम लोग वो जगह रह जाइए, वी वाई पहले है ना, तो ऊपर हम लोग माइनस वी नॉट साइन थीटा हो जाएगा, और नीचे वी नॉट कितना हो जाएगा, कॉस थीटा माइनस टू टैन अल्फा इंटू साइन थीटा। तो वी नॉट कैंसिल आउट हो गया, तो टेन फाइव का वैल्यू हम लोग को इसको ऐसे लिख सकते हैं, वन बाई टू टेन अल्फा माइनस कॉट थीटा लिख सकते हैं, जितना समझ में आएगा जी कि नहीं आएगा, तो वी नॉट कैंसिल कर लिया ठीक है, और ऊपर नीचे माइनस से मल्टीप्लाई कर लिए और साइन से डिवाइड कर लिए, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा वन, यहाँ क्या बच गया कॉट, और यहाँ क्या बच गया टू टेन अल्फा, तो माइनस से हम लोग इसमें कॉमन लेंगे, तो यहाँ पे माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस माइनस कैंसिल, तो ये वाला टर्म पहले आ जाएगा, ये वाला टर्म बाद में आ जाएगा। अब इसमें बोलेंगे इंक्लाइन प्लेन को ना परपेंडिकुलरली स्ट्राइक कर ले, तो परपेंडिकुलरली स्ट्राइक करेगा तो फाइव का वैल्यू कितना हो जाएगा 90, तो टेन फाइव का वैल्यू कितना हो जाएगा इन्फिनिटी। समझा, टेन फाइव का वैल्यू कितना हो जाएगा इन्फिनिटी, तो टेन फाइव को इन्फिनिटी होने के लिए इसका वैल्यू कितना होना पड़ेगा जीरो, टू टेन अल्फा इजिकल टू कितना हो जाएगा कॉट थीटा, यहाँ से थीटा निकल जाएगा ना कॉट इनवर्स टू टेन अल्फा, तो रिजल्ट कभी डायरेक्टली तुमको पूछ देगा इंक्लाइन मतलब पार्टिकल को कितना एंगल पे प्रोजेक्ट कर देंगे, सो दैट इंक्लाइन प्लेन को कैसे स्ट्राइक करें परपेंडिकुलरली, तो थीटा का वैल्यू कॉट इनवर्स टू टेन अल्फा लिख देना। तो परपेंडिकुलर स्ट्राइक करने का कंडीशन है कितना एंगल पे प्रोजेक्ट करेंगे इंक्लाइन प्लेन को और परपेंडिकुलरली स्ट्राइक कर दें,
माइनस नीचे कॉमन ले लिए तो टू टाइन अल्फा वाला टर्म पहले आ गया, फिर साइन से डिवाइड कर लिए ऊपर नीचे, ऊपर हो गया वन और टू टाइन अल्फा वहाँ बचा, कॉस वाइज साइन कितना हो जाएगा कॉट। आइए तुम लोग समझ में, देखो अब हम लोग ऊपर से नीचे फेंकते हैं, देखो कैसे फिगर बनाओ, तुम लोग डाउन द इंक्लाइंड प्लेन फेंके हैं तो टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला सेम ही हो जाता है, रेंज हम लोग को जहाँ पे माइनस था वहाँ प्लस हो जाता है, और इसमें हम लोग को यहाँ पे जहाँ माइनस था वहाँ प्लस हो जाता है, बाकी सब सेम हो जाता है। इसको अलग से नहीं निकालेंगे, देखो इधर हम लोग किधर मान लिए, इस बार नीचे हम लोग एक्स एक्सिस मान लिए और ऊपर हम लोग क्या मान लिए बाई एक्सिस, यहीं पे ऑरिजिन मान लिए, स्टॉपवॉच ऑन कर लिए, ये हम लोग इधर, हम लोग को ये वी नॉट इधर है, इसमें ऐसे स्ट्राइक करेगा तो ये रेंज हो गया हम लोग को, इसका कोने टार कॉमा जीरो हो जाएगा। इसमें जी किधर लेगा वर्टिकली डाउनवर्ड, तो देखो वी नॉट एक्स हम लोग वही हो जाएगा वी नॉट कॉस थीटा, वी नॉट वाई वही जाएगा वी नॉट साइन थीटा। इधर समझ में आया जी, जो देखो इधर हम लोग कॉस, इधर क्या हो जाएगा साइन, और एक्स का वैल्यू इस बार निकालना है, तो देखो ये हम लोग 90 डिग्री है, ये अल्फा, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा जी 90 माइनस अल्फा, तो इधर घूमना है तो जी कॉस 90 माइनस अल्फा से घूम के तो हम लोग को कितना हो जाएगा जी साइन अल्फा, और ए वाला एंगल हम लोग कितना हो जाएगा बताओ, ये 90 माइनस अल्फा तो ये कितना हो जाएगा अल्फा, और इधर कौन सा एक्सिस हो जाएगा निगेटिव वाई एक्सिस, तो ए वाई निकालेंगे तो हम लोग क्या लिख देंगे माइनस जी कॉस अल्फा। तो देखो इसमें हम लोग को सब चीज सेम ही रहा, इसमें हम लोग को इस पिछला बार माइनस था और यहाँ पे माइनस के जहाँ पे यहाँ पे क्या आ गया प्लस आ गया, तो जहाँ जहाँ पहले हम लोग जी साइन अल्फा में माइनस पुट किए थे वहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस, तो टाइम ऑफ फ्लाइट में तो हम लोग को चेंज हुआ नहीं, तो टाइम ऑफ फ्लाइट हम लोग को वही रह जाएगा टू वी नॉट साइन थीटा बाई जी कॉस अल्फा, जी कॉस अल्फा तो पहले भी सेम रहा था ना, और रेंज हो जाएगा हम लोग को कितना हो गया टू वी नॉट स्क्वायर साइन थीटा। अब देखो कॉस हम लोग यहाँ पे थीटा प्लस अल्फा था ना, और इस बार हम लोग को कितना हो जाएगा माइनस, और नीचे हम लोग को सब चीज सेम हो जाएगा। अब देखो बाद में तुमको कन्फ्यूजन हो सकता है कि रेंज किस में प्लस होगा किस में माइनस होगा, तो देखो ऊपर से नीचे फेंकेंगे तो ग्रेविटी के फेवर में जाएगा तो ज़्यादा रेंज कवर करेगा ना, और नीचे से ऊपर फेंकेंगे तो ग्रेविटी के अगेंस्ट फेंकेंगे तो कम हम लोग रेंज कवर करेगा। तो इसमें देखो थीटा कम तो कॉस वैल्यू क्या हो गया ज़्यादा, तो रेंज क्या हो गया ज़्यादा, रेंज किधर किसमें रखना है तो डाउन द प्लेन वाला में रेंज हम लोग को ज़्यादा रखना है, तो हम लोग यहाँ पे वैल्यू थीटा का वैल्यू क्या रखेंगे कम रखेंगे है ना, ये पिछला बार में दोनों जुट गया था तो ये वाला एंगल बढ़ गया तो कॉस का वैल्यू क्या हो जाएगा घट जाएगा, और ये वाला एंगल कम गया तो कॉस का वैल्यू बढ़ जाएगा, और टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला सेम ही होता है, और वेलोसिटी जो था हम लोगों ये कितना था बताओ वी नॉट कॉस थीटा था, और यहाँ पे माइनस था ना तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा टू टैन अल्फा इंटू साइन थीटा आई कर्व, और माइनस v नॉट साइन थीटा इंटू जे का वेलोसिटी यही रह जाएगा। तो टाइम फ्लैट का फॉर्मूला सेम हो गया, रेंज में जहां प्लस था वहां पे माइनस हो गया, और वेलोसिटी में भी जहां पे माइनस था यहां पे प्लस हो गया, एक्स वाला चेंज हुआ ना बाई वाला तो चेंज हुआ ना, तो बाई में कुछ नहीं करना चेंज, ओनली एक्स में चेंज हुआ ना इसमें चेंज हुआ, इसलिए हम लोग इसमें एक्स वाला में चेंज किए, बाई में चेंज नहीं हुआ, बाई में पहले ये भी सेम था और बाई में बाद में भी ये सेम है, तो बाई कंपोनेंट में हम लोग कुछ नहीं चेंज किया। तो रेंज एक्स कंपोनेंट ज्यादा था ना, इसलिए हम लोग पहले जहां पे प्लस था वहां पे क्या कर लिए माइनस, तो डायरेक्ट फॉर्मूला इसको याद रखना है। देखो इसमें हम लोग को
पूछा है जे मेन्स का क्वेश्चन है, लिखो है ना, ये प्लेन इज इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ अल्फा 30 डिग्री विथ रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल। ये पार्टिकल जो प्रोजेक्टेड विद स्पीड 2 मीटर पर सेकंड फ्रॉम द बेस ऑफ द प्लेन एट एंगल थीटा फ्रॉम द इंक्लाइंड प्लेन। एंगल हम लोग कहाँ से दिया हो, इंक्लाइंड प्लेन से ही एंगल दिया हो। थीटा जो 15 डिग्री है ना इंक्लाइंड प्लेन से, और ये हम लोग अल्फा दिया हुआ कितना 30 डिग्री, और ये वी नॉट कितना दिया हुआ 2 मीटर पर सेकंड। The distance from the base at which the particle hit the plane is close to, पूछा कितना डिस्टेंस के बाद पार्टिकल फिर से हिट किया, मतलब रेंज पूछ रहा है। तो रेंज कौन सा पूछ रहा है, ऑफ द इंक्लाइन प्लेन ना, तो 2v0 square sin theta into cos, यहाँ पे क्या हो जाएगा थीटा प्लस अल्फा। अब बाकी जानवी करता है, फॉर्मूला पुट कर लेना, कर लोगे ना, बन जाएगा ना, पुट द वैल्यू कर दीजिए उसका है। देखो ये भी हम लोग क्वेश्चन है, इसको बना लेना है। बुलेट इज फायर फ्रॉम द बॉटम ऑफ द इंक्लाइंड प्लेन एट 37 विद द इंक्लाइंड प्लेन, तो थीटा का वैल्यू कितना दिया हुआ है 37, और एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कितना दिया हुआ 30। तो पोजीशन ऑफ मैक्सिमम हाइट ऑफ द बुलेट फ्रॉम द इंक्लाइंड प्लेन पूछ रहा है, टाइम फ्लैट हॉरिजॉन्टल रेंज अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ प्रोजेक्शन भी रेंज भी मैक्सिमम, फिर मैक्सिमम रेंज पूछ रहा है, बन जाएगा नहीं। हाइट पूछ रहा है, तो हाइट कहाँ से पूछ रहा है, नहीं पूछ रहा है हॉरिजॉन्टल रेंज, द पोजीशन ऑफ मैक्सिमम हाइट ऑफ द बुलेट फ्रॉम द इंक्लाइन प्लेन। इंक्लाइन प्लेन पे मैक्सिमम हाइट पूछेगा तो ही हम लोग कितना लगा देना, वी नॉट स्क्वायर साइन टू थीटा बाई जी हो जाएगा 2g। ये भी बन जाएगा तुम लोग से, इसमें हम लोग थीटा का वैल्यू ना अल्फा ले लेना। देखो नहीं, पार्टिकल जो प्रोजेक्टेड हॉरिजॉन्टली विद द स्पीड वी नॉट फ्रॉम द टॉप ऑफ ए प्लेन इंक्लाइन एट एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल, बट हाउ फार द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन विल द पार्टिकल स्ट्राइक द प्लेन। तो अभी जैसे बताए थे ना, इसमें हम लोग ऐसा एक केस लिया हो गया है, जैसे ये कितना होता था अल्फा, इस पार्टिकल को हम लोग कैसे फेंक दिया गया है ऐसे हॉरिजॉन्टली, तो बोला पार्टिकल कितना एंगल पे जाके स्ट्राइक कर रहा है। तो देखो ये वाला हम लोग क्या लेते थे, थीटा लेते थे इंक्लाइन प्लेन से, तो इसमें थीटा अल्फा क्या हो जाएगा सेम, समझे, यही ना थीटा, यही हम लोग अल्फा हो जाएगा। तो रेंज पूछ रहा है, तो जहाँ पे अल्फा था वहाँ पे जगह पे थीटा, ये डॉन दी प्लेन रेंज हो गया ना, तो 2v0 square sin theta into cos क्या कर लेंगे, थीटा माइनस अल्फा, मतलब थीटा माइनस थीटा डिवाइड बाई जी कॉस स्क्वायर अल्फा, अल्फा के जगह पे क्या कर लेंगे थीटा, इसका वैल्यू कितना आ जाएगा कॉस जीरो, जीरो मतलब वन, तो रेंज का वैल्यू कितना आ जाएगा 2v0 square sin theta by g cos square theta। ये सी वर्मा क्वेश्चन है सॉल्व एग्जांपल का, नहीं आज समझ में थीटा का वैल्यू अल्फा क्यों लिया, हो गया पैरेलल हो गया ना, ये वाला पैरेलल हो गया, ये वाला पैरेलल हो गया, ये एंगल अल्फा तो ये वाला एंगल थीटा।